हेलो बच्चों नमस्कार क्या हाल चाल तो कैसे हैं आप सब लोग हाँ भाई कैसन बा हेलो हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अरे वाह बहुत बढ़िया इतने दिन क्या कर रहे थे बताता हूँ एक एक करके सबको बताऊंगा चलो चलो क्लास स्टार्ट करो देखो रे कितनी जनता आई है रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो जनता आई है कि नहीं आई है लाइक करो रे जो भी आए वो फटाफट लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो लाइक करो सब्सक्राइब करो हाँ जल्दी हाथ में होली मैं हो तो किसी का किसी के कलर मैं लगाऊंगा तो मेरे हाथ में भी तो लगेगा हैं तो क्या दस्ताने पहन के कलर लगाता है क्या लोगों के बता दस्ताने पहन के रिफ्रेश करो देखो अभी अचानक से चेंज होगा करते हैं शुरू करते हैं दो मिनट रुक जाओ लोगों को जुड़ जाने दो फिर बोलेंगे रिपीट करो रिपीट करो है चलो बढ़िया इससे ज़्यादा आएंगे भी नहीं ज्यादा आएंगे भी नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं अभी बहुत पढ़ते हैं बच्चे बच्चे व्यस्त हैं अभी टीचर्स को देखने में आ जाओ इससे ज्यादा आएंगे भी नहीं चल भाई चल इनके बहुत लोड है इधर उधर ऑडिटोरियम में जाना होता है इनको शहरों में आओ भाई आओ हजार लोग देख रहे हो लाइक पांच सौ इकहत्तर ही है भैया लाइक बढ़ाओ लाइक बढ़ाओ लाइक बढ़ाओ गाड़ी शुरू ही नहीं होगी प्राइवेट बस है अपने भर भर के ले जाएंगे भैया अपन तो रिक्शा वाले टाइप है जब सवारी फुल हो गई उसके बाद भी बिठाएंगे हाँ एक बार रिफ्रेश करो अटक रहा चलो तो ठीक है इतना काफी इतना काफी आज आप क्वेश्चन कराओगे मैंने कब नहीं कराए हैं राजा और राजे मैंने कब नहीं करा इस सवाल राजे दुनिया बड़ी जालिम है राजे चल आ कंप्लीट चैप्टर नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द एंड फ ब्लॉक एलिमेंट्स आयो ये ये चीजें मेनली हम पढ़ते हैं पहले हम डी ब्लॉक की खूब सारी प्रॉपर्टी करेंगे सबसे बड़ा पार्ट यही है एक्चुअली इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्टी है, यही है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेकिन एक खुशी की बात बताऊं खुशी की बात मतलब खुशी की नहीं तुम्हारी खुशी की बात बता रहा हूं हां सुनो क्या कि खुशी बहुत अच्छी लड़की है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डी बलॉग एलिमेंट में हम खूब सारी प्रॉपर्टी देखो जैसे मैं ये कहूं मैं तुमसे पूछूं क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ चुके हैं यस पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं याद आ रहा है याद आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ चुके हैं क्या हम साइज पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक की थ्री डी सीरीज की लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम आप बोलोगे यस yes, हम टेबल में पढ़ चुके हैं देख लो झूठ झूठ नहीं नहीं बोल रहा हूं नहीं बोलता हूं बोलता दावे के साथ बोल रहा हूं पढ़ाया है इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ा दिया है ठीक है हालांकि वो है आज भी क्या हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं डी एंड एफ ब्लॉक बोलो क्या हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं आंसर है कर चुके हैं क्या डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्यों बनाते हैं क्या कोऑर्डिनेशन में यह बात पढ़ा चुका हूं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बता चुका हूं बिल्कुल बता चुके बहुत सारी क्या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बता चुका हूं कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग होता है यह भी कॉर्डिनेशन में पढ़ा चुका हूं खूब सारी चीजें तो हम कर चुके हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहां देखने को भी नहीं मिलेगा नहीं सब कुछ है सब कुछ है पर मैं बता रहा हूं कि ज्यादा परेशान ना हो जिसने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है जिसने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है उसमें मान के चलो कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो आपको पहले से आती है सर बहुत होली खेला है आपने हाथ में अभी भी रंग लगा बेटा ये वो वाली होली नहीं है हमारे क्या है कि जो जहां हम रहते हैं वहां पे सप्तमी खेली जाती है जो कि कल परसों ही थी मतलब दो दिन पहले ही थी है ना जिसको शीतला सप्तमी बोलते हैं सप्तमी के दिन खेला जाता है हमारे तो इस वजह से ये इतना लंबा वरना कलर नहीं टिकता इतना लंबा तो उसका रंग भी मुझ पर नहीं चढ़ा था तुम क्या होली के रंगों की बात करते हो आ जाओ भाई डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देख लो इंट्रोडक्शन सिंपल सी बात है कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आए वो स्लाइड पे है ही नहीं कैसे आपको पता है ब्लॉक एलिमेंट कौन, कौन से होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली इंटरनल डी सबसेल में भरते हैं मतलब अंदर की डी सबसेल को बोलते हैं एन माइनस वन डी सबसेल पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं उसको एक होती है अल्टीमेट सेल अल्टीमेट सेल होती है बेटा एंथ एंथ जो होती है वो क्या होती है अल्टीमेट अल्टीमेट सेल क्या बोलते हैं इसको अल्टीमेट शेल कभी भी एंथ शेल जो होती है वो अल्टीमेट शेल होती है और जो एन माइनस वन होती है बेटा उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट तो ये पेनल्टी मेट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं मतलब अगर फोर्थ पीरियड है तो थ्री डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे होंगे डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं तो एन माइनस वन डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एक अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इनकी एक खास बात है और इनकी खास बात है यही कि इनमें पेनल्टी मेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होता है शेल में नहीं होता जैसे अगर आप बात करोगे तो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे फोरेस पहले से भरा हुआ होगा यहां यहां से लेके यहां पे, इस 3D में एक से लेके दस तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे हालांकि हम इसकी चर्चा अभी करने वाले हैं आगे पर ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए हैं बहुत बेसिक बातें डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड फ्रॉम जेड ट्वेंटी है ना कहां से शुरू होता है बेटा ट्वेंटी वन स्कैंडियम से शुरू होता है सब कुछ पता है आपको ग्रुप नंबर जो इनको असाइन किए जाते हैं वो थ्री टू ट्वेल्व होते हैं टोटल होते होते हैं हैं कितने बेटा दस ग्रुप होते हैं टोटल टोटल ग्रुप 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 होते होते हैं होते हैं, हैं। ठीक है कितने नॉन एज ट्रांजिशन मेटल्स ठीक है अब ये ट्रांजिशन मेटल्स क्यों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ट्रांजिशनल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ये पुरानी मान्यता है पुरानी मान्यता का मतलब समझ रहे हो हाँ पहले यह माना जाता था कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है दो के बीच की मतलब ट्रांजिशन का मतलब होता है एक इंटरमीडिएट टाइप की चीजें ट्रांजिशन फेज हम बोलते हैं ना कि अभी तो उसका ट्रांजिशन फेज चल रहा है ट्रांजिशन फेज का मतलब होता है कोई एक चीज इधर से इधर या किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब मूव कर रही हो तो उस चेंजेस को हम बोलते हैं ट्रांजिशन तो ये ट्रांजिशनल क्यों बोला जाता है इनको पुराने जमाने में इनका नाम ट्रांजिशन इसलिए रखा गया था क्योंकि ये एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टी रखते थे मतलब समझो पी ब्लॉक में क्या होते हैं जनरली नॉन मेटल्स एस ब्लॉक में क्या होते हैं सारे के सारे मेटल्स अब ना तो ये एस ब्लॉक जितने तगड़े मेटल थे

उतने अच्छे मेटल नहीं है जितने एस ब्लॉक वाले हों एस ब्लॉक वाले ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं अच्छा जिन सीरीज की हमने बात करी जिस तरह से एन माइनस वन डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इस एन माइनस वन की वैल्यू पर बेस्ड हमारे पास तीन से चार सीरीज आती है जिसमें से हमारे काम की तीन है चौथी सीरीज हम नहीं पढ़ते हैं वापिस देखो इधर हम चार सीरीज पढ़ते हैं एन माइनस वन डी सीरीज इस एन माइनस वन डी के नाम पर टोटल चार सीरीज बनाई गई है एक होती है थ्री डी सीरीज डी सीरीज थ्री डी सीरीज का मतलब है ये जो तीन लग रहा है आगे इसका मतलब है ये एन माइनस वन है अगर थ्री है तो ये एन माइनस वन है तो एन क्या हो जाएगा फिर चार हो जाएगा अरे भाई जब यहां तुम कह रहे हो कि ये एन माइनस वन होगा तो मैं अगर इसको थ्री डी बोल रहा हूं तो यहाँ की यहां पर अगर तीन वैल्यू है तो पीरियड तो चार हो जाएगा ना फिर तो इसका मतलब थ्री डी सीरीज वो होती है जो पीरियड कौन सा होता है फोर्थ पीरियड और फोर डी सीरीज वो होती है जिसमें फिफ्थ पीरियड होता है और फिफ्थ पीरियड में होती है और फाइव डी सीरीज आपकी सिक्स पीरियड में होती है सिक्स डी सीरीज आपकी सेवंथ पीरियड में होती है हमारे सबसे काम की बिना काम की तो ये सिक्स सीरीज है सिक्स डी सीरीज है जो हमारे किसी काम के नहीं हम नहीं पढ़ते हैं इसको ठीक है और जो हम ज्यादातर प्रॉपर्टी ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह की बात करेंगे वो सब हम थ्री सीरीज की करने वाले हैं एनी वेज एकदम बेसिक बेसिक चीज है इसमें यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो बेटा तो बता दो बाकी जो नया है वो लाइक करो लाइक करो लाइक करो चलो जो जा रहे हो ज्यादा देख के भाई जो देख के जा रहे हो वो भी लाइक करके जाना है ना हाँ अब एक शब्द जो तुमने यहां पढ़ा कि ट्रांजिशन मेटल्स किसको कहते हैं तो मैंने तुमको बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के बीच की है। लेकिन इसे सच नहीं मानना है इसे सच नहीं मानना है क्यों नहीं मानना है सर क्योंकि IUPAC ने सबको बुला के सबको बिठा के एक बार बोला कि रुको देखो ये तो पुरानी डेफिनेशन है ऐसे हम बोलते हुए अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए अपन क्या करते हैं इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाते हैं तो सबने बोला क्या 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 तो फिर आई ने बोला कि ऐसे मेटल्स जिनके अंदर ये जो डी है ना जिसकी हम कब से बात कर रहे हैं n माइनस वन डी ये माइनस वन डी जिसकी हम बात कर रहे हैं कब से ये पार्शली फिल्ड होनी चाहिए या यूं कहूं यानकलीट होनी चाहिए अच्छा बताओ बेटा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं एक से लेके दस तक अगर जीरो है तो पार्शली फिल्ड नहीं होगा एक है दो है तीन है और ऐसे करते करते अगर नाइन तक पहुंच जाए तो इनकम्प्लीट होगा टेन भी पार्शली फिल्ड नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें P10 कॉन्फ़िगरेशन होगा उनको इस नाम से बाहर रखा जाएगा यानी कि उनको यह नाम नहीं दिया जाएगा जरा बताओ क्या ऐसे एलिमेंट्स जानते हो तो आंसर है यस क्या जिंक कैडमियम मरकरी जो है आपका और जो कॉपरनीशियम ये आपका ठीक है ये सब में d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं तो अगला सवाल आपके दिमाग में तो क्या फिर हम इनको डी ब्लॉक में क्यों पढ़ते हैं तो आंसर है बेटा नाम से भले ही ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भले ही अपने डेफिनेशन को बयान नहीं कर रहे हो लेकिन क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं इसीलिए इन्हें इनके साथ ही पढ़ा जाता है तो ऐसा नहीं कि इनको आप आज से ही ऐसे बोल दो कि निकल जाओ यहाँ से नहीं निकलेंगे ये रहेंगे डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स बस इनका खास तौर से ध्यान रखें इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता क्लियर है बेटा तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो नीट में इस बार आ रहा है वो ये है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है या ट्रांजिशन मेटल नहीं है देख लेना बेटा ग्रुप नंबर बारह अच्छा अभी डेफिनेशन में तुमने कहा कि सर डी सबशेल क्या होनी चाहिए इनकम्प्लीट होनी चाहिए मैंने बताया पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए इनकम्प्लीट होनी चाहिए तो क्या सर ये सिर्फ न्यूट्रल स्टेट में ही देखेंगे क्या या किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में या किसी नॉन आइनिक स्टेट में भी होनी चाहिए तो आंसर है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रल देख लो और बोल दो कि हां डी टेन कॉन्फिग्रेशन है ना तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा समझो बात को अगर जिंक को प्लस टू में भी देखोगे तो भी वो डी टेन ही होगा अगर कैडमियम को प्लस टू में भी देखोगे तो भी वो डी टेन ही होगा अब आप बोलोगे कि नहीं जिंक को प्लस तीन कर दो अब मैं आपको बता रहा हूं मतलब बता रहा हूं आप बोलोगे कि ये होता है बेटा थ्री डी टेन फोर एस टू यही होता है आप बोलोगे सर एक काम करो जिंक टू प्लस कर दो मैंने कर दिया फोरेस फोरेस आप नहीं, जिंक थ्री डी टेन फोर एस टू फोर एस जीरो ना सर अब ये भी ट्रांजिशन मेटल का ये तो ट्रांजिशन मेटल है सर ये तो डी नाइन तो हो गया सर आपने कहा एक से नाइन जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं सर हो गया हो गया हो गया हो गया तो मैं ये बोलूंगा कि शब्द की गहराई को समझ राजे है क्या लिखा है इसमें इसमें लिखा है कि और इन देयर आयंस मस्ट बी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट आयंस बोलना अच्छी बात है लेकिन पता होना चाहिए कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हो कभी जिंक को प्लस तीन में देखा है नहीं जिंक को अगर तुम ये बोल दो ना कि प्लस तीन उसे खुद शर्म आ जाएगी जिंक कभी प्लस तीन शो नहीं करता जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एंड दैट इज ओनली प्लस टू तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है ऐसे तो तुम कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल के सबको यहां पर ले आओगे पार्शली फील्ड वाली कैटेगरी में ले आओगे और बोलोगे लो ट्रांजिशन मेटल हो गया इसलिए ध्यान रखें इस बात का नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अगर तुम आयंस बोल रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए ये है हमारे दादाजी ठीक दादा है ये दादाजी हैं और इनसे बनने वाले आयंस इनकी आने वाली पीढ़ी है यानी दादाजी के बाद पिताजी और पिताजी के बाद पोताजी अगर पोता जी नॉन है मतलब वाकई में ये पोता पैदा ही नहीं ये पोता तो पैदा ही नहीं हुआ ना बेटा ये पोता तो पैदा ही नहीं हुआ जिंक प्लस तीन में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम सिर्फ किससे देखेंगे पिताजी से और दादाजी से अब पिताजी भी कंप्लीटली फिल्ड है और दादाजी तो कंप्लीटली फिल्ड है ही तो इसीलिए इस जिंक को ही क्या बोला जाएगा नॉन ट्रांजिशन मेटल बोला जाएगा अभी ये दादाजी पिताजी पोताजी वाली बात अभी आपको आ, आगे वाली बात में समझ आने वाली है अभी देखो एनसीआरटी का सवाल है बेटा ये एनसीआरटी का सवाल है क्या है एनसीआरटी ने एक सवाल लिखा हुआ है सुनो सवाल तो सिल्वर का कॉन्फिग्रेशन तो फोर्टी टेन होता है ठीक है सिल्वर का कॉन्फिग्रेशन तो फोर्टी टेन होता है अगर फोर्टी टेन है तो फिर इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया तो सुनो सिल्वर प्लस वन में भी टेन ही है यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा सिल्वर प्लस टेन इसको जीरो कर देना बेटा ये जीरो कर देना देखा हाँ जिस भी बैच में ये हो वहां पे भी कर देना ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है ये देखो अब सुनो अब अगर प्लस टू है जीरो में 40105S1, टेन फाइव एस वन प्लस वन में 40105S0, टेन फाइव एस जीरो अभी तक तो ये बिल्कुल सही चल रहा है यानी कि दादाजी भी फुली फिल्ड है पिताजी भी फुली फिल्ड हैं दादाजी और पिताजी तक तो ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया कि लोग इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहें लेकिन जब इनका पोता पैदा हुआ यानी कि इन दादाजी का पोता पैदा हुआ यानी पिताजी के जब बेटा हुआ यानी कि प्लस टू जब बन गया बेटा और प्लस टू जब बन गया तो पोते में जब देखा गया तो पोते में गुण आ गए कौन से नाइन और आप बोलोगे कि क्या सिल्वर प्लस टू में एग्जिस्ट करता है तो आंसर है यस सिल्वर प्लस में एग्जिस्ट करता है है ना फ्लोराइड वगैरह फ्लोरीन के साथ जो है वो अगर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो सिल्वर प्लस दो में एग्जिस्ट कर सकता है तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर के प्लस टू में कभी कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा बनेगा अब आप, आप देखो सिल्वर प्लस दो में जाकर डी नाइन हो गया यानी कि जो काम दादाजी नहीं कर सके जो काम पिताजी नहीं कर सके वो नाम किसने बना दिया बेटा पोता ने करा दिया अब इसका मतलब खानदान तो यही है ना बेटा अगर पोते ने कोई काम बुरा कर दिया मुझे बात बताओ अगर किसी पोते ने काम बुरा कर दिया तो नाम किसका खराब होगा दादाजी ही खराब होगा कि साहब उनका पोता फलाना का पोता है और ऐसे ऐसे करके लेके भाग गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा समझ गया स्लो पढ़ाओ मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं एक बार बताओ भाई मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या यह नहीं समझ आ रहा क्या तुमको क्या होता है ये जिनके तकलीफ हो रही है ना उनको ये कॉन्फिग्रेशन नहीं आते कॉन्फिग्रेशन देख के जिनका दिल जोरों से धड़कने लगता है अलग प्रजाति है वो कॉन्फिग्रेशन देखकर जिनका दिल जो जोरों से धड़कने लगता है ईमानदारी से बोल रहा हूं उन्होंने जब जब भी कॉन्फिग्रेशन सामने आए हैं किसी ने किसी बहाने से उनको छोड़ दिया है कि कॉन्फिग्रेशन कौन याद करेगा हटाओ इसको आजा आगे तो आपको आंसर मिल गया एनसीआर का सवाल है राजे कभी भी आ जाएगा देख ए जी इन इट्स प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट हैज इन कम्प्लीट कॉन्फिग्रेशन सिल्वर इज आपको यह नहीं बोलना है कि सिल्वर प्लस टू जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं 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 मेटल कौन है मेटल तो वही होंगे ना दादाजी ये तो इनकी पीढ़ियां हैं तो कोई पीढ़ियों में अगर कोई नॉन पीढ़ी है मतलब कोई नॉन आयन है नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी अगर पार्शली फील्ड हो जाती है तब भी नाम दादाजी का ही खराब होगा यानी कि मेटल को ही बोला जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट आई थिंक अब आपको क्लियर है हम आगे बढ़ सकते हैं सर आपके बाल काले क्यों हैं? नयन पूछ रहा। तुम्हारे वहां को लाल हो रहे हैं क्या है, है? तुम्हारे उधर कोई अलग अलग आ रहे हैं गुलाबी आ रहे हैं क्या बेटा बाल पता करो बे सही बताओ आजकल प्रदूषण बहुत हो गया है जल प्रदूषण वायु प्रदूषण प्रदूषण से कुछ भी कलर अलग कलर आ रहा है क्या तुम्हारे रंग बिरंगे आ रहे हैं क्या सर सॉल्ट एनालिसिस परसों पढ़ाएंगे ना बेटा

वहां बात फंसती है और वो फंसती है एक्सेप्शन की देखो इसमें कोई टेंशन नहीं एनएस वन और एन एस जीरो पर दिख जाए NS2 दिख जाए और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन हो तो ये एक्सेप्शनल नहीं होगा अगर एनएस वन दिख जाए वो एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन होगा ये एन एस वन वाले कौन कौन हो सकते हैं तो एन एस वन वाले हैं क्रोमियम कॉपर नायोबियमिपेनम रूथेनियम है ना Rain, rain, ये आपका हो गया रोडियम यह आपका एन एस जीरोमेंट है जो एन एस जीरो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है क्योंकि फाइव एस जीरो होने की वजह से इसको लिखते नहीं है तो यह कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि यार मैक्सिमम नंबर तो चार दिख रहा है तो कहीं ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट तो नहीं नहीं ये पता कर लेना कि फोर्थ पीरियड का एलिमेंट तो खुद क्रिप्टन है अगर फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस तुम ब्रैकेट में लिख रहे हो यानी कि उसके बाद लिखा जाने वाला जो भी होता है वो फिफ्थ पीरियड का ही होता है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है ये इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से कई बार खाली छोड़ दिया जाता है होता ही नहीं है तो हमें कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये फोर्थ पीरियड का ही नहीं है क्या नहीं बेटा अगर फोर्डी टेन है और ऑब्वियस सी बात है क्रिप्टन लिखा हुआ है वहां पे भाई क्रिप्टन अगर लिखा है तो वो तो फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस है तो प्रीवियस इनर्ट गैस को लिखा जाता है ब्रैकेट में तो यानी कि फोर्थ को जब तुम लिख चुके हो तो ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है ओके ये उसके बाद सिल्वर उसके बाद प्लेटिनम और ये गोल्ड ठीक है भाई तो इसको जिस तरह से भी याद करना हो पूरे डी ब्लॉक के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने मैंने लिख दिए हैं ये सब एन एस वन एन एस वन वही एन एस जीरो है इसके अलावा सब एन एस वन है जैसे ये फोर एस वन वो फोर एस वन ठीक है ये फाइव एस वन फाइव एस वन फाइव एस वन फाइव एस वन फाइव एस जीरो फाइव एस वन ये आपका सिक्स एस वन और ये सिक्स एस वन आ जाए इस तरह से देखना है हमको ठीक है बता रखे हैं सब कुछ आप पीरियोडिक टेबल के नोट्स देख लीजिए बेटा अगर नहीं है तो आप वहां से देख सकते हो क्योंकि इतनी मेहनत दोबारा नहीं करेंगे हम तो कॉन्फ़िगरेशन पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि पूछने तो मुझे भी पता है कि वो क्रोमियम और कॉपर ही है तो क्रोमियम और कॉपर को ही पूछना है तो मैं इनके लिए ही लिख देता हूं कभी आ जाए तो ये थ्री ये थ्री डी फाइव होता है और ये थ्री डी टेन होता है ठीक है पूछना तो आपको यही है वो क्रोमियम कोपर तो वो देख लेना ये तो आपको फिजिकल वाले सर ही बता देते हैं अटोमिक में ही बता देते हैं इतना तो आओ आगे बढ़ते हैं ठीक है भाई चलो कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड सारी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज साइज आयोनाइशन एंथेल्पी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है ना हेलो कैटालिटिक पावर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ही है अलग से लिखा हुआ है बट ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है और ये आपका ए नॉट वैल्यू ये सबसे बढ़िया पार्ट है पूछो क्यों क्योंकि ये वैल्यू दी हुई जाती है जब इसको सवाल पूछना होता है तो ये वैल्यू देके पूछता है हां कोई बहुत स्पेसिफिक केस है एक ही केस है तो बिना आ, उसके वैल्यू के पूछ सकता है अदरवाइज अगर आपको एस की वैल्यू दे देगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको बोलते हो आप एस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पूरी बनी हुई है एसआरपी की वैल्यू देकर अगर आपसे पूछेगा तो आप बता ही सकते हो कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, है ना तो ये चीजें आप ई e नोट सेल की वैल्यू आपको पता ही होगा अच्छा मुझे बताओ जिसका अगर मान लो किसी रिएक्शन का अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पर अगर किसी एम टू प्लस से एम है मेरी बात को समझना और मैं ये बोल दूं कि एम टू प्लस से इसका पॉजिटिव ई नोट है ठीक है देखो मुझे आगे टाइम कम लगेगा बात तो वही है मैं वहां पर भी करवा लिखता हूं।, तो हूं इसका मतलब बताओ मुझे इसका मतलब बताओ कि एम टू प्लस से एम कि जो ई नोट सेल वैल्यू है वो पॉजिटिव में है इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है अभी चेक हो जाएगा ना कि जनता कैसी बैठी यहां पर आ जाओ क्योंकि ये तो मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है कर चुके वो तो तो इसका मतलब क्या है प्लस दो से जीरो ऐसे अच्छा, भी लिख सकते हो इसको नोट ऐसे वाला पॉजिटिव इसका अगर नोट से वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब क्या है क्या ये प्रोसेस चलो इस टर्म में बता दो हाँ बिल्कुल सही है इस टर्म में बता दो कि क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है चला एकदम बता दो क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है क्या ये प्लस दो में रहना अच्छा लगता है इसको या जीरो में रहना अच्छा लगता है में रहना अच्छा लगता है या जीरो में, अच्छा में रहना अच्छा लगता है कौन बताएगा नॉन स्पॉन्टेनियस है ठीक है नॉन स्पॉन्टेनियस है नहीं प्लस दो से एम अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है मुझे मुझे मिली जुली चीजें मिल गई स्पॉन्टेनियस है ठीक है इसको प्लस दो में रहना पसंद है या जीरो में रहना पसंद है अच्छा प्लस दो में वाह जनता बहुत तगड़ी बैठी हुई है यहां पे मैंने तो एक इतनी सी बात से ये पूछ लिया कि तुम सीधा डीएनड ब्लॉक देखने आए हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ के आए हो तो मुझे क्लियर हो गया कि तुम अगले साल के के एडमिशन लिए पक्के हो, है ना? तो चलो अच्छी बात है हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, जब भी पॉजिटिव होता है ना तो डेल्टा जी इसका उल्टा चलता है यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा और जब भी ई नोट सेल जो है नेगेटिव दिया हुआ हो वैल्यू तो डेल्टा जी क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है ध्यान रखना इस चीज को ध्यान कर लेना बेटा या ये ये चीज अच्छे से क्लियर कर लेना कि मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये दोनों उल्टा चलते हैं ये दोनों क्या करते हैं बेटा उल्टा चलते हैं अगर सेल e सेल नेगेटिव नेगेटिव है है अगर e है, तो डेल्टा जी तुम्हारा पॉजिटिव होगा डेल्टा जी क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा ठीक है अगर ये बेसिक सी चीज नहीं आती है दुखी होने वाली बात नहीं है दुखी होने वाली बात नहीं है मैंने भी तो उम्मीद करी थी ना तुमसे कि यार इतना सा जवाब तो दे दोगे नहीं दिया तुमने ऐसा लग रहा कॉमर्स के बंदे पढ़ रहे हो मेरे से और मेरे पास तो कुछ खास है भी नहीं पढ़ाने को कि कॉमर्स वाला भी जाके पढ़ ले जाओ मेरे नीचे तो तुम लिख भी नहीं सकते कि मैडम मैं तो कॉमर्स से हूं फिर भी आपकी क्लास देखता हूं लिख मिल सकते तुम पैर नीचे तो रिड्यूस exactly, होना चाहेगा बिल्कुल सही बेटा अगर ये प्लस दो से जीरो में आने के लिए पॉजिटिव दिखा रहा है a नोट सेल तो इसका मतलब है डेल्टा जी नेगेटिव हो गया यानी कि ये प्लस दो से जीरो में आना चाहता है जीरो में कौन से मेटल्स रहना चाहते हैं नोबल मेटल्स कौन से मेटल अरे आगे बहुत कुछ है पढ़ाने को पढ़ा दूंगा दो चार चीजें हैं जिनके ऊपर पूरा चैप्टर बना दिया इन्होंने एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है ना मतलब पांच या छह चीजें ऐसी होंगी जिस पर इन्होंने पूरा चैप्टर छाप रखा है क्या क्या एक तो जेड इफेक्टिव एक स्क्रीनिंग इफेक्ट जो कि डी और एफ की पुअर होती है हर जगह आपको यही रीजन मिलेंगे ठीक है इनकी साइज में जाओगे आपको यही रीजन मिलेंगे आप इनके आयोनाइजन एनर्जी में जाओगे आपको यही रीजन मिलेंगे उन दो चार पांच छह चीजों पे इन्होंने पूरा चैप्टर छाप रखा है इसलिए घबराओ मत मैं कुछ सिखा रहा हूं तो आगे चीजें स्मूद हो जाएंगी चिंता मत करो बहुत स्लो चल रहा हूं स्टार्टिंग में मैं तो अभी सुन लो कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये होना चाहता है कौन से मेटल्स हैं जो जीरो में रहना चाहते हैं जैसे हमारा सिल्वर हो गया है ना हमारा गोल्ड हो गया हमारा प्लेटिनम हो गया ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं आपको तो पता ही होगा बेटा वो नोबल रहना चाहते हैं यानी कि जीरो स्टेट में रहना चाहते हैं उनकी लेस टेंडेंसी होती है केमिकल बॉन्डिंग में मतलब या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की तो जनरली ये पॉजिटिव वैल्यू ऐसे मेटल्स के लिए होती है जो खुद अपना रिडक्शन करवा के करके अपन जीरो में अच्छा लगता है उनको ठीक है भाई हाँ सिल्वर गोल्ड सिल्वर भी होता है उनमें ऐसी बात नहीं है बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती है चलो एनीवेज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज कंप्लीट चैप्टर कॉर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों करते हैं क्या करते हैं सब पता है छोटी साइज होती है हाई फाई होता है इसलिए कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनाते हैं कलर ऑफ एक्वासायन कुछ याद नहीं रखना है इतना याद रखना है डी जीरो डी टेन कलरलेस होते हैं दैट्स इट ठीक है D0 और D10 जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं बाकी आपको किसी का कलर अगर याद नहीं भी है तो चल जाएगा आज अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं वो इन मेटल्स हैं मेटल से क्या एक्सपेक्ट करोगे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भाई मेटल्स हैं तो मेटल से क्या करोगे आप मेटल से क्या एक्सपेक्ट करोगे जो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो होनी चाहिए होती है इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है डक्टिलिटी होती है मेलेबल ये फैल सकते हैं ठीक है हार्ड होते हैं और ऑब्वियसली लो वोलेटाइल होंगे अरे भाई जब मेटल है मेटल वोलेटाइल नेचर में होगा तो सुबह रख के जाओगे शाम को उड़ जाएगा ना तो मेटल वोलेटाइल तो होता नहीं है अब लो वोलेटाइल होने का मतलब क्या है लो वोलेटाइल होने का मतलब क्या है इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसलिए तो लो वोलेटाइल होते हैं अरे हाई मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इस वजह से ऐसा होता है लगभग सारे ट्रांजिशन मेटल्स ये प्रॉपर्टीज रखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं यहां लिख देता हूं कि जिंक कैडमियम एंड मरकरी होने को इसके आगे कॉपरिशियम भी लिख सकते हो पर कभी पूछा तो जाएगा नहीं वो वाला है ना जो हमारा सेवंथ पीरियड है वो तो कभी पूछा जाएगा नहीं इस वजह से जिंक कैडमियम और मरकरी इनका डी टेन होता है और इस वजह से ये जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं स्टेबल तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते इनमें क्या होती है वीक मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है वीक मेटलिक वीक मेटल मेटल बॉन्डिंग इनके बीच में इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं कंपैरेटिवली लो इनसे कंपैरिजन बाकी सब में कंपैरिजन करोगे तो इन चारों को तीनों को तुम अलग कर दो इन तीनों को तुम अलग कर दो ये कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है है ना इनफैक्ट आप तो देखते हो कि जो मरकरी है वो तो हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ये तो पता ही आपको ये तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है ना विकेट होता है कारण क्यों क्योंकि वो <coughs> हमको ये चीज पता है कि D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मेटल मेटल के बीच में उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं होता है। सर ऐसा क्यों होता है कि जो हाफ स्टेबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और फुल होते हैं वो वीक मेटल बॉन्डिंग रखते हैं तो रीजन वही है जो मैं बोल रहा हूं स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होने की वजह से ये चाहते ही नहीं कि हमारा कॉन्फिग्रेशन बिगड़े क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन छोड़कर इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालकर पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा मेटल मेटल की बॉन्डिंग में जो कि ये चाहते नहीं है ये राजी नहीं है इस बात के लिए क्यों क्योंकि ये खुश है जब भी अपना भरा पूरा परिवार देखते हैं कि राह डी टेन डी टेन तो इनकी लेस टेंडेंसी होती है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की जैसे हाफ फील्ड हो गया मैंगनीज है मैग्नीज भी इनकी कैटेगरी में आता है कई बार की जो है वो एक्सेप्शनली लार्ज मेटेलिक रेडियस रखता है उसका कारण है मेटल मेटल बॉन्ड वीक है उसके अंदर क्यों जब उससे पूछा तो कहा कि आई एम हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन मेरा मन नहीं है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का अगर करूंगा तो मेरा स्टेबल कॉन्फिगुरेशन खराब हो जाएगा तो ये थोड़े से रिजर्व नेचर के होते हैं इस वजह से ये अलग व्यवहार दिखाते हैं बेटा कोई बात ऐसी जो समझ नहीं आई हो आगे जो जो मैं आप आप में से अगर कोई डी एंड एफ ब्लॉक पढ़कर अभी तक नहीं बैठा है और सोच रहा है कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा उस तरह से पूरा एनसीआर वगैरह रीड वगैरह या प्रॉपर तरीके से तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर बेटा अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट जो कुछ इन नोट्स में लिखा हुआ है वो पढ़ के जाना है ना ज्यादा नहीं तो 90 परसेंट परसेंट

फटाफट फटाफट चीजें एक एक स्लाइड मेरे साथ क्लियर करते हुए चलो है ना दिमाग में चीजों को क्लियर करते हुए चलो कि यस फिजिकल प्रॉपर्टीज से अब अगर कोई भी सवाल आया तो विश्वास रखो वो इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है अब वो कैसे सवाल बनाएगा थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ तुम्हें क्या करेगा वो वो लिख देगा तुमको कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नहीं है उनको छोड़ देना वो ऐसे जनर... उनकी बात करेगा तो नाम लेके करेगा अगर वो जनरल बात करेगा तो हाई वोलेटाइल नेचर होता है अब कोई बेवकूफ होगा वही बोलेगा यार मेटल हाई वोलेटाइल उसके बाद समझ नहीं आएगी तो वो टिक करेगा हाई वोलेटाइल बोल देगा है ना या लेस थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल देगा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बोल देगा मेटल को तो वो इस तरह के ही सवाल बना सकता है इनको उल्टा करके ही सवाल बना सकता है और तो कुछ नहीं बनाएगा ठीक है तो दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी हो सकती है मेरे हिसाब से तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन फ्रेमिंग इसमें हो नहीं सकते हाँ। सर कितना लंबा रहेगा पता नहीं बेटा देख लेना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ही लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट में में तुमसे वो वो क्या सवाल सवाल पूछेगा वो मैंने यहां यहां लिख दिया है इधर वाला अगर नीट में सवाल आएगा तो यहां से आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन थ्री सीरीज क्रोमियम मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन थ्री सीरीज जिंक मैक्सिमम मिनिमम पूछता है वो मतलब वो ऐसे नहीं पूछेगा वो तो ये चार ऑप्शन दे देगा उसमें से अगर उसके मैक्सिमम पूछना होगा तो क्रोमियम लगा के देगा उसमें से अगर जो मुझे लगता है कि पूछेगा, block, 3D series, पूरे डी ब्लॉक में जिसमें थ्री डी फोर डी फाइव डी सब सीरीज आ गई उसमें ये टंगस्टन होता है, tungsten, है ना डब्ल्यू मतलब टंगस्टन हाँ डब्ल्यू मतलब टंगस्टन खजाना वाला डब्ल्यू नहीं मैक्सिमम इन फोर डी सीरीज मोलिपडेनम और मैक्सिमम इन फाइव डी सीज वो तो टंगस्टन हो ही गया क्योंकि याद रखिएगा कौन सा ग्रुप होता है करोड़ मोल वाला क्रोमियम वाला जो ग्रुप होता है ना वो हर एक पीरियड में मैक्सिम मेल्टिंग पॉइंट रखता है जैसे इसकी तुम बात करो तो यह थ्री डी सीरीज हो गया करोड़ ये फोर डी सीरीज हो गया मोल मोलिब्डेनम और ये टंगस्टन वाला w करोड़ मोल वाला कैसे याद रखोगे पूरे डी ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना बेटा ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है ये ग्रुप नंबर बताओ इसका इसका ग्रुप नंबर बताओ जल्दी बताओ इसका ग्रुप नंबर बताओ ग्रुप नंबर बताओ जल्दी बताओ ग्रुप नंबर सात लिख रहे वाह 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 अरे वाह अरे महान लोग हैं पांच भी लिख रहे हैं अरे वाह वाह भाई वाह भाई वाह भाई, भाई नाम लेना शुरू कर दो सात वालों का हैं यस यस नहीं बोल रहा हूं यश उसका नाम है सिक्स ग्रुप होता है करेक्ट कौन सा ग्रुप होता तो है बेटा ये सिक्स ग्रुप ग्रुप नहीं याद है इनको बताओ सिक्स ग्रुप जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट हर एक सीरीज में अपनी-अपनी सीरीज में मैक्सिमम होते हैं ये ग्राफ देखो समझ जाओगे आ जाओ ये ग्राफ देखो समझ जाओगे ये देखो ये क्रोमियम मैक्सिमम पीक है अपनी वाली लाइन में ये इसकी लाइन है पूरी ये मोलिब्डेनम मैक्सिमम पीक है ये टंगस्टन मैक्सिमम है ठीक है भाई मेल्टिंग पॉइंट्स जनरली इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि मेटल्स हैं हम जिंक कैडमियम मरकरी की बात नहीं कर रहे हैं और वो यहाँ दिए भी नहीं है आप चेक कर लो फिर भी अगर कभी बात कर ले तो वो मैंने नीचे तरीका बता दिया उनको कैसे करना है भी नीचे आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है रीजन क्या है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कब मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होंगे जब मेटल मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इनके पास एक क्वालिटी होती है इनके पास वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके पास खजाना है ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है पूछा तो कैसे तो इन्होंने देखो हमारे पास दो दो जगह से हम इलेक्ट्रॉन तो अच्छा, तो एक लाइन लिखी हुई कि इनके पास एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इन एडिशन टू एन एस इलेक्ट्रॉन कहा एन एस के अलावा इनके पास एन माइनस वन डी पूरी जो सबसेल है उसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है फिर इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्ड कैसे बनेंगे मेटल मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जब मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है वो और नजदीक होंगे और ज्यादा अच्छे से उनको अट्रैक्शन मिलेगा एक दूसरे के साथ इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा हाई होगा ये एनसीआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है मैक्सिमा एट मिडल ऑफ ईच सीरीज है ना लगभग बीच में लगभग बीच में मैक्सिमम है लगभग बीच में मैक्सिमम है टेक्नीशियम और मैंगनीस को छोड़ देना एनसीआरटी ने लिखा हुआ है एक्सेप्ट मैंगनीज और टेक्नीशियम उनका रीजन है सॉलिड के अंदर उनकी पैकिंग एफिशिएंसी अलग होती है बट इन जनरल आप बोल सकते हो लगभग बीच में मैक्सिमम पॉइंट आएगा ठीक है अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डी और बाइटल इज फेवरेबल फॉर इंटर एटोमिक इंटरेक्शन इन्होंने कहा कि अगर एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन हो अगर एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन हो अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डी और बाइटल पर डी और बाइटल एक दो तीन चार पांच पांच तो ये कह रहा है कि जब इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है तो वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन के लिए वही चीज कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो मेटल मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो इसीलिए ये समझाना चाह रहा है कि मैक्सिमम जो हमारा आता है वो बीच में क्यों आता है हर सीरीज के क्योंकि सीरीज बीच में कब पहुंचेगी क्योंकि सीरीज बीच में कब पहुंचेगी कुछ गड़बड़ हो गया ना यहां अभी अभी इसको बाद में सही कर लेंगे कोई बात नहीं मैंने कुछ मिटाया था वो गायब हो गया उसका ठीक है तो मैक्सिमम सीरीज कब आएगी मैक्सिमम सीरीज कब आएगी उसको मैं बाद में ठीक कर लूंगा है ना बाद में जो तो है आपके लिए फिर से ठीक कर दूंगा तो मैक्सिमम सीरीज कहां आती है बीच में आती है बेटा बीच में, में क्यों आएगी क्योंकि बीच में क्या होता है एक दो तीन चार पांच ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पर डी और बाइट एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में ही तो सबसे ज्यादा होगा एक से लेके पांच तक फिर यहां से क्या होगी पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी तो इसीलिए यहां से वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जनरली तो अगर आप इस ग्राफ को कंपेयर करते हो एटोमाइजेशन एनथेलपी से किससे कंपेयर करते हो बेटा अटोमाइजेशन एंथैल्पी से जो कि आपके आ, उसमें दिया हुआ है एनसीआरटी में आप देखना लगभग मैच करता हुआ ग्राफ है अटोमाइजेशन एंथैल्पी अटोमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है वही सेम चीज कि मेटल है तो उस मेटल मेटल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अगर मेटल मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसकी अटोमाइजेशन एनथेल्पी ज्यादा होगी अटोमाइजेशन एनथेल्पी का मतलब होता है उन एटम्स को सेपरेट करना मेटल्स के एटम्स को सेपरेट करना उसमें दी जाने वाली एनर्जी अगर किसी की अटोमाइजेशन एनथेल्पी ज्यादा है तो इसका मतलब है उनके बीच में मेटल मेटल के बीच में स्ट्रोंग बॉन्ड है

अगर ना तो यहां आपको स्कैंडियम वाला ग्रुप दिख रहा है ना ही आपको यहां पे जिंक वाला ग्रुप दिख रहा है लेकिन डेटा वगैरह देखकर मैं लाया हूं कि पहला पहला ग्रुप और आखिरी ग्रुप वापस सुनो बेटा पहला ग्रुप और आखिरी ग्रुप मतलब तीसरा ग्रुप और बारवा ग्रुप अरे थर्ड ग्रुप ही तो पहला होता है मतलब पहला ग्रुप और आखिरी ग्रुप डिक्रीज होगा वापिस सुनो पहला ग्रुप और आखिरी ग्रुप डिक्रीज होगा फिर आता है कि सर तीन तो डिक्रीज है चार से लेके दस चार से लेके दस नंबर ग्रुप चार चौथा ग्रुप कौन सा होता बेटा टाइटेनियम वाला ग्रुप ये देख लो टाइटेनियम वाला ग्रुप से देख लो टाइटेनियम से ज्यादा फिर वेनेडियम नायोबियम टेंटेलम क्रोमियमिपडेनम टंगस्टन मैंगनीज टेक्नीशियम रेनियम मतलब इसका मतलब है कि चार से लेके दस तक कोई टेंशन नहीं चार से लेके दस तक इंक्रीज होगा वापिस सुनो अभी तक मैंने दो पैटर्न बताए मैं सारे ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता रहा हूं सुन तो ले वापिस देख ले क्या बोला मैंने कि अगर पहला और आखिरी ग्रुप है तो डिक्रीज क्या बोला मैंने पहला और आखिरी ग्रुप है तो डिक्रीज याद करो अभी का भी पहला और आखिरी ग्रुप है तो डिक्रीज ठीक है मतलब तीसरा और बारवा ग्रुप डिक्रीज कौन सा स्कैंडियम और जिंक वाला ग्रुप डिक्रीज वापिस बोलो सब बोलते जाओ याद करते जाओ स्कैंडियम और जिंक वाला ग्रुप डिक्रीज फिर आती है बात खूब सारा हमारा कवर होने वाला है चार से लेके दस तक ग्रुप चौथे ग्रुप से लेके दसवें ग्रुप तक यानी कि टाइटेनियम से लेके टाइटेनियम से लेके निकल वाला ग्रुप टाइटेनियम से लेके एन आई वाला ग्रुप इंक्रीज ये इंक्रीज इसका जस्ट उल्टा जो अभी तक पड़ा है फिर एक बचता है फिर एक ही बचता है और वो क्या है ग्यारहवा ग्रुप वो थोड़ा अजीब है ग्यारा ग्रुप थोड़ा अजीब है। ग्यारह ग्रुप जो है ना वो थोड़ा उल्टा सुल्टा चलता है बेटा। अब क्योंकि मैं उसके लिए 3D, 4D बना के क्या आगे पीछे कर देना यानी कि कॉपर कॉपर फिर गोल्ड एंड देन सिल्वर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है इसी वजह से इसको इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज नहीं किया जाता दो रीजन है एक तो महंगा है दूसरा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मान लो किसी के महंगे से दिक्कत नहीं हो बहुत पैसे हैं, तो कह चांदी के तार लगवाऊंगा वो भी नहीं लगवा सकता ऐसा नहीं कि पैसा है तो चांदी के तार लगवा देगा नहीं चांदी के तार लगवाएगा मेल्ट हो जाएगा खटका चालू करेगा तार नीचे गिर जाएगा है ना पिघल जाएगा वो तो इसलिए सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है मैं आपको फिर कह रहा हूं कॉपर से बेहतर कंडक्शन कर सकता है सिल्वर लेकिन फिर भी यूज नहीं कर सकते एंड द रीजन इज लो मेल्टिंग पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम इसीलिए हम कॉपर यूज करते हैं कि कंडक्शन भी मिल जाए और मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो हमारा अच्छा रहे ठीक है भाई मैग्नीज और टेक्नीशियम का जो एक पैकिंग होती है ना एच सी पी सॉलिड स्टेट में आपने इस तरह की पैकिंग के नाम सुने होंगे सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ऐसे कुछ नाम सुने होंगे इन दोनों की पैकिंग की वजह से ये नीचे आ जाते हैं और मैं आपको फिर कह रहा हूं अगर आपको ध्यान रखना है तो थ्री सीरीज का तो खास तौर से ध्यान रखना कि मैक्सिमम इन थ्री सीरीज इज क्रोमियम क्रोमियम के बाद ड्रॉप आता है मैंगनीज ड्रॉप आता है और फिर से बढ़ना शुरू होता है तो इस चीज का ध्यान रखें वो इन जनरल लिखा हुआ था वहां पे मैं उसको ठीक कर लूंगा बेटा है ना इन जनरल लिखा हुआ है वो वहाँ पे, वो वहां पे मैं स्लाइड आपके लगा दूंगा लास्ट में ठीक है तो मेल्टिंग पॉइंट खूब सारी चीजें ये देखो मैंने के बारे में एनसीआरटी में कुछ बात लिखी हुई है मैंने उसको भी समझाने की यहां पर कोशिश की है कि किसी मेटल को सुनो बेटा मेटल सॉलिड में पड़ा है और हमें मेटल प्लस टू एक्वस तक अगर पहुंचना है किसी रिएक्शन में किसी रिएक्शन में हमको एक्वस मीडियम में हमें रिएक्शन करवानी है और हमें मेटल प्लस दो में चाहिए तो उसके रास्ते में किस किस तरह की चीजें आएंगी तो सुनो कैसे कैसे होगा कि मेटल सॉलिड अगर होगा और अटोमाइजेशन एंथेल्पी सबसे पहले सामना करना पड़ेगा हमको इन मेटल्स को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे एटोमाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे ऑब्वियस सी बात है सॉलिड है और हम गैस में जा रहे हैं, सॉलिड से गैस में ले जा रहे हैं तो सबलीमेशन प्रोसेस होता है तो kind of बोल सकते हैं तो ये एंडोथर्मिक होती है अब यह गैस बन गया बन गया बेटा गैस फिर मुझे प्लस दो चाहिए तो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा Obviously, बात है टोटल दो निकालूंगा पर पहले एक निकालूंगा तो मैं इसको प्लस वन बनाऊंगा ये भी फिर इसमें मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो भी है गैसियस ठीक है अब जाकर कहीं पे ऐसा होगा कि हम इस प्लस दो को मान के चलो कि अब ये पानी में अगर आयन जाता है तो इसका हाइड्रेशन होगा हाइड्रेशन समझते हो बेटा हाइड्रेशन का मतलब होता है केटायन और एनायन को पानी जब सराउंड कर ले पानी घेर ले तो उसको बोला जाता है हाइड्रेशन कुछ बेसिक चीजें यही चीजें आगे भी आएंगी इसलिए इतना स्लो पढ़ा रहा हूं यही चीजें आगे भी आएगी मैं फिर वहां पर एकदम फास्ट निकल जाऊंगा क्यों क्योंकि मुझे पता है मैं समझा चुका हूं तो किसी मेटल के किसी मेटल सॉलिड से मेटल प्लस टू यानी कि उसके आयन एक्वस मीडियम में किसी रिएक्शन में आयन बनने तक के सफर में क्या क्या चीजें आती हैं उसे पहले एटोमाइजेशन एनथेलपी देनी पड़ती है आयोनाइजेशन एनथेलपी देनी पड़ती है हाँ अब अगर वो प्लस तीन होता तो हम यहाँ एक और देते बट हम अभी प्लस टू की बात कर रहे हैं इसलिए हम आईई वन और आईई दो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे बेटा पैसा हमारा लग गया पैसा हमारा लग गया पैसा हमारा लग गया तीन जगह लगातार हमने खर्चा किया है लेकिन ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां से हमको प्रॉफिट मिला जहां से हमको क्या मिला बेटा प्रॉफिट मिला अब जरा मेरा सवाल सुनना बेटा कोई प्लस दो में बनना कब पसंद करेगा जब प्रॉफिट ज्यादा हो वापिस सुनो वापस सुनो, वापी सुनो। मैं कह रहा हूं कि जब कोई प्लस दो में प्लस दो में मुझे लाना है इसको प्लस दो में तो इसके प्लस दो में आने की इच्छा कब कब ज्यादा होगी इसके प्लस दो में आने की इच्छा कब कब ज्यादा होगी जब यहां पे काम हमारा तुरंत हो जाए यानी कि ये कम होना चाहिए जल्दी आ जाएगा भाई खर्चा कम होना चाहिए और फायदा ज्यादा होना चाहिए तभी प्लस दो में जल्दी आ जाएगा तो बताओ ये क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए तो किसी मेटल के प्लस दो में आने के पीछे क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो द फेवरेबल यहाँ पे समझना कि सॉलिड ये मेटल सॉलिड था बेटा यहां तक और प्लस दो एक्वस तक पहुंचने में फेवरेबल कंडीशन एटोमाइजेशन एनथेल्पी कम होनी चाहिए होगी तो सही लेकिन कम होनी चाहिए हमारे लिए फायदेमंद है जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे उसको दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो सही लेकिन कम होनी चाहिए जो जो भी खर्चे वाली चीजें हैं वो तो कम होनी चाहिए और जो फायदे वाली चीजें हैं वो ज्यादा होनी चाहिए यानी कि एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज फॉर्म में हमको मिलेगी हमारे लिए स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा लेकर आएगा बात समझ आ रही है अगर आपको बड़ी बड़ी बातें बहुत आसान आसान सी भाषा में समझ आ रही है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें आ जाए फिर ठीक है भाई अब सुनो एनसीआरटी ने लिखा हुआ है कि जो मेटल्स ठीक है मेटल्स जो होते हैं जिन मेटल्स की हाई ऑटोमाइजेशन एनथेल्पी होती है एनसीआरटी की लाइन है बेटा मैं नहीं बोल रहा हूं एनसीआरटी ने लिखा हुआ है कि जिन मेटल्स की ऑटोमाइजेशन एनथेल्पी ज्यादा होती है उनकी टेंडेंसी नोबल रहने की होती है अगर बात को कनेक्ट कर पाओ तो वापस सुनो एनसीआर ने लिखा हुआ है कि जिन मेटल्स की अटोमाइजेशन एंथेलपी ज्यादा होती है यानी कि यहीं पर बहुत पैसा लगता है यानी कि अगर इस स्टेप में ही बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़े तो ये भाई साहब बोलेंगे कि मेरे को जीरो में ही रहने दे तेरी औकात नहीं है मुझे वहां ले जाने की तो ऐसे मेटल्स जिनकी अटोमाइजेशन एंथेलपी ज्यादा होती हैं, वो तो जीरो में रहना ही पसंद करेंगे अरे भाई उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना यहां बहुत पैसा दोगे तुम फिर आगे तो देना ही है तो इसीलिए ने एक बहुत सुंदर सी बात लिखी कहा कि ऑटोमाइजेशन जिनकी ज्यादा होती है वो मेटल्स नोबल रहना चाहते हैं मेटल्स टेंड टू तो बी नोबल इन रिएक्शन मतलब मीन्स एम से एम टू प्लस का रास्ता मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर मेटल ऑटोमाइजेशन एनथेल्पी बहुत ज्यादा होगी तो नहीं जा पाएगा वो तो वो एम यानी कि जीरो स्टेट में ही रहना चाहेगा तो जीरो स्टेट में रहने वाले मेटल्स की ऑटोमाइजेशन एनथेल ज्यादा होती है एक कारण है <स्थाँगा> ये। ये एनसीआरटी की लाइन है मैं चाहता हूं कि आप एनसीआरटी साथ में खोल लें ट्वेल्थ क्लास पार्ट वन ठीक है टेल्थ क्लास पार्ट वन आप चाहो तो इन पॉइंट्स को एनसीआर साथ साथ मैं तो ऑलमोस्ट पांच से सात तो आप चाहो तो साथ के साथ रीड कर सकते हो कि कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने सब पढ़ा रखा है है देख लेना ना कवर कर रखी है वही लाइंस लिख रहा हूँ वही लाइन्स लिखी हुई है चेक कर ले जाके ठीक है आप चेक कर लो जिन्होंने साथ में एनसीआर खोल रखी है ये बात लिखी हुई है वहां पर जाके चेक कर लेना

कवर कर रहे हो किसी एक चार्ज में यानी टाइटेनियम की अगर प्लस टू में साइज देख रहे हो तो जिंक तक फिर सबकी प्लस टू में साइज कंपेयर करो तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक का प्लस दो एक का प्लस चार एक का प्लस तीन वो कंपैरिजन नहीं कर सकते इसने कहा सेम चार्ज वाले आयंस की अगर आप साइज कंपेयर करते हो हर सीरीज में तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी ये पहली लाइन लिखी हुई है उसमें ठीक है भाई ये पहली लाइन लिखी हुई है क्लियर है सबको ठीक है फिर रीजन है ऐसा क्यों होता है तो उन्होंने तो घुमा फिरा के लिखा हुआ है मैं सीधा सीधा बोलता हूं हम जानते हैं कि लगातार इलेक्ट्रॉन किसमें कहा ना वही सारी बातें हैं जिनको घुमा फिरा के लिख दिया गया है तो लगातार इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहे हो डी में भर रहे हो डी में, में भर रहे हो तो अब आप इलेक्ट्रॉन डी में भर रहे हो जिनकी शील्डिंग अच्छी नहीं है अब ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हो जो पुअर है शील्डिंग करने में नलायक है अब शिल्डिंग पुअर आप तो बढ़ाते जा रहे हो इलेक्ट्रॉन लेकिन उन्हें काम करना नहीं आता अरे भाई एक कंपनी में ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे लोग भर दोगे जिनको काम करना नहीं आता तो कंपनी तो डूबेगी ना बेटा यही कारण है इसीलिए अगर लगातार जब ऐसी जगह पे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिनकी शिल्डिंग पुअर होती है डी में इलेक्ट्रॉन अगर है तो शिल्डिंग पुअर होगी और शिल्डिंग पुअर होगी तो फिर जेड इफेक्टिव क्या होगा ज्यादा होगा और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इन जनरल लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है क्लियर एकदम क्लियर है बेटा ठीक है और ये सब मैंने समझाया हुआ पॉइंट मजेदार पॉइंट तब आता है जब आप इनकी ग्रुप के अंदर साइज कंपेयर करते हो

ये देखो बीच में जो आपकी लाइन दिख रही है ये देखो आप देखते जाना मैं क्या सिखा रहा हूं ये देखो तो स्कैंडियम से यूट्रियम पे आओगे स्कैंडियम से यूट्रियम पे आओगे तो साइज इंक्रीज होगी फिर ट्रियम से लेंथेनम पे आओगे तो भी साइज इंक्रीज होगी ये दिख रहा है आपको ये देखो इससे बड़ा ये, ये येलो लाइन वाला पॉइंट है ये वाला ये वाला और ये वाला यानी इस ग्रुप में तो कोई भी दिक्कत नहीं है अभी यहां पर भी देख लो कि इससे बड़ा तो ये पीला है ही यानी कि ये सब तो सही है एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं देख लो ये देखो ये देखो सारे ग्रुप में ये वाला पंगा तो है ही हमारा कोई टेंशन ही नहीं सारे ग्रुप में ये वाला तो चल ही रहा है सारे ग्रुप में ये वाला तो चल ही रहा है लेकिन आप एक चीज नोट करो कि जितना गैप यहां पर है ये देखो जितना गैप यहां पर है इन दोनों के बीच में इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप देखना देखा दिख रहा है आपको इन दोनों बीच के कुछ गैप है इसीलिए आप क्लियरली यहां पर ये वाला साइन लगा रहे हो लगा रहे हो लेकिन आप अब इस येलो और ब्लू के बीच का गैप देखो ये तो एक ही हो गए लगभग तो जुड़ गए लगभग आप ये देखो इन दोनों के बीच में तो आपको डिफरेंस दिख रहा है लेकिन यहाँ तो आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है उतना नहीं है यानी कि मैं ये बोल दूं कि अरे सर ये तो फिर लगभग बराबर हो गए क्या हो गए लगभग बराबर 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 हो गए अब ऐसा क्यों हुआ बड़ा सवाल सर इन हॉफनियम टेंटेलम टंगस्टन रेनियम यानी कि ये जो 5D सीरीज है ये जो 5D सीरीज है इस 5D सीरीज में इस 5D सीरीज में इस 5D सीरीज में ऐसा क्या हो गया कि यहां से इस ग्रुप के बाद ये जो थर्ड ग्रुप है इस थर्ड ग्रुप में थर्ड ग्रुप को छोड़ के चार से लेकर जो बारह तक का ग्रुप है उसमें ऐसा क्या हो गया कि फाइव सीरीज और फोर सीरीज लगभग बराबर हो गए ऐसा क्या हो गया तो कारण है 5d सीरीज एलिमेंट को जब भी आप देखोगे ना बेटा तो 5d सीरीज एलिमेंट में जब आप देखते हो तो सिक्स पीरियड है वन से टेन ते और यहां आ जाएगा आपका सिक्स एस टू अब ये जो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्टीन f इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा पूवर तो जेड इफेक्टिव क्या होगा ज्यादा और इसी को बोलते हैं क्या लेंटेनोइड कंट्रैक्शन मतलब ये होने चाहिए थे बड़े ये सब लेकिन ये सब हो, छोटे हो गए मतलब ऐसे समझो ये गैप होना चाहिए था अब इनमें लग गया लेंटेनोइड कंट्रैक्शन लेंटेनोइड कंट्रैक्शन लगने की वजह से ये छोटा होना शुरू हो गए और छोटा होकर इनके बराबर आ गए इनसे नहीं हुआ इनके बराबर आ गए इसीलिए ये दोनों आपस में लगभग बराबर चलते हैं तीसरे ग्रुप को छोड़ दो बाकी ये जो आपका 4d सीरीज और 5d सीरीज है बाकियों में लगभग बराबर चलती है और इसी को बोलते हैं लेंथेनोइड और इसकी चर्चा हम पीरियोडिक टेबल में कर चुके हैं है बेटा इसकी चर्चा हम पीरियोडिक टेबल में कर चुके हैं तो ये देखो वही बात फिर से लिखा हुआ है इसमें कोई भी चीज अब ऐसी नहीं बचेगी मुझे समझाना पड़े सब क्लियर है देख लो भाई टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम थर्ड ग्रुप कोई इशू नहीं है क्योंकि ट्वेंटी वन थर्टी फिफ्टी सेवन है लेकिन जब आप फोर्थ ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप पर जाओगे तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन लगेगा उसका कारण सुनो क्या कि यहां पर ये 57 है अगर लेंथेनम 57 है तो हॉफनियम बेटा 58 नहीं है 58 से 71 तो लेंथेनोइड्स हैं वो अलग हैं मतलब बीच में ये 14 एलिमेंट हैं जिनको सेपरेटली हमने नीचे रखा हुआ है तो इस वजह से इनमें लग जाता है लेंथेनोइड एंड ये पूरा मैंने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से क्लियर किया हुआ है मैं नहीं रुक बता पाऊंगा अब इसको माफ करिएगा ठीक है क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि जो मुझे फॉलो कर रहा है वो शुरू से कर रहा है ठीक है ना ऑनलाइन सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है एक वहां से एक यहां से एक यहां से एक वहां से तो ऐसा मत करना इस साल कर लिया है भगवान करे अगले साल मौका ना पड़े लेकिन अगर पड़े तो ऐसा मत करना एक ही टीचर से उसने क्या चीज कौन सी पढ़ाई है उसको पता है वो तो एक मिनट में बोल के चला जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ अब बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में डी एंड एफ लोग करवाते ही नहीं है वहां तो तकलीफ आ जाएगी तुम्हारे मैंने तो करवा दिया ना बेटा यहां से कैसे सवाल आते हैं ये दिख रहा है यही ग्रुप पूछा जाएगा वो पूरे पीरियोडिक पूरे इस चैप्टर में तीन जगह इनकी बात लिखी हुई है इनकी साइज का ऑर्डर कि जिरकोनियम और हॉफनियम बराबर क्यों है तो मैंने क्या किया मैंने भी आपके लिए वो सवाल ही बना लिया मैंने कहा कि बच्चों के सवाल तो वही आना है ले बता ले भाई तो मैंने सवाल बना लिया अब सवाल है आंसर बताओ तुम सवाल तो यहीं से आएगा मुझे पता है और ऐसा ही कुछ बना के दे देगा वो ऑर्डर तो उनको सबको याद ही है स्टेटमेंट वाला बना दिया जरा बताओ कह रहा है जिरकोनियम एंड हॉफनियम एक्सिबिट सिमिलर रेडिया एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऐसा क्यों होता है तो पहले तो इस बात का मतलब समझो कि ये कह रहा है कि ऐसा होता है टी जरा हाफ ठीक है ऐसा होता है तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है ये इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट मैच कर जाती है और इनकी साइज भी जो है वो लगभग बराबर होती है ऐसा क्यों तो स्टेटमेंट टू लिखा है कि बहुत एलिमेंट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक अच्छा तो डीब्लॉक में तो और भी एलिमेंट्स होते हैं मतलब क्या लेंथेनम क्या येट्रियम और लेंथेनम नहीं होते हैं क्या लेकिन उनमें तो यही रिलेशन होता है वो भी डीब्लॉक है रीजन क्या है रीजन तो ये तो नहीं है मतलब दोनों स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये फॉल्स वाला तो काट दो। दोनों सही है लेकिन ये रीजन नहीं है तो इसका मतलब है कि आंसर हो गया हमारा सेकंड। रीजन कौन क्या है वो तुम बताओगे रीजन क्या बेटा सर आपकी बहुत याद आई रातकली खाब में आई हम्म 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 रीजन यस रीजन में वो डायरेक्ट लेंथेनोइड एनॉइड कॉन्ट्रेक्शन लिख सकता है रीजन में वो पुअर शील्डिंग ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता है तो पहचानिएगा कि वो कितना गहरा उतर के आपसे बात कर रहा है ऐसा नहीं कि एक शब्द रट के चले गए लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन और वहां वो लिख रहा है कि फाइव डी सीरीज में फोर एफ के फोर्टीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जिनकी शील्डिंग पुअर होती है और कह रहे हैं कि लेंथेनोइड तो नाम ही नहीं आया अरे बेटा लेंथेनोइड एनोइड कॉन्ट्रेक्शन फोर एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से ही तो होता है तो इसीलिए देखना कि किस स्टेप पे जाकर आपने उसने उसने आपसे सवाल का जो कारण है वो जानना चाहा है चलिए हाई जेड इफेक्टिव यस बिल्कुल हाई जेड इफेक्टिव भी पूछ सकता है वो क्यों क्योंकि होगी तो जेड इफेक्टिव ही तो इंक्रीज होगा रहा है क्या आ भाई चले आगे बहुत आराम आराम से पढ़ना है अब देखो इसने

मैं एफ आया नहीं है इसको भी ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं ये है फोर डी सीरीज इसको भी ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और ये एक फाइव डी सीरीज है इसको भी ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं लेकिन इस फाइव डी सीरीज में एक खास बात है जो ऊपर वाले दो में नहीं है इसीलिए ऊपर वाली दो सीरीज को तो बोला है ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज देखो ये शब्द समझ नहीं आते ना बेटा एनसीआर के इसलिए लिख कर लाया हूं जहां मुझे पता है कि बच्चे में बेचैनी आएगी चिड़चिड़ापन आएगा लाइन पढ़ के वो लाइन तो मैं लेकर ही आया हूं तो ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है ऊपर वाली दोनों सीरीज क्योंकि वहां पर एफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है 5D सीरीज में एफ जो है वो आ चुका है अब ये ऑर्डिनरी नहीं हुआ अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया अरे सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब अरे अब इसमें और नालायक इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं अरे भाई इनमें तो डी के इलेक्ट्रॉन पोवर शील्डिंग कर ही रहे हैं ना हमने कहा ना कि 3D से 4D हमने ये कहा हर सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है ड्यू टू ट्रांजिशन अरे भाई जब D में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं तो ट्रांजिशन ही चल रहा होगा इन सीरीज में ट्रांशन कॉन्ट्रेक्शन अब ये जो आखिरी वाली सीरीज है फाइव सीरीज सिक्स की हम बात नहीं करते इसलिए इसको आखिरी बोला मैंने ये जो फाइव सीरीज है इसमें डी में तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो ही रहे हैं लेकिन उनके पीछे बैठे हुए हैं एफ मजे से मजे से चौदाह इलेक्ट्रॉन एफ के पहले से रख दिए तुमने अब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लोड आ गया मतलब नालायक इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ महानालायक इलेक्ट्रॉन्स पहले से आ गए तो बताओ यहां पर जो शिल्डिंग होगी वो और ज्यादा पुअर होगी और और ज्यादा पुअर होगी तो इनके अंदर जेड इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ेगा इसीलिए ये तो हो गई ऑर्डिनरी और ये वाली हो गई बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं बता रहा हूं

लाइक करने आया था रिकॉर्डेड देखूंगा तो लाइक करके जाना घर में जितने फोन है सबको चलवाओ लाइक करवाओ मम्मी पापा है ना मौसी मौसा फु, भूआ फूफा सबके लगाओ उनके बच्चों के भी फोन लगाओ और लिंक भेज दो और कह रहे कि वहां पे एक क्लास चल रही है बस लाइक करके आ जाना सबको लगाओ सबको सब, सब रिश्तेदारों में फैला दो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो कि ये जो भी लिंक है इसको लाइक नहीं किया है ना तो पाप देगी माता रानी हाँ लिखो लगाओ सर करो सब करो सब करो ये लाइक बढ़ाओ भाई बहनों के मम्मी पापा के फोन ले लेके आओ चलाओ उसमें लाइक करके चल जाओ सब में आओ पड़ोसियों को बोल दो ठीक है तो इसने कहा कि जो है वो डिक्रीज होती है वो इनमें भी होती है इनमें भी होती है लेकिन इनमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है और मैग्नीट्यूड ज्यादा होने का कारण मैंने बता दिया क्या कि यहां पर तो डी डी के इलेक्ट्रॉन आपस में पुअर शेल्डिंग कर रहे हैं क्योंकि डी के ही इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी डी डी के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पुअर शेल्डिंग कर रहे हैं यानी कि यहां पर तो एफ के इलेक्ट्रॉन भी आ गए तो एफ और एफ के इलेक्ट्रॉन जो है वो तो और ज्यादा पुअर होगी तो इन्होंने लिखा हुआ है हाउ एवर द शिल्डिंग ऑफ वन फोर एफ इलेक्ट्रॉन बाय अनादर इज लेस देन दैट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एज द न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज अलोंग दीरीज ए फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एंटायर फोर एफ एन सीरीज कहा कि इनके अंदर लगातार साइज डिक्रीज होने का कारण है कि एफ और ज्यादा पुवर शिल्डिंग करता है तो बेसिकली इन्होंने ये समझाया है और यह मैंने भी समझा दिया है कि ऐसा कुछ आए तो तुम्हारे सामने अब बात आ जाएगी कि यह ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल विद इंक्रीज इन एटोमिक डेंसिटी क्या होता है एम अपॉन वी होता है बेटा अगर ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो इसी को सपोर्ट मिलेगा है ना मास बढ़ेगा कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मास बढ़ता है वॉल्यूम यानी कि साइज घटती है तो डेंसिटी ही बढ़ेगी तो अगर हम स्कैंडियम को छोड़ दें और जिंक को छोड़ दें दोनों पहले और आखिरी को छोड़ दें ठीक है अब वो आपके सिलेबस में नहीं है वरना मैं भी बता देता कि उनकी डेंसिटी का कारण क्या है क्या नहीं है तो इसमें तो इन्होंने साफ साफ क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि यार दो को छोड़ दो ना गोली मारो ना टाइटेनियम से कॉपर तक डेंसिटी इंक्रीज होती है क्या लिखा हुआ है टाइटेनियम से कॉपर तक डेंसिटी क्या होती है बेटा इंक्रीज होती है ये उन्होंने बोला हुआ है क्लियरली बोला हुआ है देखो ठीक है चले आगे तो कॉपर की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी इस हिसाब से बिल्कुल सही है फिर आता है आयोनाइजेशन एनथेल्पी की हम बात कर लेते हैं तो क्या क्या चीजें हमको सीखनी है इसको छोड़ो एक बार आयोनाइजेशन एनथेल्पी में हमें क्या क्या पता होना चाहिए नीट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो नीट के लिए एक तो इंपॉर्टेंट है कि हमें यह पता हो कि जनरली डिक्रीज होगी सॉरी जनरली इंक्रीज होगी क्यों क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की शील्डिंग पुअर होती है शिल्डिंग पुअर होने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ये चीज दिमाग में फिट हो जानी चाहिए वापस बोलो क्या कि इन जनरल हमसे कोई पूछे कि भैया ऐसा ऐसा होता है तो हाँ लेफ्ट टू तो राइट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है है दैट्स इट क्लियर अब लेकिन यह वेरिएशन रेगुलर नहीं होता बहुत ज्यादा वेरिएशन होता भी नहीं है और रेगुलर नहीं होता है किसी ना किसी वजह से आगे पीछे चीजें हो सकती हैं तो मैंने क्या किया कि वैल्यू देखकर मैंने वैल्यू देखकर आपके सामने पहली सीरीज का मतलब थ्री सीरीज का पहला आयोनाइेशन एनर्जी ऑर्डर तो लिखवा दिया है और वो क्या है तो वो मैंने ऐसे बना दिया फाइनल ऑर्डर सुनो विनीता कमाल थी मानी नहीं क्यों कौन फिर जाने हाँ बच्चों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है इस विनीता को लेके बेटा मैं भी नहीं जानता ये तो ट्रिक की वजह से मुझे विनीता याद आया विनीत भी हो सकता था यहां पे, पर मुझे लगा ये अच्छा नहीं रहेगा है ना विनीता ही ज्यादा ठीक रहेगी अच्छा भी नहीं लगता विनीता कमाल थी मानी नहीं क्यों कौन फिर जाने यह आपका थ्री सीरीज का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का फाइनल ऑर्डर है क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं वो वैल्यू देकर अगर वैल्यू देखकर अगर पूछता है सवाल तो इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा वैसे आएगा नहीं पर फिर भी बता रहा हूं कि इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा ठीक है बेटा अब नेक्स्ट बात करते आयोनाइजेशन एनर्जी टू ये वन हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी वन जनरली इंक्रीज और फाइनल ऑर्डर आपके सामने आयोनाइजेशन एनर्जी टू जनरली इंक्रीज लेकिन दो का ध्यान रखना क्रोमियम मैंगनी और कॉपर जिंक क्रोमियम मैंगनीज और कॉपर जिंक क्रोमियम मैंगनीज और कॉपर जिंक की पूछ लो या क्रोमियम प्लस की और एम एन प्लस की वो पूछ लो कंफ्यूजन नहीं रखता हूं मैं हटा ही देता हूं इसको क्योंकि अभी इतना समय है भी नहीं हमारे पास इससे आपका काम हो जाएगा तो इससे भी कर लेंगे चलो क्रोमियम थ्रीटी फाइव फोर एस वन होता है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी टू बोल रहे हो तो एक कम कर दो तो अब रिजल्टिंग कॉन्फिग्रेशन क्रोमियम का थर्टी फाइव आया और इसका थ्रीटी फाइव फोर एस वन आया तो यह हाफ फिल्ड होने की वजह से ज्यादा हो जाता है कॉपर में भी फुल फिल्ड होने की वजह से दूसरी आयोनाइेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होता है दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी पहली देख लो पहली देख लो क्रोमियम से ज्यादा मैंगनीज है कॉपर से ज्यादा जिंक है लेकिन दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में क्रोमियम ज्यादा हो गया से और कॉपर ज्यादा हो गया जिंक से तो इस बात का ध्यान रखें कि हम एनर्जी टू की बात करें। एनर्जी थ्री तक की भी कुछ बातें की हुई है और वो बात की हुई है एनसीआर ने मैंगनीज और आयरन के लिए मैंगनीज और आयरन के लिए बात की हुई है देखो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी आयरन की ज्यादा है मैंगनीस से आयरन की ज्यादा है

इसको हटा दो ये अदर वर्ड्स तुमको कंफ्यूज कर लेगा अब ये अदर वर्ड्स वाला टाइम अब बचा नहीं है बेटा है ना इसलिए अब एक वर्ड में समझ आ जाए वही ठीक है दो वर्ड का क्या ही करेंगे अभी समय नहीं बचा अब दो वर्ड का ये देख लो मो आयरन और मैंगनीज के लिए मैंने बताया हुआ है मैंगनीज आयरन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहां से होगी ये देखो 4s2 4s2 जेड इफेक्टिव 4s1 4s1 फिर से जेड इफेक्टिव लेकिन तीसरी आयोनाइेशन एनर्जी का मतलब है आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो यानी कि वो प्लस टू बन चुका है और ये आयरन प्लस टू बन चुका है जब प्लस टू बनेगा, तो थ्री डी फाइव बन जाएगा और प्लस टू बनेगा, तो थ्री डी सिक्स बनेगा इसीलिए तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाती है अब जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन मांगने जाओगे तो वो एम एन प्लस टू से मांगने जाओगे और वो बोलेगा आई एम हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन इसमें से निकाल के बता तो बोलेगा आप को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो ये इसकी आयोनाइन एनर्जी ज्यादा होगी इसीलिए ध्यान रखना बेटा कि चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो चाहे आप इसकी एनर्जी ऐसे देख लो भाई जो इनकी तीसरी है वो इनकी पहली हो गई अगर मैं ये लिख कर दे दूं तो तुम्हारे लिए तुम भूल जाओ इसका अतीत ये तुम्हारे लिए इनके लिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो गया अगर मैं तुमको ये लिख कर देता हूं तो तुम सोचोगे कि पहला निकला दूसरा निकला फिर ये ऐसे बने अब तीसरा निकालोगे लेकिन मैं तुमको ऐसा ही बना के दे दू प्लस टू प्लस टू तो फिर तो उनकी आयोनाइन एनर्जी फर्स्ट ही देख लो ना तुम इन दोनों की तो फर्स्ट ही हुई इनमें से तो एक एक ही निकाल रहे हो ऐसे समझ लो तुमको यह पता ही नहीं है ऊपर वाले बस तुमको यही दे दिया मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट पहले से प्लस दो बना के देती है तो फिर तुम्हारे लिए तो पहला ही काम हुआ इसीलिए अदर वर्ड्स वाली बात यह थी कि दोनों बातें एक हैं कि इनकी तीसरी और इनकी पहली एक ही बात है चले आगे दो बार लाइक मत करना अब मुझे लगता है कि रिलेशन जो नीट के लिए पूछे जाने वाले हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं कि पहले इसकी ज्यादा उसकी ज्यादा पहली इसकी ज्यादा दूसरी उसकी ज्यादा ये आप एक साथ इसको एक साथ लिख लेना ताकि आपको नीट में सवाल आपका गलत ना हो फिर आयरन मैंगनीज में पहला दूसरा तो नॉर्मली चलेगा जो कि आप सोचते हो लेफ्ट टू राइट वाला बढ़ना चाहिए बढ़ेगा आयरन लेफ्ट राइट में आता है इंक्रीज लेकिन तीसरी जो है वो ये, तो मैंने स्टार लगा दिए हैं नीट के लिए जो आप गलत कर सकते हो जो कि उल्टी होती है है ना? तो अपोजिट ऑर्डर्स जो हैं उन पर मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं चलो भाई आगे ये बहुत सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। आप में से जो भी बच्चे एनसीआरटी खोल के बैठे हैं ये ये सब यहां पर लिखी हुई है ठीक है अब इनके अंदर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है वो छोड़ो मैंने इनमें से जो भी बातें निकाली हैं अच्छा ये चीज पता है ना कि मैंगनीज सॉरी मेटल से प्लस दो वाली कहानी बता चुका हूं तुमको अभी मैं हाइड्रेशन नहीं बता रहा हूं क्यों क्योंकि मुझे अभी उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है तो मैं अभी तक यहीं तक रहूंगा सिर्फ कौन कौन से प्रोसेस ऑटोमाइजेशन आयोनाइशन एनर्जी वन और आयोनाइशन एनर्जी टू मतलब अगर मुझे कोई गैसियस प्लस टू बनाना है मैं एक्वस मीडियम में नहीं जा रहा हूं इसलिए मैंने यहां से हाइड्रेशन प्रोसेस को हटा दिया है तो ठीक है हम इनसे भी भली भांति परिचित हैं हम जानते हैं हमें एनर्जी यहां भी देनी पड़ती है हमें यहां भी देनी पड़ती है और हमें यहां भी देनी पड़ती है अगर किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी टू ज्यादा होगा मेरी बात समझ लेना बेटा अगर किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी दो ज्यादा होगा तो वो प्लस टू में आना मुश्किल है अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी टू कम होगी तो वो प्लस दो में आना आसान हो जाएगा इन चीजों को ये आपको सामने ये आपकी स्टेप है अब आप देखते जाना कि क्या क्या इन्होंने ये पंचायती करी हुई है आप इसको मत पढ़ो क्योंकि मैंने इसमें से ये सारी चीजें कलेक्ट करके क्वेश्चंस के जरिए और उनके आंसर्स बना के मैंने रीजंस बना के आपके सामने पेश कर दी पहली लाइन जो उस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि क्रोमियम एंड कोपर है ना फॉर क्रोमियम एंड कॉपर आई ई टू इज वेरी हाई

ये बात है ये लिखी हुई तो, तो, तो गया अब, सिर्फ D10 बचा, अब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन तो डी टेन से निकालोगे ना एक तो वहां से निकाल लिया दूसरा यहां से निकालोगे तो दूसरा जब इसमें से निकालोगे तो यह भी आपसे बहुत ज्यादा एनर्जी मांगेगा तो आप समझ आया कि क्रोमियम और कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा क्रोमियम और कॉपर की पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत गैप आ जाता है देखो पहली और दूसरी में बहुत गैप आ जाता है कारण पूछो क्या क्योंकि पहला तो ये राजी राजी दे देगा दूसरा नाटक करेगा पहला राजी राजी दे देगा दूसरा नाटक करेगा ये बात लिखी हुई उसने सर पढ़ने का मन नहीं होता अरे कोई बात नहीं जो मन होता है वो कर इतनी क्यों टेंशन ले रहा तू तो ये तो पता कर ले कि मन किस चीज का होता है उसी पैराग्राफ के अंदर बेटा ये बातें भी लिखी हुई है कि जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है जैसे क्रोमियम और कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी टू ज्यादा होती है। उसी तरह से जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी टू कम होती है ऐसा क्यों क्योंकि देखो जिंक जो है वो डी टेन एस टू है बेटा यहां एस टू है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वन जो भी होगी वो ठीक है अच्छा ये मत समझ लेना कि आयोनाइजेशन एनर्जी वन से कम आयोनाइजेशन एनर्जी टू होगी नहीं 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 कंपेरिटिवली लो ये जब भी कंपेरिटिवली लो बोला हुआ है ये दूसरे एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी टू से कंपेयर किया हुआ है गलती मत कर लेना तुम तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे अगर तुम ये बोल दोगे कि यहां दस रुपए लगे और यहाँ पांच ही लगे ना 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 ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होती है वो तो ये कह रहा है वो तो ये कह रहा है बेटा कि यहां पे मान लो पांच रुपए लगे और यहां पे दस लगे तो और जगहों पे और दूसरे एलिमेंट के लिए यहां पर दस से ज्यादा ही होते हैं वो ये कह रहा है इसके दस रुपए को बाकियों से कंपेयर किया गया है ये पांच और दस को कंपेयर नहीं किया है तो गलती मत कर देना कि जिंक की आयोनाइशन एनर्जी टू लो बोल रहे हो तो ये सोच रहे हो कि इसकी पहली से इसकी दूसरी कम हो गई क्या कभी नहीं हो सकती इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो पैसा ज्यादा ही लगेगा सक्सेसिव आयोनाइशियन एनर्जी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है तो इसीलिए ये भ्रम में मत रहना बेटा पता पड़े उल्टा ही समझ गए अर्थ का अनर्थ नहीं जब ये लो लिखा हुआ है तो ये बाकी एलिमेंट्स की आयोनाइशन एनर्जी टू के कंपेरिजन में बोला हुआ है तो यहां जो भी पैसा दोगे यहां ज्यादा ही देना है लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं है कि बाकियों में जितना लगता है तो सुनो क्यों क्योंकि यहां पर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो S2 से, दूसरा तुम्हें से छेड़ के मत जा तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो जिंक के जज्बातों से खेल गए अब जब जज्बातों से खेल गए तो पूरा खेल के जाओ ये कह रहा है लेके जा भाई मैं कम में दे दूंगा मतलब उससे तो ज्यादा में ही दूंगा लेकिन

क्लियर है आगे बढ़ सकता हूं पक्का चले आगे समझ आ रहा है ना ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना बेटा कि डी एंड एफ ब्लॉक भी समझ आ रहा है ना डी एंड एफ ब्लॉक के जो एनसीआर के अंदर लिखी हुई जो बातें हैं वो समझ आ रही है ना बहुत मेहनत करके लिखी है चीजें मुझे पता है उस पैराग्राफ में पढ़ने में पसीने आते हैं लिखा हुआ यही सब है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चेक कर लो लिखा हुआ यही सब है लेकिन डर लगता है ये सब पढ़ने में लेकिन इनको अगर ऐसे समझाऊं

मेरे बच्चों पे दया नहीं आती ऐसे बोल सकता हूं इसे तो फालतू फालतू बातें करनी है इसे तो डेटा दिख रहा है और डेटा दिख रहा है तो लिखे जा रहा है ये तो अंट शंट इसे ये नहीं समझ आ रहा है कि बच्चों को याद रखना होता है इतनी सारी इंफॉर्मेशन बच्चा कैसे याद रखेगा भर तो दिया इसने पैराग्राफ ये ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है अरे भाई लॉजिकल बात है तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ना कि उन फैक्ट को सिर्फ फैक्ट रहने दू कोशिश करूं कि उनके कॉन्सेप्ट तक जाऊं कि क्यों ऐसा उसने बोल दिया तो जरा सोचते हैं आ जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ कि मैंगनीज d2 d5 s2 पहला निकला दूसरा निकला तीसरा जब निकालोगे तो d5 से छेड़ना पड़ेगा क्योंकि यह गया दो तो इलेक्ट्रॉन s2 से जाएंगे यहां से जाएंगे पहला यहां से जाएगा दूसरा भी यहीं से जाएगा तीसरा यहां से छेड़ोगे इसीलिए तीसरी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी दूसरा जिंक के साथ भी यही कैसे पहला दे देगा दूसरा दे देगा अभी दूसरे की बात हमने कर ली कि लो होती है फिर दूसरा निकालने के बाद तुम गए कि तीसरा अरे इसकी इतनी ज्यादा होती कि जिंक कभी में देखा है क्या नहीं ऐसा पोता पैदा ही नहीं हुआ जिंक कभी में तुमने देखा ही नहीं तो इसका मतलब हुआ कि ओके 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 इसीलिए तो ये महाराज जी हैं प्लस तीन में नहीं दिखते ठीक है बेटा क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है डी टेन से छेड़ोगे क्या नहीं ना इसीलिए कभी जिंक को प्लस तीन में नहीं देखोगे क्योंकि इसकी आयोन एनर्जी थ्री बहुत ज्यादा होती है और एक एनसीईआरटी ने आगे कहीं पे एक ऐसा पॉइंट भी लिखा हुआ है कि मैंगनीज प्लस तीन भी बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है मैंगनीज के प्लस तीन में कंपाउंड भी बहुत कम होते हैं होते हैं जिंक की तरह क्लियरली मना नहीं करेगा मैंगनीज लेकिन मैंगनीज का प्लस तीन के अंदर एग्जिस्टेंस बहुत कम है प्लस तीन के अंदर वो कंपाउंड बहुत कम बनाता है चार में बना लेगा चार में बना लेगा में बना लेगा छह में बना लेगा सात में बना लेगा लेकिन तीन वाले कंपाउंड रेयरली मिलते हैं, ठीक है उसका कारण भी वही है। आज तो एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं बेटा मैं तो वो एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर इनके अलावा कोई एग्जाम्पल तुम मुझसे पूछते हो तो बेटा वो तो आने हैं नहीं और मेरे पास भी इतना समय है नहीं mm. मैं चाहता हूं कि दुनिया में जब सारे लोग पेपर दे रहे होंगे उस तारीख को और ऐसी कुछ बातें लिखी हुई आ गई हो तो तुम टिक कर लेना कि यार हमारे उस मास्टर ने तो पढ़ाया हुआ है ये सब और कॉपर निकल एंड जिंक इट इज डिफिकल्ट टू अपटेंड ऑक्सीडेशन मोर देन टू है ना ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें कि कॉपर निकल और जिंक के लिए डिफिकल्ट होता है प्लस दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन ना आप कॉपर को प्लस तीन में देखोगे ना एनआई को आप प्लस तीन में देखोगे है ना होता है ऐसे तो एनआई प्लस फोर में भी होता है बट डिफिकल्ट लिखा हुआ है और जिंक तो कभी भी प्लस दो से ज्यादा वैसे भी नहीं देखोगे एनआई फिर भी हो सकता है बट ठीक है इन जनरल इसको एनआई को भी बोल दिया कि एन की भी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू ही होती है तो ऐसा क्यों तो ड्यू टू देयर हाई थर्ड आयोन एनर्जी ऑब्वियसली बात है पहला दे देंगे दूसरा दे देंगे यानी प्लस दो तक तो पहुंच जाएंगे अब तीसरा इलेक्ट्रॉन देने का मतलब तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज्यादा होगी तो प्लस तीन कभी बनेंगे नहीं नहीं तो ये लिखा हुआ है ऐसा ठीक है भाई तो एन आई प्लस थ्री एंड प्लस फोर इज लेस स्टेबल होने को हो सकते हैं बट प्लस टू इज मोर स्टेबल है ना एन आई प्लस टू इज मोर स्टेबल वो तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मैंने क्लियरली कट कर दिया उनको तो अब बात समझ आई बेटा जो कुछ भी बातें एनसीआर के उस बड़े से पैराग्राफ में लिखी हुई है वो मैंने आपको बहुत ही प्यार से तीन पॉइंट्स को क्लियर करके समझा दी है अब आती है बात ऑक्सीडेशन स्टेट की तो इन्होंने कहा कि भैया इनके पास इतनी वैरायटी क्यों होती है जैसे मैंगनीज को ले लो मैंगनीज प्लस दो से लेके प्लस सात तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो बोला कि ऐसा क्यों होता है तो आंसर क्या आया कि भैया ये जो दोनों जगह है है हमारे पास है ना ये दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो तो, तो 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 लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों इनमें एनर्जी गैप ज्यादा हुआ आंसर ही यही था कि इनके बीच में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता ही नहीं है अरे फोरस और थ्री के इलेक्ट्रॉन तो आपस में ही कूदते रहते हैं और कोर्डिनेशन में हमने पढ़ा है कि थ्री और फोर तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं कि इनर डी और तो इसका मतलब थ्री डी और के बीच में गैप कम है तभी तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था कोऑर्डिनेशन में तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये दोनों जो भाई 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 मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ले लो यहां से ले लो एक ही बात है तो इसका मतलब है दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और जब दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो हमको यहां पर बड़ी वैलेंस शेल मिलती है वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे तो हमको वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी जो सवाल तुमसे पूछा जा सकता है वो ये सुन लो स्कैंडियम कभी प्लस दो में एग्जिस्ट नहीं करता और आयरन और कोबाल्ट कभी प्लस पांच में तुमको नहीं दिखेंगे क्रोमियम कभी प्लस वन में नहीं दिखेगा कॉपर प्लस टू जो है वो एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस मीडियम इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे है ना वरना वो कॉपर प्लस वन में ही स्टेबल होता है आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम किस तरह से ये सब देख लेना ये तो कुछ खास नहीं है इसमें मैंगनीज थ्री सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन देता है वो देख लेना ये सब कुछ भी नहीं है ये लो थ्री सीरीज में सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है ठीक है भाई जो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली मिलने वाली तो ये देखो स्कैंडियम सिर्फ प्लस तीन में एग्जिस्ट करता है स्कैंडियम का प्लस टू एग्जिस्ट ही नहीं करता और जिंक भी सिर्फ प्लस दो एग्जिस्ट करता है तो याद रखना विच एलिमेंट्स ऑफ थ्री डी सीरीज डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम एंड जिंक है ना यहां पे सिर्फ स्कैंडियम जो है यहां पे सिर्फ ओनली ये लो। ये सिर्फ प्लस तीन में एग्जिस्ट करता है और ये बाकियों के सबके पास वेराइटी है पहले और आखिरी वाले के पास वेराइटी नहीं है ठीक है पहले और आखिरी वाले के पास वेराइटी नहीं है और सुनो और सुनो अभी आगे एक पॉइंट आएगा आगे पॉइंट क्या आएगा वो सुनो कह रहा है कि स्टार्टिंग में भी वेरिएशन कम है जैसे यहां एक ही है यहां तीन है फिर यहां पर जो आ, उसमें उन तीन में से भी प्लस फोर ही सबसे ज्यादा स्टेबल है उन चार में से भी सिर्फ प्लस पांच ही स्टेबल है जैसे ही आप इधर आए अब दो स्टेबल हो गई तीन और छह ज्यादा स्टेबल हो गई फिर यहां आए तो ये दो से लेके सात तक का ब्रैकेट हो गया यानी कि सुनना स्टार्टिंग में कम है धीरे धीरे बढ़ रहा है धीरे धीरे वेरायटी बढ़ रही है बीच में आने पर मैक्सिमम वेराइटी हमारे पास और फिर वापस से घटना शुरू हो गई है एक ट्राई सा फील हो रहा होगा तुमको इस तरह से कि यहां से यहां आ रहे हो बीच में आ रहे हो तो इंक्रीज हो रही है और फिर वापस डिक्रीज हो रही है तो याद रखना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक पीरियड के अंदर पहले क्या होती है बढ़ती है और फिर वापिस से घटना शुरू हो जाता है ये ब्रेकेट देखो यहां पे वापिस से कम होना शुरू हो गए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि शुरुआत में और लास्ट में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है या कम होती है वापस सुनो मेरे स्टेटमेंट को कि पहले स्टार्टिंग में और एंडिंग में वापस सुन लो स्टार्टिंग में है ना स्टार्टिंग के दो तीन ले लो एक दो तीन ले लो और आखिर के तीन ले लो स्टार्टिंग में और एंडिंग में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहती है यानी कि इतनी ज्यादा वेराइटी नहीं है ऑप्शन नहीं है तो उसका रीजन एनसीआर ने लिखा हुआ है वो सुनो एक सवाल तो ये है जो नीट में आ सकता है वो नीचे लिखा हुआ है कौन शो नहीं करता तो एनसीआरटी ने जो बात लिखी हुई है मैंने उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करी कि इज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ सीरीज अब ये एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है एंड दोनों तरह के होते हैं ना स्टार्टिंग को भी एंड बोलते हैं इसको भी एंड बोलते हैं एक्सट्रीम एंड मतलब एक सीरीज है उसके दो एंड है स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला तो इन्होंने कहा कि एक्सट्रीम एंड्स मतलब उस तरफ भी और इस तरफ भी है ना दोनों तरफ इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल क्यों नहीं है एनसीआरटी ने समझाया हुआ इस पॉइंट को और उन्होंने जो रीजंस दिए हैं वो मैं आपको अलग अलग रीजंस रीजन नंबर वन एंड रीजन नंबर टू बना के लिखाया हूं कि जो स्टार्टिंग वाले हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अरे भाई सी बात है डब्बे में पांच ए डी ये पांच डब्बे हैं लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आएगी पॉइंट है ना जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं अवेलेबल है तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो बोलेगा मेरे पास तो तीन ही है तो मैं तीन से ज्यादा शो नहीं कर सकता बात सही है उसकी बात सही है उसकी है ना तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है Starting में क्योंकि स्टार्टिंग का मतलब तो 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 दो दो तो तो दिखाई नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है शुरुआत में अब एंडिंग में कह रहा है कि लास्ट में क्या हुआ अब तुम इलेक्ट्रॉन का बहाना नहीं मार सकते आखिर में तो इलेक्ट्रॉन होंगे आखिर में तो इलेक्ट्रॉन होंगे तो लास्ट में ये कह रहा है

कुछ खास पसंद करनी शुरुआत वाले तो मजबूर हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं सकते उनकी मजबूरी अलग टाइप की कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है आखिरी वालों में मजबूरी अलग टाइप की कह रहे इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ऑर्बिटल्स नहीं है तो इसलिए हम नहीं शो कर पाएंगे बीच वाले मजे ले गए बीच वाले कह रहे हैं कि भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी हैं और ऑर्बिटल्स और भी खाली मिल जाएंगे इसीलिए बीच में वो ऐसा ट्रायंगल क्रिएट हुआ था क्लियर है बेटा तो याद रहेगा एग्जाम्पल कॉपर एंड जिंक एक्साम्पल स्केंडियम एंड टाइटेनियम स्टार्टिंग के दो ले लो एंडिंग के दो ले लो ठीक है फिर जैसे इन बातों को जस्टिफाई कौन कर रहा है इन इन बातों को कौन जस्टिफाई करेगा यही जस्टिफाई करेंगे कैसे जस्टिफाई करेंगे सुनो कभी स्कैंडियम प्लस टू इज अनोन है ना ओनली प्लस थ्री इज एग्जिस्ट क्यों क्योंकि अगर वाकई ये तो सबसे पहला है तो इसके पास तो वेराइटी है ही नहीं तो इसने तो साफ मना कर दिया अपन तो सिर्फ प्लस तीन में ही एग्जिस्ट करेंगे

मुझ पे भी इस बात का असर है कि मैं स्टार्टिंग वाला हूं ज्यादा वैरायटी नहीं दिखा सकता अगर है भी तो वो कम स्टेबल है मैं तो चार में ही ज्यादा स्टेबल हूं ये पॉइंट उनको जस्टिफाई कर रहे हैं किनको उन दोनों रीजंस को जस्टिफाई कर रहे हैं बहुत ही कहते ना कि एक मन घबराने लगता है जब आप इनको पैराग्राफ में पढ़ोगे तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूं चीजें क्योंकि एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं होगी डी एंड एफ ब्लॉक की क्योंकि पढ़ते ही पसीने आ जाते बेटा कि क्या लिखा हुआ है ये सब लेकिन मैंने उनको एलैबरेट कर करके चीजों को पढ़ा रहा हूं सिखा रहा हूं इसीलिए ऐसा लग सकता है एक बार के लिए कि ऐसा भी होता है क्या ऐसा तो हमको पढ़ाया ही नहीं था ये सब बातें भी लिखी हुई है क्या डी एंड एफ ब्लॉक में पहली चीज सुन लो बेटा अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि सिलेबस कम होने के बाद इस बेचारे चैप्टर के कंधों पे बहुत जिम्मेदारी आ गई है क्वेश्चंस क्वेश्चंस बनाने की अब इसमें से बनेंगे क्यों क्योंकि बाकी तो कट गए जनता तो खुश हो गई बोले हाइड्रोजन गया अरे अच्छा था गया तो यहां से आएगा तो हाँ तकलीफ ज्यादा होगी पेट में गुड़गुड़ेगा यहां से आएगा तो जिंक ओनली शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर प्लस टू इज ओनली स्टेबल इन एक्वस मीडियम तो ये कुछ बातें हैं जो जस्टिफाई करती है कि वैसे कॉपर का प्लस वन ही स्टेबल रहता है है ना और प्लस वन प्लस टू के अलावा तो बात ही नहीं करते हम कॉपर की जिंक की सिर्फ प्लस दो की बात करते हैं तो एक्सट्रीम एंड्स पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहती है सर ड्यू टू लेसर एनर्जी गैप दे हैव वेरिएबल ऑक्सीज हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है ए भाई देख मेरी बात सुन ऐसे समझ कि एक घर में दो कमरे हैं पास पास है इसमें भी लोग हैं इसमें भी लोग हैं दोनों कमरे पास पास हैं इसका मतलब एनर्जी गैप कम है अब तू इधर से कमरे में से आदमी निकाल इधर से भी निकाल दोनों एक जैसे ही होंगे भाई इधर से निकाल ले दोनों का गैप कम है तो इधर वाले भी आ सकते हैं इधर वाले भी आ सकते हैं अब सुन एक कमरा यहाँ है और दूसरा कमरा पड़ोस के घर में है और दोनों जगह लोग भरे हुए हैं एक कमरा तेरे घर पे है एक कमरा पड़ोस के घर में है क्या एनर्जी गैप बढ़ गया कमरों का यानी सबसेल्स का एनर्जी गैप ज्यादा हो गया अब तू यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले और पड़ोस के घर से जो है वो उस कमरे में से आदमी निकाले दोनों बातों में बहुत फर्क आएगा एनर्जी बराबर तो नहीं लग सकती भाई तू अपने घर के दो कमरों में खड़ा होके बोल सकता है एक साथ कि आ जाओ भाई तो वो आ भी जाएंगे लेकिन वहां पे तो ऐसा नहीं होगा वहां तो एनर्जी गैप ज्यादा है तो फर्क पड़ता है इस चीज का अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उस कमरे में जो लोग भरे हुए हैं वो इजीली आ सकते हैं अगर वो दोनों कमरे पास पास हैं तो और अगर ऐसा है तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकाला प्लस वन दूसरा निकाला प्लस टू उस कमरे में से निकाला प्लस तीन प्लस फोर तो एस एन एस और एन माइनस वन डी का एनर्जी गैप कम होता है और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा तो था कि एन माइनस वन जो है एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन एन एस के साथ एड हो जाते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ा था आई थिंक था वही तो है और क्या आप क्लियर है बेटा ठीक है सर स्कैंडियम प्लस टू क्यों नहीं शो होता वर्चुअली नॉन वर्चुअली नॉन लिखा हुआ है एनसीआरटी ने नॉन एग्जिस्टिंग ही मान लो तुम वर्चुअली नॉन का मतलब है किसी ने कंपाउंड नहीं देखा बस ऐसे बोल सकता है हो तो सकता है अरे भाई हो तो सकता है तो मतलब अभी तक कोई कंपाउंड नहीं दिखा स्कैंडियम का प्लस टू में ठीक है भाई आ जाओ मजेदार बात और बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात

तो यहां से टॉप टू बॉटम जब आओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी प्लस की अब सबसे ज्यादा प्लस छह में कौन रहना चाहेगा तो आप बोलोगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा प्लस में क्योंकि टॉप टू बॉटम प्लस छह की स्टेबिलिटी बढ़ रही है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ये भी रहना चाहेगा ये वाला नहीं रहना चाहेगा क्योंकि इसका प्लस छह लेस स्टेबल हो गया और जब इसका प्लस छह लेस स्टेबल हो गया तो तुम इससे पूछोगे कि इलेक्ट्रॉन खाएगा क्या मतलब रिड्यूस होएगा क्या तो ये बोल देगा कि हाँ ठीक है कर लो मैं कौन सा प्लस छे में ज्यादा स्टेबल हूं लेकिन तुम इन दोनों से पूछोगे कि तुम दोनों इलेक्ट्रॉन खाना पसंद करोगे तो क्लियरली मना कर देंगे कि नहीं जी हम नहीं खा सकते तो बताओ अगर ये रिड्यूस नहीं हो सकते तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं तो आंसर है बिल्कुल नहीं जैसे क्रोमियम प्लस छः का एग्जाम्पल ले लो सी आर टू ओ सेवन टू माइनस और सी आर ओ थ्री दोनों प्लस छे हैं ये जो होते हैं ये लेस स्टेबल एंड इजीली रिड्यूस इसीलिए बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं लेकिन यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा आप प्लस छे वालों के क्योंकि ये स्टेबल है और ये स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं खाना चाहते और नहीं खाना चाहते तो ये रिड्यूस नहीं होना चाहते और अगर ये रिड्यूस नहीं होना चाहते तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते तो M003, मौलिद, मौलिद का का ऑक्साइड ऑक्साइड और टंगस्टन ये प्लस से में ज्यादा स्टेबल है इसीलिए कैन नॉट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी एनसीआरटी चेक कर लो उसमें ये बात लिखी हुई है और ये एनसीआर एग्जाम्पलर का सवाल है ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेंगे क्रोमियम प्लस छह में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कारण वो उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि वो ऊपर वाला है तो वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रख लेगा बेटा बहुत तगड़ी तगड़ी बातें सिखा रहा हूं ठीक है ध्यान से पढ़ लो डी एंड एफ ब्लॉक को टिप्स पे करने का लास्ट मौका है आखिरी मौका है कंटेंट वही है जो मेन बैच में पढ़ाया हुआ है इसीलिए कह रहा हूं कोई मैंने कटौती नहीं करी है कंटेंट में ऐसा नहीं है कि उम्मीद से हो उम्मीद से हो उम्मीद है उम्मीद है तो बेटा जिस सीरीज का नाम उम्मीद हो वहां पर मैं सामने वाले की उम्मीद कैसे मार सकता हूं इसलिए याद रखना ये सिर्फ सीरीज का नाम हमारे लिए नहीं आपके लिए है आपकी उम्मीद के लिए इसीलिए मैं चाह भी कंटेंट में कटौती नहीं कर सकता तो मैं करता ही नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है तुम सब उम्मीद से हो वैसे नहीं वैसे हाँ गलत मत समझ लेना अब देखो लो ऑक्सीडेशन क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट का पैराग्राफ ही पढ़ रहे हैं तब से अब आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक करो लाइक करो आ जाओ सुनो कह रहा लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स की लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये क्या होती है ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है जीरो या माइनस अरे लो का मतलब यही होता है ना ये अगर जीरो है तो माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू तो लो क्या होता है जीरो और जीरो से नीचे वाली लो होती है ठीक है किस किस को याद है सिनर्जिक बॉन्डिंग कि मेटल्स की लो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टेबल किया जा सकता है तो ये पूरा पॉइंट सिनर्जिक बॉन्डिंग का है बात खत्म पढ़ा ही नहीं रहा मैं तो इसको मैं तो पढ़ा चुका हूं तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या क्या जाना वापिस सुन लो वापिस सुन लो जो सवाल आपका नीट में आ सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर डी ब्लॉक के बारे में जो जो बातें थी वो हमें याद है या नहीं है फटाफट से आ पहला पॉइंट हमने सीखा कि भैया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्यों क्योंकि इनके एन माइनस वन डी और एन एस में एनर्जी गैप क्या होता है कम पहला पॉइंट क्लियर जहां से सवाल आ सकता है ये क्लियर हो गया ठीक है फिर यहां पे स्टार्टिंग में और लास्ट में जो एक्सट्रीम एंड होते हैं वहां पर जो वेराइटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं इतने ज्यादा नहीं होते हैं कारण पूछो क्यों क्योंकि स्टार्टिंग वालों के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ताकि वो अब इलेक्ट्रॉन कम है तो वो शेयर और लूज नहीं कर पाएंगे और अगर आखिरी वालों की बात करें तो उनके पास इलेक्ट्रॉन है बट ऑर्बिटल्स नहीं है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाने के लिए इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती स्कैंडियम प्लस तीन में स्कैंडियम ओनली एग्जिस्ट करता है प्लस टू में नहीं करता टाइटेनियम का प्लस तीन और प्लस टू इतना स्टेबल नहीं होता जितना कि प्लस चार स्टेबल होता है Zink सिर्फ प्लस दो में एग्जिस्ट करता है पॉइंट क्लियर हो रहे हैं फिर हमने देखा कि इनके अंदर टॉप टू बॉटम हायर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो पूछा जाएगा सवाल तो वही पूछा जाएगा क्योंकि करोड़ मोल वाला फैमिली के लिए ही बात चीज लिखी हुई है तो क्रोमियम प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है लेकिन मोलिबडेनम और टंगस्टन का प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता उसके बाद अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि मेटल्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कुछ हद तक स्टेबल किया जा सकता है है ना और वो किस तरीके से होगा बाय द वे ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसको हम पढ़ चुके हैं मेटल कार्बोनिल्स में कहा पढ़े हैं कोर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े हैं अब जो कुछ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड वो सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखी जाती है तो देखी जाती है एस के इलेक्ट्रॉन और एन माइनस वन डी के सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन वापस सुनो एस के इलेक्ट्रॉन प्लस एन माइनस वन डी के अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दोनों को जोड़ लो ठीक है ये उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज मैंगनीज होता है थ्री डी फाइव फोर एस टू तो दो तो ये हो गए और क्योंकि पांच का मतलब पांचों ही अनपेड है तो पांच प्लस दो मैक्सिम ऑक्सीडिशन स्टेट हो जाएगी प्लस सेवन क्लियर बेटा तो ये चीजें कुछ तो थ्री सीरीज के अंदर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी आंसर है मैग्नीस इससे बाहर सवाल वैसे नहीं आएगा मैं जानता हूं है ना चलो एनीवेज क्लियर है सारी चीज आगे ले सकते मैंने थारे से पढ़ गए एकदम ऑफलाइन फिलिंग से सवाल कर रही हो जरा से होता पोल सटार्ट पोल या ए जो मका। फिर नहीं आते फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में सेवेंटी सेवन परसेंट आंसर लोगों ने बहुत लगाया है वो ये भूल गए कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट पहली स्लाइड की बातें भूलते जाओ अगली स्लाइड की याद रखेंगे हम तो ए भाई ट्रांजिशन एलिमेंट बोला वो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ठगे गए थगे गए थगे गए वाह वा वा वा। हा, हा 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 लेकिन धन्यवाद उन इक्कीस परसेंट लोगों का जिन्होंने शब्दों को पकड़ा बेटा अभी तुम बोलोगे कि बकवास आदमी है ये इसने यहां पर ये सवाल कराया था है ना खुद ही पूछ रहा है जिंक और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकते अब आगे सिर्फ स्कैंडियम बता रहा है मैंने यहां पे ट्रांजिशन लिखा ही नहीं मैंने यहां पे तो एलिमेंट्स लिखा है, है? <laughs> मैंने तो एलिमेंट्स लिखा हुआ है जब ट्रांजिशन नहीं लगा होगा तो आंसर दोनों जाएंगे जब ट्रांजिशन लगा होगा तो आंसर जिंक जा ही नहीं सकता बिकॉज जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है रे राजा ये ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है इसलिए आंसर सिर्फ पहला हो जाएगा है बुरा लगा लगता है लेकिन ये यहाँ लग गया ना बेटा अब वहां नहीं लगेगा तो ऐसी गलती यहां करो और जब किसी टीचर के सामने और जब किसी पेरेंट्स के सामने कोई गलती करो तो कभी हिचकिचाना नहीं है उस गलती को एक सीख मानो ताकि वो दोबारा ना हो क्योंकि मेन एग्जाम में तुम वही गलती करोगे वो तो फिर खराब होगा ना रिजल्ट उससे तो इसलिए कोई गलती अगर पहले हो जाए हो जाने दो अब आते हैं देखो अब ये सस्ते सस्ते पॉइंट है ये मैं बताऊंगा ही नहीं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है देसी जुगाड़ जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि क्रोमियम ओ क्रोमियम प्लस तीन का बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताओगे थ्री पॉइंट समथिंग बता देना यार तीन अनपेड है सॉरी चार अनपेड प्लस टू में डी फोर होगा प्लस तीन में डी थ्री होगा सही है सही है सही है सही सही, सही मैं पहले सही था मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ हाँ क्रोमियम प्लस टू में डी फोर होगा प्लस तीन में अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन ही होंगे तो थ्री पॉइंट समथिंग हो जाएगा ठीक है आयरन प्लस टू बोल दे ठीक है आयरन प्लस टू बोल दे डी सिक्स है ना आयरन प्लस टू में क्या होगा डी सिक्स डी सिक्स से तो अनपेड इलेक्ट्रॉन चार हो जाएंगे फोर पॉइंट समथिंग लिख देना ऐसे ऐसे कर लेना बेटा कर लोगे ये तो एक वर्ड आता है फेरो मैग्नेटिक एक होता है पैरा मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो पैरा मैग्नेटिक पी से पास डी से दूर डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहे पैरा मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाए पी से पास डी से दूर अब तो नहीं भूलोगे ठीक है और फेरोमैग्नेटिक सर एफ से क्या एफ से फाड़ू पास यानी कि पैरा मैग्नेटिक की, की सुपरलेटिव डिग्री यानी कि कोई पैरा मैग्नेटिज्म इतना भयंकर कर रहा है जिसका नाम हो जाता है फेरोमैग्नेटिक वापिस बोलो फेरोमैग्नेटिक भयंकर तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है तो इसीलिए फाड़ू पास है ना फाड़ू तरीके से फुल पास फाड़ू अच्छा शब्द नहीं लग रहा है तो फिर आता है अलॉय फॉर्मेशन एलोए का मतलब होता है एक मेटल के दूसरा मेटल मिक्स कर देना मिक्स उसी को कर पाओगे जिनकी साइज में बहुत कम गैप होगा लिखा हुआ है पंद्रह परसेंट से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए जिन भी दो मेटल्स को मिक्स कर रहे हो का मतलब एक से ज्यादा मेटल्स मिक्स करना और एक से ज्यादा को तभी मिक्स कर पाओगे जब बहुत ज्यादा साइज में वेरिएशन नहीं होगा डी ब्लॉक वाले इसलिए एलोए बना पाते हैं क्योंकि इनके पूरे डी ब्लॉक में ही जो साइज का गैप होता है वो बहुत कम होता है ऐसा नहीं है कि लिथियम छोटा है और सोडियम बहुत बड़ा है और पोटेशियम बहुत ज्यादा बड़ा है एस ब्लॉक की तरह इनके अंदर साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है डी डी ब्लॉक ब्लॉक वाले लगभग सारे ही बराबर कोई कोई बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा वेरिएशन नहीं है में बहुत हर कोई किसी से मतलब थोड़ा ही बड़ा या थोड़ा ही छोटा है तो इसीलिए ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं इसीलिए डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा अलोय बनाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलोए जिसके नाम आपने ब्रास सुना होगा वो ब्रास में कॉपर और जिंक होता है परसेंटेज पे गोली मारो कौन कौन होता है वो देख लो जर्मन सिल्वर नाम में सिल्वर है लेकिन सिल्वर नहीं होता है इस बात का ध्यान रखना वो पहला ऑप्शन बना देगा और सिल्वर लिख देगा उसमें जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है तो सिल्वर ही नहीं होता है कॉपर जिंक और निकल का वन इज टू वन इज टू टू रेशियो में ये अलॉय होता है ब्रॉन्ज आपने सुना होगा ब्रॉन्ज मेडल वो ब्रॉन्ज मेडल क्या होता है कॉपर और टिन का होता है है ना कॉपर और टिन का ब्रॉन्ज काश्य पदक बोलते हो ना इसको बेटा है ना स्वर्ण पदक रजत पदक और काश्य पदक ये तो काश्य का मतलब होता है काश्य तो कॉपर और टिन का अलोय होता है अब कॉपर टिन की साइज लगभग मैच करती है इसलिए मिक्स हो गए होंगे भले ये डी ब्लॉक का नहीं है पर साइज मैच करती होगी तो मिक्स कर दिए अलोएज आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि अलोएज बनते हैं तो पैकिंग के अंदर चेंज आता है हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है वजन भले ही कम हो जाता है लेकिन है ना हमने बहुत सारे ऐसे एलोए देखे हैं जो लाइट वेट होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एलोएज बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उनका प्रैक्टिकल यूज ज्यादा हो प्रैक्टिकल यूज बढ़ जाए यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हमें चाहिए लेकिन वजन नहीं चाहिए तो हम एलोए फॉर्मेशन करते हैं और आजकल आजकल तो बहुत ज्यादा अलोय जो हैं वो मिलते ही हैं ठीक है अलोए के नाम पे मुझे पता है है ना आप भी मेरी तरह जब मैं स्टूडेंट था तो अलोए के नाम पे एक ही चीज सोचता था और वो था विल तो वो अलोग विल अलोएल विल का मतलब ही वही है कि वो एक से ज्यादा मेटल से बना हुआ मेटल है विल ठीक है बेटा इलेटिस होता है अब मैंने ये एक ग्रीन कलर का किया है इसका मतलब है ऐसे बहुत सारे सेम मेटल्स हैं उसमें एक डिफरेंट टाइप का डाल दिया तो साइज के अंदर वेरिएशन लगभग पंद्रह परसेंट के आसपास ही होना चाहिए फिर आता है इंटर स्टीशियल कंपाउंड देखो ये तो था कि मेटल के अंदर ही दूसरा मेटल लगा दो अब इंटर स्टीशियल क्या है कि ये जो बीच की गैप है ना यहां पर छोटे छोटे एटम्स ट्रैप करवा दो तो अब देखो इस लेटिस के अंदर जब मैं छोटे छोटे मेटल्स छोटे छोटे एलिमेंट्स ट्रैप करवा दूं इसको बोलते हैं वॉइड वॉइड का मतलब होता है बेटा खाली जगह वॉइड का मतलब क्या होता है बेटा खाली जगह खाली जगह का एक और नाम होता है इंटर स्पेस इसी वजह से नाम हो गया इंटर कंपाउंड तो जो मेटल मेटल का लैटिस बना होता है उसमें कुछ खाली जगह होती है और खाली जगह पर नॉन मेटल्स जो छोटे छोटे होते हैं बेचारे हैं चुनु मुन्नुस बोरोन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे बीच में ट्रैप करवा दो जब बीच में ट्रैप कराओगे तो बताओ क्या ये खाली जगह रहेगी या भर जाएगी तो ये खाली जगह रहेगी रहे नहीं भर जाएगी जब कहीं पर कोई चीज खाली जगह हो और आप उसको भर दो उस वॉल्यूम को भर दो तो बताओ क्या उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है बेटा अरे सिंपल सी बात है खाली डब्बे को बजाओ बजेगा उसमें कुछ भर के रेत भर दो तो वो मजबूत हो गया ना बेटा अब वो बजेगा नहीं तो कैन बी वो तो हो गया इंटर नॉन स्टोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं मतलब आप इसमें यह नहीं सोचोगे कि मेटल यहां पर पांच है तो मैं यहां पर पांच ही हाइड्रोजन ट्रैप करवाऊं ऐसा नहीं है और पांच ही हाइड्रोजन ट्रैप हो पांच ही कार्बन ट्रैप हो बिल्कुल नहीं

ये कंपाउंड्स अलग ही होते हैं अलग तरह की आज भी इनकी बॉन्डिंग के बारे में कुछ भी जो है अता पता नहीं है कि आयनिक है या कोवेलेंट है कुछ अता पता नहीं है दोनों की कैटेगरी से बाहर ही रहते हैं ये हार्डनेस जरूर इंक्रीज हो जाती है क्यों क्योंकि अगर खाली जगह भर दोगे तो वो चीज मजबूत हो जाएगी हार्ड हो जाएगी अब हार्ड हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सिंपल मेटल्स कंडक्टेंस सेम रहेगी उसका कारण सुनो कि जब ये ट्रैप नहीं हुए तब भी इनके द्वारा छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं और जब ये ट्रैप हो गए तब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो कंडक्टेंस किससे रिलेटेड है तो कंडक्टेंस तो इन प्लस प्लस ये जो हैं हैं मेटल के बोलते बेटा इनको इनसे छोड़े गए इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस है तो इनसे छोड़े गए इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर कंडक्टेंस है तो कंडक्टेंस तो वही रहेगी ना तो यानी कि अगर प्योर मेटल हो या इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो कंडक्टेंस में चेंज नहीं आता वो सेम ही रहते हैं यानी कि कंडक्टिविटी वो भी दिखाते हैं केमिकली जरूर इनर्ट हो जाते हैं कारण यही है क्योंकि अगर ये खाली स्पेस ट्रैप हुआ है तो हालांकि हम जानते हैं कि ये आयनिक और कोवेलेंट नहीं है है ना लेकिन कोई बीच के कैरेक्टर का कोई तो बॉन्ड बना होगा इन मेटल्स के कैर्नल्स के साथ इसी वजह से उनको केमिकली थोड़ा सा बिजी तो किया होगा इनने है ना अंदर जाके इसीलिए केमिकली इनर्ट हो जाते हैं सर इसमें से सवाल कैसा आएगा जो यहां लिखे हुए हैं पॉइंट्स उनको चार बार पढ़ ले सवाल आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की है और कौन सी नहीं है इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बन सकता देख ले एक बार एक बार अच्छे से एक मिनट दे रहा हूं चेक कर ले बेसिक बेसिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना क्योंकि एक अलग चीज है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ लेना क्यों क्योंकि लो साइ लो सॉरी हाई फाई होते हैं और साइज छोटी होती है तो कोवेलेंट नेचर होता है बॉन्डिंग का ये जब लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सो द रीजन इज स्मॉल साइज जिसकी वजह से इनका फाइज ज्यादा होता है एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी और बाइटल तो द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमने दो कंडीशन पढ़ी थी ये दोनों कंडीशंस यहाँ लिखी हुई है हमने जब चैप्टर शुरू करा था कोऑर्डिनेशन तो हमने बताया था कि इनकी साइज छोटी होती है जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं बॉन्ड में और क्योंकि बॉन्ड कोऑर्डिनेशन टाइप का बनाना है कोऑर्डिनेट टाइप का बनाना है तो डब्बे खाली होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आय डी जीरो मीडियम में बस इतना ही ख्याल रखिए आप बाकी कुछ कॉमन कलर्स हैं वो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो जैसे कॉपर प्लस टू ब्लू होता है जैसे कोबाल्ट प्लस टू भी आपका ब्लूइश ग्रीन होता है आयरन प्लस तीन आपका येलो uh, होता है आयरन प्लस टू आपका ग्रीन होता है ठीक है ऐसे कुछ चीजें अगर आप लिखना चाहो तो आप देख लेना वैसे कॉमन है वो तो आप सबको सॉल्ट एनालिसिस में आ जाएगा बेटा चिंता मत करे तू अभी इसलिए नहीं करवा रहा कैटालिटिक प्रॉपर्टी बहुत सारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक पावर रखते हैं हम जानते हैं मोस्ट कॉमन हैबरस प्रोसेस अमोनिया बनाने का उसमें आयरन का पाउडर यूज किया जाता है वो यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड लिखकर आपको कंफ्यूज कर सकता है याद रखना आयरन का पाउडर यूज होता है सॉलिड आयरन ठीक है ये कांटेक्ट प्रोसेस होता है बेटा इससे बनाया जाता है H2SO4 एच टू फोर हैं तो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज होता है हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन में वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी डालडा घी बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो Ni पी डी के साथ होता है वॉकर प्रोसेस जो है वो आपका पी डी सी एल टू यूज होता है वॉकर प्रोसेस जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है उसमें देख लो ये टाइटेनियम यूज हो रहा है और ये डीबलोक का है ये पॉलीमराइजेशन में यूज होता है विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है और यहाँ पर ये देखिए रोडियम का कॉम्प्लेक्स यूज होता है ये रोडियम कॉम्प्लेक्स है आरएच ठीक है भाई फिर बात आती है कि ऊपर दो रिएजेंट्स लिखे हुए हैं कि एक तो कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी दिखाने के पीछे कारण क्या है तो दूसरा का, पहला कारण है ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं तो हो सकता हो मीडिएटर का, का काम करे मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन पहले लेकर इधर पहुंचाना है तो मीडिएटर का, का काम कर सकते हैं कारण क्योंकि अगर कोई प्लस टू में बैठा हुआ है और उधर से इलेक्ट्रॉन खाएगा तो प्लस वन में जाएगा और वापस देकर खुद प्लस टू बन जाएगा मीडिएटर का, का काम कर सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडी अभी बताऊंगा मीडिएटर वाला कहानी बताऊंगा दूसरा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी अरे सर ये क्या है देख मान ले मेरे पास ए बी और सी डी दो रिएक्टेंट हैं और मुझे कंपाउंड बनाना है ए सी और बी डी यानी कि ए के साथ सी का बॉन्ड और बी के साथ डी का बॉन्ड बनाना है मतलब जाहिर सी बात है यहां पर यह चीज समझ आ रही है कि मुझे पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बनाने हैं अब बात आती है कि पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए इन पुराने बॉन्ड का वीक होना जरूरी है अगर ये पुराने बॉन्ड वीक हो जाएं तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और इसके लिए मैं क्या करता हूं एक चाल चलता हूं और वो चाल है ले लेता हूं और वो कैटलिस्ट अंदर जाके क्या करेगा कि इन रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पे या खुद रिएक्टेंट की सरफेस पे एबजॉर्ब हो जाएगा मतलब आपने अंदर भेजा आपने देखा कि ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मांग रहे हैं इनके पुराने बॉन्ड जो हैं वो बहुत मजबूत हैं तो आपने आपका एक एजेंट भेजा एक ऐसा एजेंट जो डीप लोक का है और एक ऐसा एजेंट जो ध्यान भटका सकता है जो कॉम्प्लेक्स बना सकता है रिएक्टेंट्स के साथ और ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि कॉम्प्लेक्स इतना स्ट्रांग हो गया कि फिर रिएक्शन नहीं हो रही नहीं टेम्परेरी जाकर कोई कॉम्प्लेक्स बना ले यानी कि यहां जाकर डांस दिखाए बेटा यहां जाकर डांस दिखाए यहां जाकर वो वाली रील चल जाए जिसकी वजह से तुम अटक जाते हो स्क्रॉल करते हुए तो ऐसे आपने ऐसी चीज को भेजा ठीक है आपने आपने मतलब यहां पर यूं मान के चलो कि यहां पे कोई गया और इनका ध्यान भटकाया कैसे कि ए और बी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं सी और डी भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन आपको इनकी इनके प्यार के बीच में आना है यानी कि कबाब में हड्डी बन के जाना है आप गए आपने इसका ध्यान भी भटकाया इसका ध्यान भी भटकाया इसका ध्यान भी भटकाया इसका ध्यान भी भटकाया जब ये सब आपस में उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंस की तरफ बढ़ने लगे तो इनका एक दूसरे से पुराना वाला जो ध्यान है वो हटने लगा ठीक है कह रहे यार चीज तो बढ़िया है, है? अब जब ऐसा उसका ध्यान दूसरी तरफ आने लगा तो ये वाले बॉन्ड क्या हो गए वीक हो गए और जब ये वाले बॉन्ड वीक हो गए तो एक्टिवेशन एनर्जी अब हमें क्या चाहिए कम चाहिए तो हमने क्या किया कॉम्प्लेक्स बनाया कैसे एक एजेंट भेजा जो इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ठीक है तो इनके पुराने बॉन्ड वीक हो जाएंगे क्यों क्योंकि इनका सबका ध्यान कॉम्प्लेक्स पे जाएगा ये वीक हो जाएंगे ये वीक हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी और ये बात कहां लिखी हुई है ये यहां लिखी हुई है ये देख ये लिखा हुआ देखो कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहा कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड द एटम्स ऑफ द सर्फेस ऑफ दया लिखा हुआ है हाँ. इफेक्ट वो तो ठीक है उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होंगे उसको गोली मारो दिस हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैटलिस्ट सरफेस कैटेस्ट ने सबको अपने पास बुला लिया मतलब मान के चलो कि इतना तगड़ा डांस किया कि सब वही देख रहे हैं आजकल सही चल रहा भैया है सब तगड़ा कोई नहीं दे रहा कि पढ़ाते कैसे हैं says, नहीं डांस कैसा करते हैं वो देख रहे सबका नाचते बढ़िया है ठीक है थीके? तो सबका ध्यान बता रहे डांस में आ गया अब इसने क्या किया सारे रिएक्टेंट्स को मतलब तुम सारे रिएक्टेंट्स को अपनी तरफ बुला लिया करो इधर आ जाओ इधर सारे रील देख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं उसमें लिख रहे हैं सब कुछ कि आपके सामने तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी फेल हैं आपके सामने तो सब लिखे पड़े लगे पड़े ठीक है फिर जब वापस किताब खोल रहे हैं तो पगला जा रहे हैं एकदम तो? मेरे आप तो कुछ याद नहीं है उस कमेंट का तो कोई फायदा नहीं हुआ है बस थैंक यू आया था खाली ओके ठीक है जाओ आ जाओ बेटा उन चीजों से तो पढ़ाई सबसे पहले खराब होने वाली चीज है है ना चाहे अपने पापा से पूछ लो अपने दादा से पूछ लो अपनी मम्मी से पूछ लो वो तो ये कहते हैं कि इन चीजों से जो सबसे पहले तेरी खराब होगी वो होगी पढ़ाई फिर बुद्धि ठीक है पर अब उनको कौन समझाए कि पढ़ाई कराने वाले ही नाच रहे हैं क्या करें दिक्कत है।, है देखना बनता है तो अब उनको कौन समझा कि अरे पापा मम्मी दादा दादी रुको यार कैसे पढ़ाई खराब होगी ये तो हमारी मैडम है बढ़िया नाचती है मैडम हमारी इनको नहीं देखेंगे क्या पड़ेगा लेकिन अब तक तो यही सिखा था कि पढ़ाई खराब होती है सबसे पहले यही बोलते हैं ऐसी चीज नहीं देखनी चाहिए पढ़ाई खराब होती है डांस वांस नहीं देखना चाहिए ज्यादा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ है ना देखो अब तुम तो किसी के नाम लिख रहे हो फालतू में नाम लिख रहे हो मत करो और मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा ठीक है और मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं कि मैंने कुछ गलत बोला है तो बताओ मैंने कुछ गलत बोला है तो बताओ डिस्ट्रक्शन वाली चीज से ही जाके पूछ रहे हैं कि मैम डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे ए? उसी रील के नीचे कमेंट है कह रहे डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे अरे तू तो रील के नीचे क्यों लिख रहा है वो तो डिस्ट्रक्शन है, है? पगले? फिर का वीडियो जाके देख रहा है कि डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे बहुत नादान हो तुम सच मैं कहा गलत बोल रहा हूं बता मैं कहा गलत बोल रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं मैंने कुछ गलत बोला क्या मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला कि उसी रील के नीचे पूछ रहे बोला मैंने गलत बोला क्या देख अगर मैं गलत बोलूंगा तो डरूंगा ना मैं तो सच बोल रहा हूं और मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा ये इन जनरल है ये इन जनरल है अगर कोई और ऐसा कोई मैम मैम को क्यों ऐसा वाकई में बात सही है मैम क्यों टीचर भी हो सकता है सर भी हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं सर भी चश्मा लगा के स्लो मोशन में आ रहे रहे हैं लड़कियां कह क्या सर सर है है क्यों क्यों वो भाई लिख हो तुम स्लो मोशन में चश्मा उतार के वीडियो आ तुम्हारी सेल्फ स्टडी का टाइम छीना है वो डिस्ट्रैक्शन है डिस्ट्रेक्शन का एक टाइप नहीं होता हर वो चीज जिसने तुम्हारे सेल्फ स्टडी के जो तुमने डिसाइड किए थे उसको कम किया है वो डिस्ट्रैक्शन है हर वो चीज डिस्ट्रैक्शन है याद रख लेना अब वो कुछ भी हो सकती है कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी जिस वीडियो से तुम्हें मतलब नहीं जाके देख रहे हो तुम वो भी डिस्ट्रैक्शन है हाँ, आप कंटिन्यू करो प्लीज ये देख बेटो मैं तो ऐसी चीजें सिखाता हूं तो चलो ये लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह कम हो जाती है अच्छा मैं बात कर रहा था ना मीडिएटर वाली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली एक रीजन तो मैंने समझा दिया एक रीजन तो मैंने समझा दिया अपनी कहानी बनाओ बेटा औरों की कहानी से अपनी कहानी गढ़ने की कोशिश मत करो दीदी भैया कॉलेज में पहुंच गए और बता रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया था अपनी कहानी लिखो अपनी कहानी लिखो किसी और की कहानी में क्यों अपना किरदार ढूंढते हो अपनी कहानी लिखो ना तुम नहीं लिख सकते क्या जब तुम्हें पढ़ा है कि तुम्हें पता है कि पढ़ना है तो पढ़ना है बस खत्म बात पढ़ने से होता है दीदी भैया कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ो ऐसे करो ढाई से छह सौ पहुंच जाओ कैसे पहुंच जाए तुम तो पहुंचे नहीं तुम वहां पहुंच गए हो इसलिए तुमको पता है कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी इसलिए याद रखो काबिल बनो ठीक है और लाइफ में हमेशा याद रखना कि मतलब खुद अपनी कहानी लिखने की कोशिश करो वहां तुम भी पहुंचो और तुम भी एक वीडियो डालो और लोग तुमको भी देखे इतने काबिल कि एक इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि तुम्हारी लिखी हुई तुम्हारी बोली हुई बात सब सुने बैठ के सामने कह रहे कि सही कह रहा है ऐसे ही करना चाहिए है ना यही कारण है यही दुनिया है जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो बेचारा भी अगर आके लिख देना कि मैंने भी 300 से 500 नंबर इंप्रूव किए थे लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुआ लेकिन अगर वो बच्चा लिख दे कि 300 से 500 कैसे करें कोई नहीं देखेगा उसका वीडियो क्योंकि वो तो सेलेक्ट नहीं हुआ बता सकता है वो भी 300 से 500 भी इंप्रूवमेंट है इसीलिए दुनिया उसकी सुनती है जो सक्सेसफुल है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग सक्सेस नहीं होते उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होता उन्होंने भी स्ट्रगल किया होता है तो जो सबसे सच्ची चीज लाइफ में होती वो स्ट्रगल ही होती है संघर्ष कभी झूठा नहीं हो सकता अगर दिल से किया हो तो संघर्ष हमेशा सच्चा होता है और जरूरी नहीं है कि लाइफ में जिसने संघर्ष किया वो सक्सेसफुल हो गया हो वो सफल हो गया हो नहीं लेकिन दुनिया सफल आदमी का ही संघर्ष सुनना चाहती है असफल का नहीं तो इसीलिए सफल बनो आपका संघर्ष भी लोग सुनेंगे वरना आप नहीं बता पाओगे किसी को कि आपने कितनी मेहनत करी है यस चले भाई आगे तो ये मैंने कहा कि कैसे क्या करता है तो देखो I- माइनस की जो अपना होता है है पर सल्फेट बोलते हैं पर सल्फेटक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन की स्टेट माइनस वन होती है इसके अंदर ठीक है तो I- माइनस की आयोडाइड आयन की पर सल्फेट आयन के साथ जो रिएक्शन होती है वो दिखने में ऐसे दिखती है लेकिन नहीं उसके पीछे हाथ होता है किसका आयरन प्लस तीन का इसका हाथ होता है बेटा आयरन प्लस तीन का ये आई माइनस इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं खिला सकता ये आई माइनस इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं खिला सकता तो ये आई माइनस क्या करेगा पहले आयरन प्लस तीन को इलेक्ट्रॉन खिलाएगा वो आयरन पहले प्लस दो बनेगा और ये तो आई टू बन के फ्री हो जाएगा कह रहे अपना काम तो हो गया दुनिया को लग रहा है कि इन दोनों ने आपस में किया लेकिन नहीं बेटा बीच में एक आयरन था जिसने इस हाथ से लेके उस हाथ दे दिया तो आयरन प्लस तीन ने पहले इलेक्ट्रॉन खाया प्लस दो में बना अब वो प्लस दो में बनकर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके उसने फिर पर सल्फेट को इलेक्ट्रॉन दिया और वापस से वो प्लस तीन में आ गया वो जैसा था वैसा हो चुका है और एसओ फो टू माइनस बन गया इसमें अब ऑक्सीजन माइनस दो में है तो माइनस वन से ऑक्सीजन माइनस वन से माइनस दो में आया दैट मीनस रिडक्शन हुआ है ठीक है बेटा तो I माइनस जो है यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पा रहा था डायरेक्टली तो इसलिए आयरन प्लस टू आयरन प्लस तीन की हमें जरूरत पड़ी और क्योंकि आयरन प्लस तीन और प्लस दो दोनों में ही एग्जिस्ट कर सकता है इसीलिए ये ऐसा काम कर पाया इसीलिए पहला रीजन था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में ही चुका हूं क्लियर बेटा एकदम और ये आपने रिडोक्स रिएक्शन में पढ़ लिया होगा आ जाइए आगे चलते हैं आगे 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 आगे, आगे। अब आते हैं हम ऐसी चीजों पे जहां पर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह की बात करने वाले हैं आ जाओ तो पहले हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं बेटा सुन लो ये तो बहुत आसान आसान छोटे छोटे पॉइंट है इनको देख लो फटाफट स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ए e नोट बता दिया था वो मैंने स्टार्टिंग में कि अगर ए नोट पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा अगर ए नोट नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा पूरी थ्री सीरीज में प्लस दो से जीरो में आने की वैल्यू अच्छा, से? से में प्लस दो से जीरो में आने की वैल्यू नेगेटिव है यानी पूरी थ्री सीरीज में सब प्लस दो में रहना चाहते हैं अगर मैं इधर से इधर नेगेटिव बोल रहा हूं यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा अगर मैं प्लस दो से जीरो नेगेटिव वैल्यू बोल रहा हूं इन नोट की तो यानी जीरो से प्लस दो वाली क्या हो जाएगी प्लस टू हो जाए मतलब पॉजिटिव हो जाएगी अरे भाई जो भी इस तरफ होता है उसका उल्टा वैल्यू उस तरफ होता है उल्टा करके देख लो है ना अपोजिट कर लो जीरो से प्लस दो में जाना फिर सबके लिए पॉजिटिव हो जाएगा अब पूरी थ्री सीरीज का नेगेटिव होता है एक महाराज कह रहे हैं कि भैया मेरा पॉजिटिव होगा वापिस कहा मेरा पॉजिटिव रहेगा पूरी थ्री डी सीरीज प्लस दो से जीरो में आने के लिए राजी नहीं है लेकिन कॉपर कह रहा है कि मैं तो आऊंगा 0.34 पॉजिटिव वैल्यू है यानी कॉपर जो है वो प्लस दो से जीरो में आना चाहता है उल्टा चलता है कॉपर पूरी थ्री सीरीज में पूरी थ्री सीरीज में अगर यहां पे प्लस दो से जीरो की ई नोट वैल्यू नेगेटिव है तो कॉपर की पॉजिटिव है यानी कॉपर दो से जीरो में आना चाहता है तो मेरा सवाल क्या कॉपर जीरो से दो में जाना चाहता है मेरा सवाल क्या कॉपर जीरो से दो में जाना चाहता है यस और नो यस और नो वैसे तो लिखा हुआ है क्या पूछ रहा हूं मैं भी पर फिर भी क्या कॉपर जीरो से दो में जाना चाहता है नहीं अगर जीरो से दो में नहीं जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेगा अगर जीरो से दो में नहीं जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेगा बात है अगर जीरो से दो में नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा अब जीरो से दो छोड़ना पसंद नहीं करेगा तो जो हल्के पुल के एसिड होते हैं बेटा जैसे हल्के पुल के एसिड वो क्या देते हैं एच प्लस और आपने कॉपर की रिएक्शन उनके साथ करवा दी है ना आपने कॉपर की रिएक्शन उनके साथ करवा दी आपने कहा कॉपर जीरो में आपने कहा कॉपर जीरो से प्लस दो में नहीं जाना चाहता आपने कहा कॉपर जीरो से प्लस दो में नहीं जाना चाहता वो तो दो से जीरो में आना चाहता है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता और जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो एसिड जो एच प्लस देगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं और एच टू गैस बनेगी नहीं वापिस सुन लो मैंने क्या बोला आंसर ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कॉपर कैन नॉट लिबरेट एच टू गैस फ्रॉम एसिड्स क्या लिखा हुआ है कॉपर एसिड से H2 गैस लिबरेट नहीं कर सकता रीजन है H2 गैस बनने के लिए एसिड के द्वारा भेजा गया H+ इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी तो जीरो में जाएगा और जीरो में जाएगा तभी तो H2 गैस बनेगा अरे तो इसको H2 बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन कॉपर देना ही नहीं चाहता इसीलिए कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2S गैस H2 गैस फ्रॉम एसिड्स पॉइंट समझ आया क्या यह काम जिंक कर सकता है क्या ये काम यहां पर मैं जिंक लगा दू क्या ये काम जिंक कर सकता है यस और नो क्या ये काम जिंक कर सकता है तो आंसर है ये सारे थ्री सीरीज के एलिमेंट कर लेंगे ना कॉपर ही तो नहीं कर पाएगा इसीलिए कॉपर एसिड से एच गैस रिलीज नहीं कर सकता जिंक कर लेगा क्यों क्योंकि जिंक कहता है कि मैं प्लस दो से जीरो में नहीं आना चाहता क्योंकि वो तो नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो जीरो से दो में जाना चाहता है कॉपर तो उल्टा चलता है बस तो अगर कॉपर जीरो से दो में नहीं जाना चाहता तो सारे एलिमेंट जो दूसरे सीडी सीरीज के हैं वो तो जीरो से दो में जाना चाहेंगे और जब वो जीरो से दो में जाना चाहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे और जो इलेक्ट्रॉन दे देंगे दे दे तो एसिड के एच प्लस के साथ वो एच टू गैस बना देंगे आदित्य कह रहा है इस पर सवाल कैसा आएगा भाई अब सवाल कैसा भी आ जाए तू कर लेगा ठीक है अब चिंता मत कर अब ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर से कॉपर प्लस मतलब ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर प्लस टू में जो है देखो समझते हैं कॉपर ऑटोमाइजेशन ठीक है वही सब है जो सिखाया हुआ है कोई नई बात नहीं है कॉपर ऑटोमाइजेशन कॉपर से कॉपर प्लस दो आईई वन आईई टू एक साथ लिख दिया मैंने दोनों है ना डायरेक्ट प्लस टू लिखा तो प्लस हो गई आई वन आई टू दो एंडोथर्मिक ठीक है पानी में डाला कॉपर प्लस टू एक्वस हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक अब सुनो ए एंड बी इज नॉट बैलेंस्ड बाय सी ओ वापस सुन लो बेटा a एंड b इज नॉट बैलेंस्ड बाय c यानी बैलेंस्ड का मतलब सुनो यहां पर भी खर्चा हुआ 10 रुपए लग गए यहां 20 रुपए लग गए 30 रुपए लग गए हमारे लेकिन वहां हमको 20 रुपए ही मिले वापस तो बैलेंस नहीं हुआ बैलेंस होना चाहिए बैलेंस का मतलब ओवरकम होना चाहिए अगर ये अगर ये अगर ये हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होता तो इसका मतलब है वो प्लस दो में इजीली आ जाता दैट्स कॉपर कैन नॉट गैस फ्रॉम एसिड्स एक्सेप्ट एंड हाँ अगर मैंने कहा ना हल्के पुल के एसिड ये बेटा हल्के पुल के एसिड नहीं है ये तो एसिड ऐसे हैं जो जाने जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग है अब वो कॉपर कुछ भी कर रहा हो उसके दो झांपट मार के कहेंगे ऐसे लेक्ट, वाले

क्योंकि जिंक का प्लस दो से जीरो नेगेटिव है तो जीरो से प्लस दो पॉजिटिव हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एच टू गैस बन जाएगी अब मैं बात कर रहा था उनकी कॉपर की ये देखो आप सुनो कॉपर अभी भी एच टू गैस नहीं दे रहा है इसलिए एच टू गैस ध्यान रख लेना है ना कि कॉपर एच टू गैस अच्छा इसका गलत मतलब ना निकाल ले बच्चे कहीं एच टू गैस तो ये किसी से नहीं देगा खैर इसका गलत मतलब मत निकाल लेना बच्चे ठीक है यहां पे काम करते हैं इसको हटा देते हैं ठीक है एच टू गैस तो वो उनके साथ भी नहीं दे रहा है उसका मतलब गलत निकाल दोगे तुम तो ज्यादा बेटर है तुम इस वाली स्लाइड पे ये पॉइंट लिख दो कॉपर कैन बट कॉपर कैन ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रोंग बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड Like concentrate H2SO4 and HNO3. HNO3 में कंसनट्रेट भी ले लो ठीक है एंड डायल्यूट भी ले लो ये दोनों में चलेगा ठीक है तो कॉपर डायल्यूट HNO3, कॉपर प्लस टू में आ गया देख लो लेकिन H2 गैस नहीं है कहीं पे भी H2 गैस नहीं है ठीक है H2 गैस कुछ भी नहीं है H2 गैस नहीं है NO गैस देगा ठीक है तो नाइट्रोजन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करी है हाइड्रोजन ने नहीं करी है ठीक है तो एच टू गैस तो यहां पर भी नहीं दे रहा है लेकिन हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होकर ये बना रहा है कंसंट्रेट एच के साथ नाइट्रेट तो बने गई एनो NO और एनओ ठीक है अगर कंसनट्रेट है तो एनो डाइल्यूट है तो एनो कंसन एच है तो ये देखो कॉपर प्लस टू में आ गया इसने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाई है एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाई नहीं है कंसनट्रेट एच टू एसओ फोर एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग दिखा रहा है ये सल्फर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है हाइड्रोजन कहीं नहीं जा रहा हाइड्रोजन वही है सल्फर अपनी स्टेट चेंज करा बेटा ये ध्यान रखना चलो ये <coughs> तो ठीक है ये तो वैसे ही पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है तो। ना इंपॉर्टेंट जरूर है ये रिएक्शन है ना पर देख लेना एक बार फिर आता है क्रोमियम प्लस टू इज रिड्यूसिंग एजेंट बट एम एन प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई नीट में आ सकता है ये सवाल जबकि दोनों डी फोर कन्फिग्रेशन है ऐसा क्या हुआ कि दोनों डी फोर कन्फिग्रेशन है फिर भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है चलो समझते हैं ये प्लस टू है ये तीन में जाना पसंद करता है पूछो क्यों क्योंकि ये थ्री डी फोर है ना इधर का ना उधर का लेकिन अगर ये थ्री डी थ्री बनता है तो हमने पढ़ा हुआ है टी टू जी यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है या पानी है एक्वस मीडियम में है ना ये एक्वस मीडियम की बात हो रही है अब एक्वस मीडियम है तो एच टू ओ होगा एच टू होगा तो वो लिगेंड की तरह काम करेगा लिगेंड की तरह काम करेगा तो क्या होगा वहां पर हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ये क्या करता है दो से तीन में आना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि चार का तो मैं कहीं का भी नहीं हूं तो वो चार से तीन में आना चाहेगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन खाएगा इलेक्ट्रॉन खा... सॉरी इलेक्ट्रॉन खाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये दो से कहां आ चुका है तीन में तीन में आने के बाद इसको सुकून मिला मोक्स मिला और उस मोक्स का नाम है हाफ फिल्ड टी टू जी स्टेबल इन एक्वस मीडियम ठीक है कि भाई जनरली रिएक्शंस को हम कहा मानते हैं एक्वस हैं? एक्वस मीडियम मीडियम में मानते हैं का मतलब मतलब क्या हो गया H2O, H2O मतलब लिगेंड की तरह काम कर सकता है स्प्लिटिंग होगी स्प्लिटिंग होगी तो टी टू जी ईजी हम होगा और टी टू जी ईजी में ये हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसीलिए ये दो से तीन में आना पसंद करता है दैट्स इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जबकि इधर उल्टा है ये प्लस तीन में डी फोर है ठीक है और प्लस टू में ये डी फाइव हो सकता है क्यों क्योंकि चार से एक इलेक्ट्रॉन खाकर ये पांच बन सकता है तो ये क्या करता है तीन से दो में जाना बेहतर समझता है क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है प्लस फाइव है सॉरी डी फाइव हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तो आप सोचो दोनों के दोनों डी फोर है ये राी फोर ये रहा D4। दोनों कॉन्फ़िगरेशन D4 फोर है लेकिन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रीजन आपके सामने लिखे हुए हैं आप अगर इन सवालों को बहुत हल्के में ले रहे हो तो मैं चेतावनी दे देता हूं कि सवाल ऐसे ही आएंगे इसमें कोई वैल्यू वाली बात नहीं होगी ये डायरेक्ट पूछ लेगा ये तो हम कर ही चुके हैं आप खुद देख सकते हो इसमें तो कॉपर प्लस टू से कॉपर इज पॉजिटिव वाई कह रहा कि कॉपर जो है वो इधर इधर जीरो 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 में आना चाहता चाहता है इधर नहीं जाना चाता. मतलब जीरो से जीरो से नेगेटिव प्लस टू में नहीं जाना चाहता वो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है एनसीईआरटी ने कुछ वैल्यूज दी हुई है आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है मैंने जरूर लिखी हुई है समझाने के लिए पीछे भी मैंने इसकी बात करी थी 339 इसका ऑटोमाइजेशन एनथेल्पी हमें देनी पड़ेगी 745 इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 देनी पड़ेगी एंड जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है वो इसकी एकदम से ज्यादा है और थोड़ी देर पहले शायद मैंने आ, थोड़ी देर पहले मैं ये चीज बता भी रहा था कि कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी टू बहुत ज्यादा होती है कुछ याद करो याद करो मैंने बताया आयोनाइशन एनर्जी वाले पॉइंट में ये चीज बताई हुई है क्यों क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन डी टेन में से निकलेगा और डी टेन में निकलने का मतलब है आप सोचो 745 745 से डायरेक्ट 1958 हो गया दुगुने से भी ज्यादा दुगुने से भी ज्यादा ठीक है लगभग तीन गुना के आसपास पहुंच गया बस थोड़ा ही कम है ठीक है आप समझो बात को सेवन से ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था अरे यार तो हो जाता, 900 हो, था, 1000 हो जाता, जाता, होता था, खर्चा लगेगा हमको पता है कि यहां दस रुपए लगेंगे हमको पता है कि यहां बीस रुपए लगेंगे लेकिन हमको एक्चुअल में यह नहीं पता कि यहां हमें डेढ़ सौ रुपए देना पड़ेगा क्योंकि हम यहां मारे गए तो जहां मारे गए वो स्टेप इस तो इसकी आयोनाइशन एनर्जी टू है क्योंकि अगर यहां डेढ़ सौ रुपए नहीं लगते तो हमारा खर्चा बहुत बच जाता हुआ क्या कि इसकी इतनी हाई वैल्यू होने की वजह से ही हाइड्रेशन एनर्जी कुछ नहीं कर पाई भले ही हाइड्रेशन एनर्जी टू वन टू वन है देख लो माइनस टू वन टू वन लिखा है क्योंकि ये तो रिलीज होती है लेकिन पॉइंट पता है क्या है तुम इनको प्लस करो वन नाइन फाइव एट इसको प्लस करो इन खर्चे को प्लस कर दो जोड़ दो खर्चे को खर्चे को जोड़ दो वन नाइन फाइव एट सेवन फोर फाइव थ्री थ्री नाइन खर्चा जोड़ा तो तीन हजार बयालीस आया खर्चा लग गया हमारे तीन हजार बयालीस और उस तीन हजार बयालीस में से थ्री जीरो फोर टू में से मैक्सिमम जहां हम मारे गए हैं वो ये स्टेप है अगर ये भी नॉर्मल चार सौ पांच सौ सात सौ आठ सौ या हजार की रेंज में भी होती तो हम आज मारे नहीं जाते अगर आप सोचो मान के चलो अगर ये 900 भी होता तो यहां 2000 होता और जब यहां 2000 के आसपास होता तो वो वैल्यू ज्यादा होती इक्कीस इक्कीस यानी कि हमारा जो रिलीज एनर्जी है वो ज्यादा होती लेकिन हम मारे कहाँ गए हम मारे गए दूसरे वाले में यही कारण है कि ये कॉपर भाई साहब का वैल्यू पॉजिटिव हो गया इसीलिए कॉपर जो है इसीलिए कॉपर जो है वो इधर जीरो में ही रहना चाहता है प्लस दो में नहीं आना चाहता क्योंकि प्लस दो में आने के लिए उसे इस वाले स्टेप से सामना करना पड़ेगा वही उसका हिसाब बिगाड़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी टू ही उसका हिसाब बिगाड़ेगी सो द मेन रीजन अगर हम बात करें ओवरऑल तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल तो हम बोल सकते हैं कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी उन बाकी सबको ओवरकम नहीं कर पाई ये ओवरऑल रीजन है लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे कि नहीं यार तुम तो जड़ बताओ मुद्दा बताओ कि बात फंसी कहां थी तो बात फंसी थी आयोनाइजन एनर्जी टू में फंसी थी बेटा वो इतनी ज्यादा नहीं होती थी वो अगर इतनी ज्यादा नहीं होती ना ये वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती ना तो आज हम सही खेल रहे होते कॉपर भी अच्छे से मान गया होता जो बात समझ आ रही है देखो भाई मैं ऐसी ऐसी बातें सिखा रहा हूं ना अगर समझ आ रही है तो मुझे बहुत खुशी अब कुछ जहां से सवाल आ सकता है वो ये रहा कि जो भी बातें एनसीईआरटी ने इस प्लस दो से जीरो वाले ई नोट सेल के लिए लिखी हुई है एंड द फोर द्री डी सीरीज एक्चुअली उन्होंने बातें लिखी हुई है मैंने उन पैराग्राफ में से कलेक्ट कर करके काम की चीजें ले ली दूसरा पॉइंट आप सबको पता है पूरी थ्री डी सीरीज के लिए प्लस दो से जीरो नेगेटिव होता है बट कॉपर का पॉजिटिव होता है ये हम काफी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन सीरीज वैल्यू ऑफ प्लस टू टू जीरो इन नॉट सेल बिकम लेस नेगेटिव कॉपर तक जाते तो वो पॉजिटिव भी हो गई बिकम लेस नेगेटिव अब लेस नेगेटिव का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि लेस नेगेटिव होने के पीछे कारण क्या है लेस नेगेटिव कब होगी मुझे बताओ अच्छा सुनो नेगेटिव कब होगी जब ये बहुत ज्यादा आएगी ये नेगेटिव कब रहेगी एनर्जी नेगेटिव कब रहेगी मुझे सोचो ना ये तो सब पॉजिटिव 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 है जब ये ज्यादा होगी उनसे तो ये नैल्यू ने नेगेटिव रहेगी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी लेकिन अगर आयोनाइन एनर्जी वन और टू ज्यादा हो तो इसकी वैल्यू को लेस नेगेटिव किया जाएगा ठीक है लेस नेगेटिव किया जाएगा ऐसा नहीं है कि कॉपर के केस की तरह पॉजिटिव ही कर लो नहीं बाकियों में पॉजिटिव नहीं होगी बट लेस नेगेटिव हो जाएगी लेस नेगेटिव होने का कारण है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वन और टू जो है वो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट इन जनरल आयोनाइशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें आयोनाइशन एनर्जी वन और टू की वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ती हुई मिलेगी वही बढ़ती हुई वैल्यू इसकी वैल्यू को

ठीक है नहीं जाएगा वापिस सुनो हम बात किसकी कर रहे हैं एक बार भूल मत जाना है ना हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस रिलेशन की बात कर रहे हैं वापिस सुन लो तो अब उसको दिमाग में ध्यान रखो कि अगर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि ये जो पॉइंट लिखा है और ये जो वैल्यू लिखी है वो उस पॉइंट के लिए लिखी है यानी कि मैंगनीज प्लस दो से जीरो में नहीं जाना चाहता और नहीं तो सारे ही नहीं जाना चाहते कॉपर को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता कॉपर को छोड़ के लेकिन ये और ज्यादा नाटक करते हैं जरूरत से ज्यादा नाटक करते हैं इनकी वैल्यू जरूरत से ज्यादा नेगेटिव है मतलब इनके पास कुछ ऐसी बात है जो किसी के पास नहीं है तो वो ये रहा कि मैंगनीज प्लस दो में बैठकर डी फाइव है अब किसी डी फाइव को तुम बोलोगे कि जीरो में चला जा तो क्यों जाएगा भाई इसीलिए उसकी वैल्यू जरूरत से ज्यादा नेगेटिव है नहीं जाना चाहता जिंक प्लस दो में डी है स्टेबल कॉन्फिगरेशन है क्यों जाएगा वो जीरो में इसीलिए अगर आप उसको जीरो में भेजोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि वो नहीं जाना चाहता 2, सर इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं बैठ रहा है तो NCRT ने लिखा हुआ है कि की हाइड्रेशन एनथेल्पी है थ्री सीरीज में हाइएस्ट हाइड्रेशन एनथेल्पी और हाइएस्ट हाइड्रेशन एनथेल्पी का मतलब है हाइएस्ट हाइड्रेशन वापिस सुनना यहां गड़बड़ कर सकते हो उल्टा सोच सकते हो हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी प्लस टू में उतना ही जल्दी आएगा हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी प्लस टू में उतना जल्दी जल्दी, जल्दी आएगा अरे भाई ये तो रिलीज होने वाली एनर्जी है ना और जो एनर्जी रिलीज होने वाली होती है वो तो प्लस टू में जल्दी लेकर आएगी ताकि स्टेबल हो जाए तो ये तो रिलीज वाला है ये तो खर्चा है सॉरी ये तो प्रॉफिट है प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्लस टू में आएगा एनआई प्लस टू के साथ यही हुआ एनआई प्लस टू जो है एनआई प्लस टू जो है उसकी हाइड्रेशन एंथेल पे इतनी जबरदस्त है कि उसको मजा आ रहा है पानी के साथ ही एन आई प्लस टू का हाइड्रेशन जबरदस्त हो गया तो एनआई प्लस टू स्टेबल हो गया क्यों क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई तो उसको प्लस टू में स्टेबल कर दिया अब जब वो प्लस टू में स्टेबल हो गया तो वो फिर जीरो में क्यों आएगा वो प्लस टू में स्टेबल हो गया तो यानी प्लस टू में रहना ज्यादा पसंद करेगा ना जीरो में आना क्यों करेगा तो इसकी जो हाई हाइड्रेशन होते इनफैक्ट थ्री डी सीरीज में सबसे ज्यादा हाइएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है नाई प्लस टू की तो अगर तुमसे पूछ ले रीजन तो इन दोनों के तो सीधे सीधे रीजन है हर कोई बता देगा इसका रीजन ध्यान रखना इसकी हाइड्रेशन एन बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका प्लस टू ज्यादा स्टेबल होता है और जब प्लस टू ज्यादा स्टेबल होता है तो दो से जीरो में आने के लिए वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्यों क्योंकि वो दो में ही रहना चाहेगा देखो ये बातें एक बार में समझ आने वाली तो नहीं है इसको तुमको पढ़ना ही पड़ेगा लेकिन जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूं बेटा कर रहा हूं मैं जानता हूं जो लोग सीधा उम्मीद में आए हैं कहीं से भी पढ़े हों चीजों से वास्ता वा, वास्ता नहीं हुआ होगा आपका है ना मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये चीजें नहीं पढ़ाई गई होंगी मैं जानता हूँ है। है ये चीजें समझाने का मतलब है खुद अपने लिए ही नफरत पैदा कर लेना बच्चों के दिमाग में मतलब तुम तो मुझसे ही नफरत करना शुरू कर दोगे अगर मैं ये चीजें पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत सारे टीचर्स इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि है ना दिक्कत है। वो नहीं चाहते ना कि भाई नफरत हो हम ऐसी चीज क्यों पढ़ाए कि बच्चा नाराज हो जाए लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ आप मुझसे आज नफरत कर लोगे लेकिन एग्जाम में जब सवाल आ रहा होगा तो सबसे ज्यादा प्यारा इंसान मैं ही लगूंगा तो इसलिए ध्यान रखना बेटा मैंने तो उन पैराग्राफ में से निकाल निकाल के ये सब बातें भी आपके लिए छांट ली ये कोई करता नहीं है लेकिन ये सवाल जिस दिन आएगा तुम करोगे आप कहीं से भी पढ़े हुए हो मैं मे, मेरे, मेरे को नहीं पता बट मुझे आ, उम्मीद है कि ये चीजें शायद आपके नोट्स में नहीं होंगी तो आप इनको बाकी सब तो होगा तो आप इनको अच्छे से नोट कर लो बेटा ये चीजें बहुत काम की हैं है तीवी? अगर कोई नेगेटिव है तो मतलब वो प्लस दो में ज्यादा स्टेबल है वो इधर नहीं आना चाहता ऑफिस बात है इसकी वैल्यू नेगेटिव का मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ ना तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया दो से जीरो में आना इसका मतलब तो समझ रहे हो ना बेटा जब भी ऐसा लिखा जाता है ना इनोट वैल्यू और इस स्लैश के इधर लिखा जाता है मतलब ये transition ऐसा होता है ऐसा कि दो से जीरो वाला ट्रांजिशन बोल रहे हैं ठीक है भाई डॉक्टर मसरत स नाम तू ले रहा है जिन सर का नाम तू ले रहा है वो तो अपने ही कोचिंग के हैं है ना और वो दोस्त हैं भाई हैं वो तो हम एक तोहफे पे बैठ के पहले डिस्कस करते हैं कि ये ये चीजें पढ़ा देते हैं तो इसीलिए उनसे पढ़ा हुआ यहाँ रिवीजन कर सकता है मुझसे पढ़ा हुआ वहाँ रिवीजन कर सकता है वो कोई बात नहीं है ठीक है हमारे हम पहले डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है इसीलिए कभी भी बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि किससे पढ़े किसी से भी पढ़ लें और हमें बहुत गुस्सा आता है जब कोई लिख देता है कि ऐसा ये बेस्ट है या वो बेस्ट है नहीं हमें गुस्सा आता है उस चीज से ठीक है ना क्योंकि हम तो एक सोफे पे बैठ के पहले डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ाना है हम तो कंटेंट content... क्योंकि हम चाहते हैं ना कि चाहे आप पढ़ाओ सर चाहे मैं पढ़ाऊं बच्चा मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए ठीक है इसलिए टीचर्स जब भी कॉम्पिटिशन करते हैं ना है ना टीचर्स जब भी कॉम्पिटिशन करते हैं तो वो फालतू की चीज़ें पढ़ाने के चक्कर में बच्चे का नुकसान कर देते हैं इसीलिए हम वो काम ही नहीं करते हमारा अलग सिस्टम है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हमें एकदम न्यूट्रल अरे सर पढ़ाना आपको भी वही पढ़ाओ मैं तो कई बार ऐसा बोलता हूँ कि सर ये देख लो मैं ये पढ़ाऊंगा आप चेक कर लो वो चेक कर लेते हैं फिर वो भी बता दे कि सर ये देख लो मैं भी ये पढ़ा के आया हूँ आज आप देख लो कई बार वो बता देते हैं कि सर एनसीईआरटी में वो एक बात दी हुई है अगर नहीं बताई हो तो बता देना सर आ सकती है हमारे में तो वो तरह की उस लेवल की बॉन्डिंग है अब कोई क्या नीचे लिखेगा कि इनमें से कौन बेस्ट है क्या लिखोगे तुम उस चीज में इसीलिए सिर्फ कहीं पे भी ये ऑनलाइन के अंदर ना टीचर्स को कंपेयर करना बंद करो आप उससे क्या होता है कि टीचर्स फ्रस्टेट होते हैं और वो फ्रस्टेशन तुम्हारी क्लास में निकलेगा और वो फालतू के कंपैरिजन में कुछ ऐसी चीज पढ़ाएंगे जो सिलेबस में ही नहीं हो या गुस्से में कोई चीज ही छोड़ देंगे तो नुकसान बच्चे का है इसीलिए दो टीचर्स को कंपेयर कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर ना करें किसी भी एक्स वाई जेड को तुमको जिससे पढ़ना है पढ़ें लेकिन जाकर किसी के लिए गलत ना लिखें आ जाओ ये सब हम कर चुके हैं मैं यहां से इनको हटा रहा हूँ ये सारी चीजें मैं सब कुछ लिख चुका हूँ ये ये सब मैंने अलग अलग पॉइंट करवा दी है ना तो मैं इनको हटा ही देता हूँ अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है एनसीआरटी की लाइन से मैं हटा रहा हूँ चाहो तो तुम पढ़ना चाहो हटा दिया मैंने तो तुम परेशान ही हो गए अब देखो क्या लिखा हुआ है अब बेटा प्लस तीन से प्लस दो की बातें लिखी हुई है ये तीन से दो की बात है अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे दो से जीरो की बातें तो इनमें एनसीआरटी में कुछ तीन से दो के बारे में भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं लिखा हुआ है कि स्कैंडियम प्लस तीन से प्लस दो बहुत लो वैल्यू होती है अब ये लो वैल्यू का क्या मतलब है लो वैल्यू का क्या मतलब है क्या समझते हो लो वैल्यू का मतलब क्या है हाई वैल्यू का क्या मतलब है लो वैल्यू का मतलब है नेगेटिव होगा ऑब्वियस सी बात है तो हम तो खुद ही जानते हैं कि स्कैंडियम प्लस तीन ही एग्जिस्ट करता है वो प्लस दो में जाना ही नहीं चाहता हम जानते हैं स्कैंडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता और रीजन क्या है क्यों ये तीन से दो में नहीं आना चाहता तो आंसर है अगर तुम स्कैंडियम का हैेशन चेक करोगे तो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है डी जीरो है नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है स्कैंडियम का अगर आप चेक करोगे ना तो ये आर्गन ये वाला ये लिखा हुआ है देखो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है डी जीरो हो गया तो इसीलिए वो तीन से दो में नहीं आना चाहता ठीक इस है इसीलिए लो वैल्यू है जिंक से दो में आधी रात को आना चाहता है क्यों क्योंकि उसको डी टेन बनना है तो डी टेन में जाना चाहेगा तो तीन से दो में आने के लिए आधी रात को तैयार बैठा है आधी रात को तैयार बैठा है तो हाइएस्ट वैल्यू होगी कह रहे कि ले होना यार तीन से दो में मेरे को तो जाना है ऊपर वाला नहीं आ रहा है ऊपर वाले के बेचारे की लो वैल्यू है वो नहीं आना चाहता ये तो आना ही चाहता अगला अगला, ये तीन से दो में ये भी आना चाहता है है ना? Highest नहीं है, ना? नहीं बट तीन से दो में आएगा और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि मैग्नीज प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी बताया था थोड़ी देर पहले एक सवाल करवाया था क्रोमियम प्लस थ्री इज रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम प्लस एम एन प्लस थ्री इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था तो एम एन प्लस थ्री मैंगनीज प्लस थ्री क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि उसको पता है कि मैं तीन से दो में जाऊंगा तो डी फाइड हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बन जाऊंगा इसीलिए ये तीन से दो में जल्दी आ जाता है वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती है इसीलिए एम एन प्लस थ्री इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो रिड्यूस होना पसंद करता है ठीक है बेटा नेक्स्ट है आयरन प्लस तीन से प्लस दो कंपेरिटिवली लो है अब वापिस सुन लेना बेटा आयरन प्लस तीन अब थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो सकता है कि तीन से दो में वैल्यू तो पॉजिटिव है वापिस सुनो तीन से दो में वैल्यू तो पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू यह तो बताती है कि आएगा है ना कि तीन से दो में आएगा बताती तो है लेकिन होना तो यह बहुत पॉजिटिव चाहिए था लेकिन ये क्यों लो हुआ लो का मतलब कंपैरेटिवली लो का मतलब है लेस पॉजिटिव भी बोल सकते हो आप इसको हाई मतलब होता है मोर पॉजिटिव लो के दो मतलब होते हैं लो के दो मतलब होते हैं नेगेटिव और लेस पॉजिटिव अब देखो ये बहुत कम पॉजिटिव है यानी कि तीन से दो में आ जाएगा मैं मानता हूं पॉजिटिव है आ जाएगा आ जाएगा लेकिन इतना भी राजी नहीं है और क्यों राजी नहीं है क्योंकि प्लस तीन में ये डी फाइव स्टेबल है तो इसका मन करता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा करता है क्योंकि उस प्लस तीन वाले को पता है कि यार डी फाइव स्टेबल हूं दो में जाऊंगा तो फिर से डी सिक्स बन जाऊंगा इसीलिए उसकी वैल्यू को कम कर दिया अगर ये D5 नहीं होता प्लस तीन में तो यहां पर वैल्यू पॉजिटिव बहुत ज्यादा होती क्योंकि फिर तो वो दौड़ा दोड़ा आता ना अभी वो आ रहा है पर ऊपर ऊपर के मन से आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो डी फाइव स्टेबल को खराब कर रहा है यही कारण है कि सिर्फ इतनी ही पॉजिटिव हो पाई 0.77 होनी चाहिए थी ये भी 1. समथिंग होता इस mn की तरह कुछ होता पॉजिटिव में 1. समथिंग हो सकता था नहीं हुआ ना कारण वो उधर भी d5 रखता है उसके d5 होने की वजह से उस बिचारे की आने की नियत घट गई है लेकिन घट गई सॉल्ट एनालिसिस का लेक्चर कब आना है परसों 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 आएगा आगे देख ले इसी तरह से वेनेडियम तीन से दो में नेगेटिव है और नेगेटिव इतनी ज्यादा नहीं है वापिस सुन लेना नेगेटिव इतनी ज्यादा नहीं है इतु सी नेगेटिव है माइनस जीरो पॉइंट टू सिक्स यानी कि मैं कहूं कि इसको आने में इतनी आपत्ति नहीं होगी इतना भी माइनस नहीं है भाई इसको इतनी आने में आपत्ति नहीं होगी क्यों और आप सुनो कि आपत्ति क्यों नहीं है कि इसके मन में एक लालच आया हालांकि मैं ये मानता हूं कि यह नेगेटिव है तो आना तो नहीं चाहेगा लेकिन 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 फिर भी इसके मन में एक लालच आया वेनेडियम प्लस टू में डी थ्री होता है वेनेडियम प्लस टू में डी थ्री होता है तो टी टू जी हाफ फील्ड यह भी बन सकता है जैसे क्रोमियम प्लस तीन बनता था यह भी बन सकता है तो इसके इस लालच ने इसकी वैल्यू को मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव कर दिया सोचो अगर वेनेडियम प्लस टू में ये डी थ्री नहीं होता तो यहां पर वैल्यू माइनस में ज्यादा होती में, हो सकता हो माइनस वन हो जाती लेकिन इसकी माइनस को कम कर दिया रीजन बोलो क्या वेनेडियम प्लस टू जो है वो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन टी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन वही उसे मजबूर कर रहा है इधर आने को और मन बना लिया इसने इधर आने का इसीलिए अगर थोड़ा मन है इधर आने का तो उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखा रहा है बेचारा ठीक है कह रहा है कि थोड़ी बहुत इज्जत रख लो माइनस में तो हूं पर माइनस टू पॉइंट सिक्स चल जाएगा बोले आ सकता है कोई खास बात नहीं लो ओके? तो ये बातें एनसीईआरटी ने लिखी हुई है भैया भयंकर भयंकर बातें हैं देख लेना ये रहा पूरा सब कुछ एन में जो मैंने उधर लिखा हुआ है वो यहां लिखा हुआ है हम ये पढ़ चुके हैं आप कंफ्यूज होने के लिए इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर हम ये पढ़ चुके हैं ठीक है और यही पॉइंट्स मैंने ऊपर करवा दिए हैं आप देखो मान लो मैं तुमसे कुछ वैल्यूज दे के पूछूं ठीक है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है प्लस दो आयरन प्लस दो क्रोमियम प्लस दो आयरन प्लस दो अब सुनना बेटा वापिस सुना ध्यान से क्रोमियम तीन से दो में नहीं आना चाहता क्रोमियम तीन से दो में नहीं आना चाहता तो नेगेटिव है अब दो से तीन में क्यों जाना चाहता है क्योंकि तीन में टी टू जी हाफ फील्ड स्टेबल है टी टू जी थ्री हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा जबकि आयरन देखो आयरन तीन से दो में आयरन आयरन तीन से दो में जाना चाहता है पॉजिटिव है ठीक है लेकिन दो से तीन में नेगेटिव हो जाएगा नहीं जाना चाहता तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा क्रोमियम होगा जो 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 रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट कौन कौन होता है जो हो कौन होता है है बेटा खुद ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हो हो जाए जाए क्या क्रोमियम दो से तीन में जाना चाहता है क्रोमियम अपना ऑक्सीडेशन करवा लेगा यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्रोमियम करवा लेगा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों क्योंकि वो दो से तीन में जाएगा तो पॉजिटिव होगा उल्टा तो पॉजिटिव होगा ना बेटा विच इज स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि प्लस थ्री एंड कोबाल्ट प्लस दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आप वैल्यू देख के आंसर कर लो बात खत्म ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी प्लस में ही 1.9 है और ये प्लस में 1.59 है अब 1.9 और 1.59 में ज्यादा बड़ी वैल्यू 1.9 है तो 1.9 ज्यादा है तो वो क्रोमियम प्लस तीन जो है वो स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा आहो जी चलो भैया हमने खूब सारी चीजें तो कर ली हैं अब हम जो क्या बोलते हैं एक अगला पार्ट ही कह सकते हो आप इसका ये वाला पार्ट थोड़ा अलग है तो इसको हम शुरू करते हैं पंद्रह मिनट बाद आठ बजे क्लास होगी अब वापिस तब तक आप खाना पीना कर लो है ना आठ बजे क्लास करेंगे हम मिलते हैं आठ बजे भाई अरे शुरू तो अपन ने प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जो कि सबसे बड़ा है वो हमने खत्म कर लिया है अब हम कुछ के टू आर टू ओ सेवन और के एम एन ओ फोर वाली बात करेंगे तो सबसे पहले डाई क्रोमेट और क्रोमेट आयन क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं ये इंटरचेंज हो सकते हैं डाई क्रोमेट होता है बेटा सी आर टू ओ सेवन टू माइनस और क्रोमेट होता है सी आर ओ फोर टू माइनस जो सी आर टू ओ सेवन टू माइनस होता है उसमें भी क्रोमियम प्लस छ में है क्रोमेट में भी प्लस छ में है यानी ये जो चेंज है ये रिडोक्स चेंज नहीं है ये ऑरेंज कलर का होता है वो येलो कलर का होता है बहुत इंपॉर्टेंट है कलर्स इनके प्लस छ अगर डाई क्रोमेट अगर डाई क्रोमेट है और आप अगर पीएच को साथ से ज्यादा करते हो सी बात है यानी कि मीडियम को बेसिक करते हो पीएच ज्यादा करने का मतलब है मीडियम को क्या करोगे बेटा बेसिक करोगे तो वो क्रोमेट में आ जाएगा और क्रोमेट डाइक्रोमेट में कब जाएगा जब पीएच कम होगी एसिडिक मीडियम में तो ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है और ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है दिस कन्वर्जन इज नॉट अ रिडॉक्स चेंज पीएच बेस्ड कन्वर्जन होता है ये आपस में बदल सकते हैं अगर आप मीडियम की पीएच को बदल देते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना फिर स्ट्रक्चर्स टू माइनस एंड सी आर टू ओ सेवन टू माइनस पहले हम क्रोमेट की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ये हमारा क्रोमेट आयन है इतने माइनस दो माइनस तो दो सिंगल दो डबल जो मुझसे केमिकल बॉन्डिंग पड़ा हुआ है उसको पता है चार ऑक्सीजन लगा दो क्रोमियम दो माइनस दो सिंगल दो डबल हो गया जितने माइनस उतने सिंगल कर दिया कैसा दिख रहा है टेट्राहेड्रल मतलब sp3 मत बोल देना टेट्राहेड्रल बोल देना sp3 मत बोलना इसका हाइब्रिडेशन d3s होता है अलग टाइप का होता है वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा रहने दो टेट्राहेड्रल जरूर बोल देना ये मेटल है तो d देगा ऑक्सीजन अपना p देगा तो किस तरह का पाई होगा d पाई p पाई टाइप का बॉन्ड होगा क्या ये माइनस टू बाई फोर हम ऐसा एवरेज फॉर्मल चार्ज लिख सकते हैं माइनस टू बाई फोर क्या हम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं एक दो तीन चार पाँच टोटल छ बॉन्ड हैं और ये हो जाएगा सिक्स बाई फोर यानी कि वाकई में देखा जाए तो यहां पर सिक्स बाई फोर यहाँ पर हर एक के पास सिक्स बाई फोर बॉन्ड है अब हर एक के पास एक जितना ही बॉन्ड है हर एक के पास इतना ही बॉन्ड है ये सिक्स बाई फोर बॉन्ड है ये देखो सब जगह पे मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लगा दिए हैं सब जगह पर डबल बॉन्ड है पार्शियली और सब जगह पर बराबर हैं और सब जगह पर बराबर हैं तो इसका मतलब है सारे बॉन्ड जो क्रोमियम ऑक्सीजन के जितने चारों बॉन्ड हैं वो चारों बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा एक जैसे हो जाएंगे तो इसके अंदर एक तरह के बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब है एक तरह की बॉन्ड लेंस है सारी बॉन्ड लेंस भी क्या हो जाएगी एक जैसी हो जाएगी और उम्मीद से छोटी भी होगी कारण क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है हर जगह पर एक्स्ट्रा बॉन्ड आ चुका है थोड़ा थोड़ा तो यानी कि एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आ गया तो लेंथ उम्मीद से छोटी हो जाएगी ठीक है बेटा उसके बाद क्रोमियम प्लस जो होता है वो जीरो होता है तो डाया मैग्नेटिक हो गया है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन हमने अभी तक पढ़ा था कि डी जीरो और डी टेन तो सर कलरलेस होते हैं बेटा अगर डी जीरो डी टेन कलरलेस नहीं है तो इसका मतलब है उसमें फिर कलर होने का कारण कुछ एक्स्ट्रा होगा चार्ज ट्रांसफर होगा यही चीज यहां पर भी समझ आती है कि ये है तो डी जीरो लेकिन फिर भी येलो कलर का है तो आंसर है क्यों क्योंकि इसके अंदर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है एल एम सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर मेटल बोलो क्या क्रोमियम प्लस लिगेंड बोलो क्या ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिगेंड की तरह काम कर रहा है यहां पे और लिगेंड पर माइनस चार्ज है और क्रोमियम पर प्लस छ चार्ज है माइनस दो और प्लस छे में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एनर्जी में है ना तो उस एनर्जी का गैप इतना क्रिएट हो जाता है कि वहां पर जो चार्ज स्पेक्ट्रम डेवलप होता है वो विजिबल रीजन में आता है इसी वजह से कलर याद रखिएगा अगर डी जीरो और डी टेन कलरलेस है तो डी डी ट्रांजिशन रीजन नहीं होता उसका फिर हम हमेशा बोलते हैं डी जीरो एंड डी टेन कलर लेस तो तो मीडियम में आप बोल सकते हो कि डी जीरो कलर है तो वहां पर डी डी ट्रांशन नहीं है पर कुछ और कारण होगा वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या एम एल सी टी भी हो सकता है मेटल टू लिगेंड ट्रांस ट्रांसफर एम एल सिमारे सिलेबस में नहीं है, है ना एक एम एम सीटी भी होता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर लेकिन हमें ठीक है इसको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना कि इसमें कलर होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से नेक्स्ट है डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर ये रही है ना दो माइनस ये दो सिंगल बाकी सब डबल डबल और सीआर ओ सी आर का एक ब्रिज बॉन्ड बना दो अब यहां तीनों में तो रेजोनेंस चलता है ये तीनों में तो रेजोनेंस चलता है यानी ये जो तीन बॉन्ड आपको टर्मिनल्स बॉन्ड दिख रहे हैं ये तो इक्वल होंगे इसी तरह से इधर वाले भी इक्वल होंगे तो टोटल छह बॉन्ड इक्वल हो गए इधर के तीन और इधर के तीन सी बॉन्ड क्या हो गए इक्वल हो गए लेकिन ये बीच का एक सी और ये एक बीच का सी ये सी और ये सी इक्वल नहीं है इन बाकियों के इक्वल नहीं है यहाँ पे तो सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ये जगह पे तो यहां तो सब जगह सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहा अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इनकी लेंथ तो कम हो जाएगी इनमें से हर एक बॉन्ड की लेंथ एक पिकोमीटर होती है जबकि इसकी 179 पिकोमीटर होती है क्रोमियम ऑक्सीजन की इस लेंथ को ज्यादा और इस लेंथ को कम करने का रीजन समझ आ गया बेटा क्या है यहां पर सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तीनों जगह टर्मिनल्स पे तो टर्मिनल्स वाली छ दो तीन चार पांच छे। छे बराबर होती है लेकिन मैं ये तो नहीं बोल सकता कि इसके अंदर सारी सारी सी आर ओ बेंथ इक्वल होती है गलत नहीं बोल सकता ऑरेंज कलर होता है रीजन वही अगेन एल एम सिरो मैग्नेटिक है

है ना और इसका एवरेज सी आर ओ निकालोगे ना तुम वो कैसा निकलेगा वो ऐसा निकलेगा ठीक है एक दो तीन चार पाँच फाइव बाई थ्री निकलेगा है ना हाँ एक बार गया ना क्या हुआ कुछ नहीं हाँ सही है कुछ बच्चे कह रहे थे बोल नहीं आया बोल नहीं आया हाँ हाँ ठीक है ठीक है बेटा तो हमेशा डिवाइड बाई में उतना ही लिखा जाता है जितना पेयर पेयर पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करते हैं हैं तो यहां पर तीन ही पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करने को यह भी कर सकता है बट लेस कॉन्ट्रीब्यूशन होने की जो तू रेजोनेंस करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेबिलिटी में तो इसको फ्री रहने दिया तो इसको बोलते हैं नॉन इक्वेलेंट रेजोनेंस और इक्वेलेंट रेजोनेंस ऐसा पढ़ा होगा ना आपने ये नॉन इक्वेलेंट रेजोनेंस है जब सारे पेयर पार्टिसिपेट नहीं करें जो पेयर ज्यादा और इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी में उनको जनरली कंसिडर किया जाता है रेजोनेंस में फिर इसका बॉन्ड एंगल यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज है 126 डिग्री कैसे हैं जबकि हमने तो पढ़ा है कि दो लोन पेयर लगने का मतलब है दो लोन पेयर लगने का मतलब है ये एंगल तो लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता कारण यह है कि वो लोन पेयर लोन पेयर तो बहुत बड़ी छोटी बातें हो गई बेटा इतने बड़े बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं इधर पूरा क्रोमियम और तीन ऑक्सीजन इधर पूरा क्रोमियम और तीन ऑक्सीजन इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इनके बीच का रिपल्शन क्या होगा ज़्यादा होगा रिपल्शन होगा तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा तो 120 से कम छोड़ो 120 से ज्यादा हो जाता है 120 से कम छोड़ो 120 से ज्यादा हो जाता है क्योंकि इतने बड़े बड़े बल की ग्रुप लगे हुए ना बेटा तो इसीलिए ये वाला एंगल जो है वो 120 से ज्यादा होता है एक तो सौ 120 डिग्री कम हम जानते हैं कॉन्सेप्ट यही है बट यहाँ लोन पे लोन पे रिपल्शन बहुत छोटी चीज है है ना बड़े ग्रुप जब भी आएंगे ना क्या लोन पे, लोन पे रिपल्शन वो इतना रिपल्शन करेंगे कि लोन, पे, लोन पे नेक्स्ट। लाइक करो भाई जो भी आए लाइक करो लाइक करो लाइक करो फिर यहां से नीट में एक बार सवाल आ सकता है एक बार आ चुका है एक बार और आ सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होते हैं ना जैसे अपना टाइट्रेशन वगैरह उस टाइट्रेशन में प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऐसे शब्द आपने सुने होंगे वो क्या होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऐसी क्या चीजें होती है तो Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं ठीक है उन दो ऑप्शंस में उन दो ऑप्शन में हम इसको प्रेफर करते हैं ओवर है, है है. है? कर जैसे आपने एक रीडिंग ली मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया अब दूसरी रीडिंग है तो वो एक्यूरेट नहीं आएगी क्योंकि हो सकता है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के कारण कंसंट्रेशन बदल गई हो तो हम ऐसा काम ही क्यों करेंगे हम क्या करेंगे इसको ही उठाएंगे हमें पता है कि यह अपनी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा यह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता यानी नहीं है, तो है, है इसीलिए हम इसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं यह प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता अब वहां है ही नहीं मान लो के टू सीआर टू सेवन नहीं है, है ही नहीं साहब फिर मजबूरी में हम इसको लेते हैं ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो सवाल ऐसा भी आ सकता है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी तो आंसर है सेकेंडरी है प्राइमरी नहीं है प्राइमरी वही है पहले तो हम उसी को प्रेफरेंस देंगे अगर वो नहीं है तो फिर इसको हम दे देंगे ये सेकेंडरी ज्यादा एन ए टू सी आर टू ओ सेवन की होती है है ना ये इस बात से भी समझो कि इसको पानी पसंद है है ना तभी तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है और अभी सोल्यूबिलिटी वाला पॉइंट समझ आएगा आपको आगे जब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे ऑबिलिटी वाला पॉइंट यहाँ समझ आ जाएगा आपको ठीक है ये लो अब K2Cr2O7 की बात हम कर लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑरेंज कलर कंपाउंड होता है ऑब्वियस सी बात है Cr2O7 O से डाइक्रोमेट है ना तो डाइक्रोमेट ऑरेंज ही तो होता है अभी पीछे पढ़ाया था यूज्ड एज ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट होता है क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमने पढ़ा अभी है ना प्रिपरेशन क्रोमाइट और से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो क्रोमाइट और होता है एफ ई सी आर टू ओ फोर एफ ओ प्लस सी आर टू ओ थ्री का मिक्सड ऑक्साइड होता है आयरन प्लस दो में है क्रोमियम प्लस तीन में है देखते जाओ क्या होगा आयरन प्लस दो में है क्रोमियम प्लस तीन में है पहले इनको हवा खिलाएंगे हवा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी आयरन को भी ऑक्सीडाइज करेगी क्रोमियम को भी ऑक्सीडाइज करेगी आयरन को प्लस दो से प्लस तीन में ले आई यानी एफ ई टू ओ थ्री हो गया क्रोमियम को प्लस तीन से प्लस छह में ले आया यानी कि ये बन गया दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया बेटा आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो गया देखो और क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन हो गया हम जानते हैं ये बेसिक है, ये एसिडिक ठीक है तो डी ब्लॉक के अंदर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री बेसिक होते हैं प्लस फोर एम्फोटेरिक होते हैं प्लस फाइव टू प्लस एट एसिडिक होते हैं याद रहेगा क्या बोला मैंने वन टू थ्री बेसिक ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो, तो एसिडिक ये, एस है, ये बेसिक है. फिर हमने क्या किया एन ए टू किया? थ्री के साथ रिएक्शन करवा ली हम जानते हैं Na2CO3 टू थ्री नेचर में कैसा है बेटा बेसिक है क्या बेस बेस को खाएगा नहीं तो एफ टू ओ थ्री के साथ इसने रिएक्शन नहीं करी ये सिर्फ CrO3 थ्री को भगा के ले गया इसको भगा के ले गया बेटा CrO3 को भगा के ले गया और CrO3 को भगा के ले जाने के बाद इसने बना दिया Na2CrO4 which is your yellow solution येलो क्यों क्योंकि क्रोमेट है डाइक्रोमेट नहीं है अब क्रोमेट को डाइक्रोमेट बनाता है तो मीडियम की pH को एसिडिक करना पड़ेगा एसिड ले लिया अब क्रोमेट से डाइक्रोमेट पे पहुंचना है तो पीएच कम करनी पड़ेगी एसिड ले लिया एसिड लिया एन ए टू सी आर टू ओ सेवन हो गया जो येलो सॉल्यूशन था उसमें जैसे ही एसिड मिलाया अब वो ऑरेंज सॉल्यूशन हो गया लेकिन हमें तो के टू सी आर टू ओ सेवन चाहिए एन ए टू सी आर टू ओ सेवन थोड़ी चाहिए तो हमें पोटेशियम आयन ज्यादा चाहिए तो हमने केसीएल मिलाया हमने केसीएल मिलाया अब मेरा सवाल केसीएल मिलाया तो के टू सी आर टू ओ सेवन है वो भी तो सॉल्यूशन की फॉर्म में आ सकता था लेकिन उसके क्रिस्टल्स क्यों आ गए अगर तुमने के मिलाया तो के टू सी आर टू ओ सेवन ऑरेंज सोल्यूशन बन जाता वो क्रिस्टल क्यों बन गए ये पॉइंट है सोल्यूबिलिटी वाला क्योंकि सोल्यूबिलिटी हमें सिखाती है कि केवन इज लेस सोल्यूबल इसकी के कम है बेटा इसकी के क्या है कम है सोल्यूबिलिटी समझ लो या के समझ लो इसकी के कम है और इसकी के ज्यादा है इसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है ये प्रेसिपिटेट जल्दी होता है और हमें यह बात पता थी और हमें यह बात पता थी कि यह महाराज कम सोल्यूबल है कैश भी कम है यह जल्दी प्रेसिपिटेट बनेंगे हमें यह पता था इसीलिए हमने तुरंत कैसीएल मिलाया और हमें इसीलिए वो सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल गया डायरेक्ट याद रहेगा यह डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन हो गई फिर आता है पोटेशियम पर मैंगनेट एम एन ओ फोर देखो जो मैंगनेट आयन होता है वो एम एन ओ फोर टू माइनस होता है अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में ले जाते हो तो वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है सर, क्यों बोल रहे हो? देख ये प्लस छ है ये एम एन ओ फोर माइनस यानी पर मैंगनेट आयन बोलते हैं इसको ये प्लस सेवन है और ये एम एन ओ टू यानी प्लस चार है अब छ वाला ज्यादा में भी चला गया छह वाला कम में भी चला गया तो बताइए डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ या नहीं हुआ तो आंसर है यस सर ये डिस्प्रपोर्शनेट हो गया किस में एसिडिक मीडियम में सवाल आएगा क्या मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है तो आंसर है यस वो एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है मैग्नेट आयन डार्क ग्रीन कलर का होता है और पर आयन डार्क पर्पल या वायलेट कलर का होता है ठीक है हम पर मैग्नेट के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैग्नेट सीख लिया हमने पर मैगनेट एम एन ओ फोर माइनस होता है और इसके आगे के लगा दो तो पोटेशियम पर मैगनेट हो जाएगा पर पहले उससे पहले हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं ठीक है मैग्नेट पर मैगनेट आपस में रिलेटेड है इसलिए हम पढ़ रहे हैं एम एन प्लस सिक्स में है इसमें यानी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये तो पैरा मैग्नेटिक हो गया फिर यहां पर एम एन प्लस सेवन है ना जीरो है ये डाया हो गया बट कैन शो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरा मैग्नेटिज्म वीक पैरा मैग्नेटिज्म टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरा मैग्नेटिज्म कैसा दिखा सकता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक वीक पैरा मैग्नेटिज्म डी जीरो है कलर्ड क्यों होगा आंसर है एल एम सी टी भाई दोनों में कलर के कारण है तो वो दिख रहा है सा उसमें तो आप डी डी ट्रांजिशन भी बोल सकते हो क्योंकि वो वन है तो वहां तो डी डी ट्रांजिशन भी हो सकता है ठीक है उसमें कलर का कारण डीजी ट्रांजिशन भी हो सकता है लेकिन इसमें कलर का कारण डीजी ट्रांजिशन नहीं है लिगेन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है डाया मैग्नेटिक ही बोलना है हमको परेशान नहीं होना है क्योंकि एन ने थोड़ा सा आपके मजे ले लिए थोड़ा सा एक लाइन लिख के बोल गई कि टेम्परेचर बेस्ड वीक पैरामैग्नेटिज्म दिखा सकता है और फिर बोल दिया कि ये आउट ऑफ सिलेबस की बात है तो भाई बोला क्यों पहले तो कहता है डाया मैगनेटिक फिर कह रहा है बट कैन शो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरा मैग्नेटिज्म तो मैंने भी लिख दिया मैं क्या करूं एनसीआर टी गाली देनी उसको दो दे, मुझे मत दो तुमको पूछे तो डाया मैग्नेटिक बोल देना जब तक ऑप्शन में ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरा मैग्नेटिज्म ना हो तब तक डाया मैग्नेटिज्म बोल देना बेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं आ जाओ फिर एम एन ओ फोर टू माइनस एम एन ओ फोर माइनस ये है आपका पर मैग्नेट आयन ये है आपका पर मैग्नेट आयन दो माइनस यानी दो सिंगल दो डबल यहां एक माइनस यानी एक सिंगल तीन डबल यहां सेवन बाई फोर आएगा वहां सिक्स बाई फोर आएगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ छह ही बॉन्ड है ना एक दो तीन चार पांच छह यहां आएगा सेवन सात बॉन्डे सेवन बाई फोर की वैल्यू ज्यादा आती है तो यहां पर सब जगह पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो यहां पर लेंथ कम होगी ठीक है तो एम एन ओ बोंड लेंथ ऑल आर इक्वल इसके अंदर इक्वल है इसके अंदर भी सारी इक्वल है इसकी चारों बराबर है इसकी चारों बराबर है नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड दो इसमें भी है तीन उसमें है ठीक है अब ऑल आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस सारी इसमें भी बराबर है बट शॉर्टर देन एम एन ओ फोर टू माइनस उस मैग्नेट से छोटी होगी चारों बराबर तो हैं आपस में लेकिन ये चारों उन चारों से छोटी होगी कारण है सेवन बाई फोर है ना बेटा सेवन बाई फोर की वैल्यू ज्यादा आएगी सिक्स बाई फोर की वैल्यू कम आएगी यहां पर हर जगह थोड़ा ज्यादा बॉन्ड है तो ज्यादा अट्रैक्शन है तो लेंथ क्या होगी उसकी तुलना में कम होगी तो आपसे पूछा जाए मैग्नेट आयन और पर आयन में एम एन ओ बॉन्ड लेंथ किसकी कम है जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी मैगनेट यस yes. क्योंकि पर में 4 ये सब तो मैं बॉन्ड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है एक बार के लिए नजर मार लो यार क्या जाता है अपना फ्रॉम पायरोलू साइट ओर एम एन ओ टू ओर होता है उसका पहले ऑक्सीडेशन करते हैं चार से छह तक पहुंचा दिया एन ओ थ्री ले लो या के ओ एच प्लस एयर ले लो भाई हमको ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है या तो हम के एन ओ थ्री ले लेते हैं वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रेट आयन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या हम के ओ एच प्लस एयर ले लेते हैं हमें पोटेशियम चाहिए क्योंकि हमें पोटेशियम लगाना है तो पहले हम क्या करेंगे पोटेशियम मैंगनेट बनाएंगे जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है फिर तीन रास्ते हैं हमारे पास यहां से या तो हम उसको एसिडिक मीडियम देके अगेन डिसप्रोपोर्शनेट करवा दे जो हमने सबसे पहले लिखा था ये प्लस सेवन और प्लस चार ये वाली ये वाली स्टेप तो हमको पता ही है ये वाली स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये देखो यही तो सीखा था ये देखो ये रहा मैग्नेट एसिडिक मीडियम डिसप्रोपोर्शनेट यही तो है या ये रहा मैग्नेट मैग्नेट ठीक है मैग्नेट एसिडिक मीडियम डिस्प्रपोर्शिनेट हो गया या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो क्योंकि ऑब्वियस बात है मैं आपको बताता हूं मैग्नीज़ जो है ना मैग्नीज़ तो प्लस चार में ही बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट हो जाता है वापिस सुनना मेरी बात को मैग्नीज़ प्लस चार में ही भयंकर खूंखार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्लस छह में तो हो गई अब इस खूंखार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और कौन ऑक्सीडाइज करे तो ऐसा तो कोई तगड़ा ही होना चाहिए तगड़े कौन कौन होते हैं भाई करंट लगा दो नहीं मान रहा है तो करंट लगाने से ये प्लस सात में आ सकता है या इतना भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाओ जो इसको भी मात दे दे और इसको मात देने वाला कौन है वो है ओजोन ओजोन की औकात है कि वो उस प्लस छ को प्लस सात में ले जा सकता है ये लो तो हल्के पुलकों से तो ये होगा नहीं क्योंकि मैग्नीज प्लस चार में ही चौड़ में आ जाता है कह रहे लाओ किसको ऑक्सीडाइज करना है मैं करूंगा और तुम तो छे को ऑक्सीडाइज करने की बात करो वो तो चार में ही नहीं मान रहा तुम तो छह तक फिर भी जैसे तैसे इसको छह तक पहुंचा चुके हो अब और चाह रहे हो कि छह से सात में जाए क्योंकि मैग्नेट पर मैग्नेट बनाना है तो छह से सात में ले जाने के लिए तो कोई तूफानी पारी खेलने वाला चाहिए हाँ तुमने एसिड मिलाया मानता हूं लेकिन एसिड से तुमने सबको कहा सात में पहुंचा दिया कुछ तो चार में चले गए वो तो उतना इफेक्टिव हुआ ही नहीं ना क्योंकि वो तो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया तो वो तो मजेदार बात है नहीं मजेदार बात तो यही है कि जितने हैं सबके सब साथ में आए तो बेटा अगर नहीं मान रहा है तो करंट लगाओ या फिर कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ तो याद रहेगा बेटा ये वाली चीज ठीक है लेबोरेटरी के अंदर कैसे करते हैं लेबोरेटरी के अंदर किस तरह से बनते हैं? तो कोई भी मैंगनीज प्लस टू का सॉल्ट ले लो ले लिया और परोक्सोडाइज सल्फेट आयन ले लो जो कि एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ठीक है लेबोरेटरी के अंदर लैब के अंदर इस तरह से बनाया जाता है वो इसको कहां पहुंचा देगा प्लस सात में और खुद कहां आ जाएगा जो है ये माइनस दो में चला जाएगा यहां 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 पर 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 ऑक्सीजन 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 जो 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 है 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 वो वो माइनस माइनस में में और आ चुकी ऑक्सीजन तो रिड्यूस हो गई ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है ना यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन खाए होंगे किससे खाए हैं इससे निकाल निकाल के खाए बेटा ये दो वाला है इससे इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के ऑक्सीजन ने खाए ऑक्सीजन -1 से कहां आ चुका है 2 में आ चुका है तो याद रहेगा लेबोरेटरी मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है देख लेना प्लस टू पर ये स्मॉल स्केल पे ही होता है लेबोरेटरी मेथड का मतलब है स्मॉल स्केल से कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह के अंदर रिएक्शन करो तो एक अलग बात है ठीक है भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4 की बात कर लेते हैं थर्मल डीकंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है है ना इनके ये सीधा पूछा जा सकता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनके थर्मल डीकम्पोजिशन सॉलिड में आप इन दोनों को हीट करो जब आप पोटेशियम पर मैंगनेट को हीट करोगे तो वो पोटेशियम मैंगनेट में चेंज होगा और एम एन ओ टू और ओ टू अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो जाहिर सी बात है वहां से ऑक्सीजन भागेगी क्योंकि ऑक्सीजन को लात मारोगे ऑक्सीजन को हटाओगे जब तक ऑक्सीजन साथ में है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी हुई रहती है अगर आपको ऑक्सीजन कम अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कम करनी है तो ऑक्सीजन को कम करो हमने इसको हीट किया हीट किया तो इन्होंने इन दोनों ने कुछ कुछ ऑक्सीजन रिलीज कर दी और जब ऑक्सीजन रिलीज कर दी तो जाहिर सी बात है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को घटाएंगे सात से छह में आया चार में आया तो बदले में ऑक्सीजन दे दी कर ले जाओ यार डीकम्पोजिशन ए टू सी आर टू ओ सेवन का डीकम्पोजिशन होगा अगेन यहां पर भी देखो ऑक्सीजन रही है क्यों? क्योंकि यह भी अपनी ऑक्सीजन स्टेट को घटा रहा है कहा नहीं घटा रहा यहां तो घटा रहा, तो तो रहा है ना नाराज क्यों होता है कहीं एक जगह भी घटाएगा तो भी ऑक्सीजन जाएगी कहीं एक जगह भी घटाएगा तो ऑक्सीजन तो जाएगी सर का हाथ गुलाबी हो गया साढ़े नौ बनेगा ले आना तब याद रखें आगे एज इट इज प्रोडक्ट याद कर लेना भैया कि क्रोमेट में टूटता है पर मैगनेट को हीट करने पर मैग्नेट में टूटता है ठीक में है थीके? और साथ में इन दोनों के ये वाले प्रोडक्ट्स भी याद कर लेना अदरवाइज फंस जाओगे ये तो हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन अब बात आती है

जो कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम कर सकता है यानी कि वो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है उसके पास ऑक्सीडाइज होने का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये आता है प्लस दो में ये आता है प्लस तीन में ये थोड़ा जल्दी आएगा क्योंकि इसको डी फाइव स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बनना है तो क्योंकि ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा तो इससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा तो एम एनओ फोर माइनस जो है वो थोड़ा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है डाइक्रोमेट से

तू सीएल माइनस से इलेक्ट्रॉन छीन ले तो छीन लेगा क्या इस रिलेशन को देखकर मैं ये बोलूं कि यह है ना क्रोमियम प्लस सिक्स सीएल माइनस से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा क्या क्या इसको सीएल टू में बदल सकता है क्या मेरा सवाल यह है आंसर है नहीं क्यों क्योंकि यह ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनफैक्ट ये अगर कोई अगर क्लोरीन तुम ले लो तो ये क्रोमियम प्लस तीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है एनीवेज ये सब ठीक है अभी काम आएगा आगे और इसको वीओ टू प्लस को तुम पीछे एनसीईआरटी का सवाल है ऐसे का ऐसे याद कर लेना बेटा वीओ टू प्लस इनके पीछे होता कभी सवाल आया तो ये एज इट इज ऑर्डर आ जाएगा अब देखो कैसे ऑक्सीडाइज करता है अब एनसीआरटी में बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं नहीं लिखने हमको उसमें ठीक है कुछ नहीं करना ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कैसे करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन कौन एम माइनस कौन है ये एम एन माइनस पहले कौन सा मीडियम लिया एसिडिक लिया हमें पता है कि इसका कलर कैसा होता है डार्क पर्पल या वॉयलेट ठीक है अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या उम्मीद रखते हो ऑक्सीडाइज ही करेगा ना मेरे भाई दो से तीन में कर दिया दो से चार में कर दिया है ना ये यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है ऑक्जेलेट को सीओ टू में बदल दिया ठीक है यहां यहाँ यहां यहां यहाँ एच टू एस को माइनस दो से जीरो में ले आया सीएल माइनस बी आर माइनस आई माइनस सी एल टू बी आर टू आई टू में बदल दिया नाइट राइट को नाइट्रेट में कर दिया सल्फाइट को यानी सल्फर के प्लस चार को प्लस छ में कन्वर्ट कर दिया जब ये सब रिएक्शन करेगा तो खुद भी तो अपना रिडक्शन करेगा अरे भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या होगा रिड्यूस तो ये साथ से कहा आ जाएगा इन सब के केस में प्लस दो कलरलेस अब आपसे सवाल पूछेगा ठीक है कि इनमें से कौन इसमें से कौन पोटेशियम पर को डी कर सकते हैं इनमें से कौन पोटेशियम पर को डी कर सकते हैं आंसर है सारे इधर वाले इधर वाले इधर वाले जो जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वो सब इसको रिड्यूस करेगा यानी कि कलर से कलरलेस बना देगा आपसे सवाल ऐसा पूछेगा कौन कौन डी कर सकते हैं ये सब कर सकते हैं इधर वाले हैं। जितनी रिएक्शन हैं सब कर सकते हैं ये सब इधर वाले है ना ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं ये सब ठीक है बेटा सर डी ब्लॉक खत्म करके क्वेश्चन करवा देना तो बचता तो ही पांच सात दस मिनट का है पंद्रह मिनट का पंद्रह मिनट सबर और कर लेना फिर यहां मीडियम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जैसे ये एसिडिक मीडियम में जो मैंगनीज है वो प्लस दो में जा रहा है लेकिन अगर मीडियम में न्यूट्रल ले लूं या वीक बेसिक ले लूं जिसको फेंटली एल्कलाइन भी बोलते हैं फेंटली एल्कलाइन का मतलब वही वीक बेसिक फेंटली मतलब वीक तो ये सारी रिएक्शंस होंगी एक चेंज के साथ जो जो मैंने लिखा है वो सुन लो देखो बेटा I माइनस से वहां सिर्फ I2 आ रहा था यानी माइनस वन से सिर्फ जीरो तक ही ऑक्सीडाइज हो रहा था लेकिन अगर वीक बेसिक है तो वो माइनस वन से प्लस फाइव तक जाएगा तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना ये कई बार पूछा जा चुका है सवाल मोस्ट फेवरेबल ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट और आ भी चुका है कई बार आ चुका है एक बार फिर से अगर आ जाए तो कोई इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मीडियम एसिडिक हो तो आई माइनस सिर्फ आई टू तक मीडियम बेसिक हो तो माइनस वन से प्लस फाइव यानी आयोडेट तक पहुंच सकता है इसको क्या बोलते हैं बेटा आयोडेट आयन क्या बोलते हैं इसको आयोडेट आयन तक पहुंच सकता है ठीक है इसका खास तो है बाकी तो देख लेना अच्छा ये MnO2 में आता है ठीक है Mn+7 से MnO2 में ही आ पाता है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर ये सिर्फ एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बाकी तो बहुत कॉमन है ना वो सब तो ये तो उधर भी थे एक दो तीन चार वो चार तो उधर भी हैं अब क्रोमियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते हैं वही सेम चीज ये तो कर ही लेगा ये तो कर ही लेगा ठीक है एफ प्लस टू ग्रीन होता है प्लस तीन येलो है तो ग्रीन से येलो कलर चेंज हो जाएगा मुझे बताओ कि इस डाइक्रोमेट को कौन कौन डी कलराइज कर सकता है जैसे मैंने उसके लिए पूछा था तो डाइक्रोमेट को कौन कौन डी कलराइज कर सकता है यस लेफ्ट हैंड साइड वाले छोड़ के सब अबराइज थोड़ी होगा वो तो ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है चप्पल फेंक के मारूंगा डी कलराइज नहीं करेगा पढ़े वापस सवाल वापस बस डी कलराइज का मतलब है कलर उड़ जाना यहाँ कलर कहां से उड़ गया भाई है यहाँ ऑरेंज से ग्रीन हो गया कलर थोड़ी उड़ा है कलर तो अभी भी है यार ऐसे ऐसे क्यों करते हो यार है गलत बात है यार ऐसे नहीं करना चाहिए थोड़ा ध्यान से देखो सवाल पे ध्यान दो सवाल पे ध्यान दो कौन कौन डी कलराइज कर सकता कोई नहीं कर सकता

हाँ, चेंज कर सकते हैं कलर अगर ऐसा शब्द आ जाए तो भले ही आप आंसर कर सकते हो ठीक है अब आप बोलते हो कि सिली मिस ये होती है, सिली मिस्टेक वो तो ले लेगा तुम्हारे मजे फिर क्या करोगे तुम सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है क्या आप कराएंगे अरे भाई परसों कराएंगे अभी आया है क्या लाइक कर फिर तुम पहले लाइक कर तो कराऊंगा सॉल्ट एनालिसिस और वो तो पूरी रात चलेगी क्लास अब देख इसी बात से कि अगर डाइक्रोमेट है तो मैं सीओ टू के साथ रिएक्शन कराऊं ना तो ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखेंगे क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने रिड्यूसिंग एजेंट भी तो होना चाहिए ये बोलेगा कि मैं तो प्लस चार में स्टेबल हूं ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगा कुछ भी नहीं क्या ये ऑरेंज से ग्रीन कर सकता है बिल्कुल नहीं सीओ इसको चेंज ही नहीं कर सकता SO2 जो ऐसा है ना CO2 ना तो TO2 ना तो परमैग्नेट को डीकलराइज कर सकता है क्योंकि वो भी प्लस सात में होगा ये प्लस चार में तो वो दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा CO2 गैस ना तो परमैंगनेट को डीकलराइज कर सकती है ना ही डाइक्रोमेट का कलर बदल सकती है लेकिन SO2 गैस SO2 गैस परमैग्नेट का को डीकलराइज कर सकती है तो हमने पीछे पढ़ा है प्लस 4 से प्लस 6 में चला जाएगा और इसको ऑरेंज से ग्रीन बना सकती है अब कैसे बनाएगी क्योंकि क्रोमियम को प्लस तीन में लाया और सल्फेट चला गया प्लस छह में अब ये दोनों आपस में बना लो ये ऐसा कोई कंपाउंड बनता है जो कि ग्रीन ग्रीन कलर का कंपाउंड होता होता है ये ग्रीन होता है ये क्यों बिकॉज क्रोमियम प्लस थ्रीन कैसा होता है बेटा ग्रीन होता है तो ग्रीन कलर में आ गया ये कंपाउंड बन गया अगर आप बेसिक मीडियम ले लो तो वही सेम चीज ऑरेंज से येलो हो जाएगा पूछो कैसे क्योंकि बेसिक मीडियम लिया ना बेटा पीएच बढ़ाओगे पीएच बढ़ाओगे तो डाई क्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा याद है अगर मीडियम बेसिक होगा तो डाई क्रोमेट से क्रोमेट में आ जाएगा कुछ नहीं है कलर ही बदल जाएगा वो ऑरेंज येलो हो जाएगा बेसिक मीडियम ले लिया ना बेस ले लिया बेस ले लिया तो पीएच बढ़ जाएगी पीएच बढ़ जाएगी तो क्रोमेट में आ जाएगा बोल रहे हैं बार बार लाइक करने को तो क्योंकि बेटा मुझे और जगहों पे नहीं मुझे तो मेरी पढ़ाई में ही लाइक चाहिए और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए अगर मैं चीज मांग भी लू तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना तो वैसे भी आप मुझे बाकी सब चीजों जगह पे कमी देखते होंगे मेरा वास्ता थोड़ा पढ़ाई से ही ज्यादा है आ जाइए खैर कोई बात नहीं ये सब चीजें मायने नहीं रखती नोट सीओ टू कैन नॉट डी है ना अब इसमें क्या है कि डी का मतलब है के मेनो फोर है अब ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो डीकलराइज के हिसाब से तो ये इसके लिए गलत हो गया किसके लिए गलत हो गया इसके लिए इसका कलर नहीं बदल सकता तो कैमेनो फोर को डी कलराइज नहीं कर सकता और उसका कलर भी नहीं बदल सकता ओके बेटा चले आगे सवाल हैं जो एनसीआर से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो करने पड़ेंगे हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं उन सवालों को सोल्व ही लेके आ गया हूं कोई बात नहीं कोई बात नहीं नहीं कैन नॉट बी बाय हम जानते हैं कर सकता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सल्फर प्लस चार से प्लस छ में जा सकता है फेरस अमोनियम सल्फेट का मतलब होता है फेरस फेरस मतलब प्लस दो प्लस दो वाला प्लस तीन में जा सकता है मतलब ये भी काम कर देगा खराब HCl मतलब Cl- Cl- अगर Cl2 में जा सकता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है एक मात्र कार्बन है जो प्लस चार में बैठा है CO2 में ये चेंज नहीं कर सकता तो आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यू मान के चलो इसको तो याद ही करके चल जाना ये CO2 SO2 से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे ठीक है बेटा तो ये तीनों जो हैं परस मतलब +2 हो गया +2 वाला तो कर सकता है सेम सवाल ये एनसीईआरटी का सवाल था और यही सवाल देखो अब देखो बेसिक में देखो MnO4 2- टू माइनस यानी कि यह हो गया आपका मैग्नेट और ये हो गया आपका पर मैगनेट ये कह रहा है कि मैग्नेट से पर लाने के लिए हमें OH को रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज अगर हम OH- माइनस हटाएंगे तो मीडियम एसिडिक बना रहेगा क्योंकि अगर मीडियम बेसिक हुआ तो वो वापस से कहां चला जाता है मैग्नेट में मीडियम अगर बेसिक हुआ तो वो मैग्नेट में चला जाता है अगर नहीं लिखा हुआ है, तो उसको लिख देना बेटा नहीं लिखा हुआ है तो लिख देना मैग्नेट आयन के बारे में अगर ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है तो लिख देना ये वाला है ना ये मैग्नेट आयन है ये क्या होता है स्टेबल इन बेसिक मीडियम तो हम क्या करते हैं कि इसको इधर लाने के लिए मीडियम को एसिडिक करते हैं अब अगर इधर ओ एच माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो मीडियम वापस बेसिक हो जाएगा तो ये फिर से इधर चला जाएगा तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है रिएक्शन में से ओ एच माइनस को हटाना पड़ता है रिएक्शन में से क्या करना पड़ता है ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है कि ध्यान दे लो मैं सीधे सीधे सवाल रिफ्लेक्ट होंगे कहते ना कि डी एंड एफ ब्लॉक से अगर अच्छे सवाल आ सकते हैं तो वो ये है। अच्छे सवाल आ सकते हैं तो हमें ओ एच माइनस को हटाना पड़ेगा ओ एच माइनस को हटाऊंगा तो मीडियम बेसिक नहीं रहेगा और मीडियम जब बेसिक नहीं रहेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी मुझे अगर इसका परसेंटेज बढ़ाना है तो इस ओएच OH को हटाना पड़ेगा और इस ओएच OH को हटाने के लिए कोई मीडियम को एसिडिक करना पड़ेगा है ना इस ओएच OH को हटाने के लिए एसिडिक मीडियम करना पड़ेगा OH एसिडिक मीडियम करूंगा तभी तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो पाएगी तो एसिड कौन सा यूज करें क्या मैं एच से कर सकता हूं KOH को तो पहले ही काट दो कि भाई तू तो क्या काम का हम तो ओ OH एच से ही परेशान है तू ही आ जाएगा क्या तो इसको तो वैसे ही हटा दो अब देखो ये भी एसिडिक ये ये भी acidic, ये भी एसिडिक एसिडिक लेकिन हम फिर भी सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं सीओ टू का रीजन हमें मीडियम को तो एसिडिक करना है लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ऐसा कोई सीओ टू एसिडिक होती है मीडियम तो हमें कोई ऐसा एजेंट चाहिए जो जाकर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ छेड़खानी ना करे तो CO2 जो है वो एसिडिक भी है और क्योंकि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ छेड़खानी भी नहीं करेगा अब तुम यहां पे अगर HCl लेते हो तो जैसे ही Cl- को देखेगा MnO4- उसको Cl2 में बदल देगा तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई हमें तो MnO4- चाहिए ये Cl- को देखते ही लपक पड़ेगा सल्फर को प्लस चार में देखते ही ये भाई साहब इस पे लपक पड़ेंगे तो ये मीडियम को एसिडिक ही नहीं कर पाएंगे जाएंगे कर भी देंगे तो इस प्रोडक्ट को ही खराब कर देंगे फिर क्या मतलब है? हम तो ले ही नहीं सकते था तो हमें सीओ टू ही लेना पड़ेगा हमें क्या लेना पड़ेगा सीओ टू ही लेना पड़ेगा चलो सवाल समझ आ रहे है? ऐसे वाले ये सेम सवाल ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला और यही सेम सवाल नीट यूजी 2013 में आ गया एज इट इज कोई ऑप्शन चेंज नहीं किया ये देख लो आंसर वही है मैंने जानबूझ के रखा हुआ है रिपीटेड यही है सवाल आ जाओ एक और बढ़िया सवाल करते हैं और टाइट्रेशन ऑफ कैमेनो फोर विथ एफ एस वापिस सुन लो एफ ए एस इज योर फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर्स सॉल्ट मोहर सॉल्ट होता है आपकी आपके प्रैक्टिकल में भी है प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट तो प्रिपरेशन ऑफ मोहर सोल्ट आपको कौन पढ़ाएगा फिजिकल वाले सर पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे प्रिपरेशन कैसे होती है तो ये जो टाइट्रेशन होती है ये एसिडिक एसिडिक मीडियम मीडियम में होती है और को करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं तो आंसर है सिर्फ डाइल्यूट एच टू एसओ फोर इन ऑप्शन में से वो सुनो क्यों क्योंकि तुमने अगर मीडियम को एसिडिक करने के लिए एच सी और एच यूज किया तो जैसे ही केम इनको देखेगा सीएल टू में बदल देगा बी आर माइनस को बी आर टू में बदल देगा और आई माइनस को आई टू में बदल देगा अब जब ये बदल देगा तो तुम्हारी टाइट्रेशन कहाँ हो गई ये भाई साहब तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल देंगे प्रोडक्ट खराब माहौल खराब मूड खराब हटाओ इनको नहीं ले सकते ये नाइट्रेट तुम बोलोगे यस नाइट्रेट में सर ये प्लस पांच में है और वो प्लस सात में है ये आपस में कुछ नहीं कर सकते अरे तो ये आपस में कुछ नहीं कर सकते तो क्या हुआ इनके साथ आयरन भी तो है फेरस अमोनियम सल्फेट तुम चाहते हो कि जो कुछ करे ये दोनों करे तुमने इन दोनों की शादी कराई है ठीक है तुमको इन दोनों के रिश्ते नाते बनाने जो भी लेना देना होगा वो इनके बीच में होना चाहिए कोई तीसरा आदमी आके लेनी देनी नहीं करना चाहिए लेकिन ये ये वो तीन हैं जो इसके साथ जाके लेनी देनी करते खराब कर दिया ये बेचारा मुंह देखता रह गया और नाइट्रेट इसके साथ कुछ नहीं कर सकता माना लेकिन इसको जाके छेड़ गया कैसे आयरन प्लस टू को बोला आजा मैं तेरे को ऑक्सीडाइज करता हूं उसको प्लस में पहुंचा दिया ये काम किसका था इसका था अब इधर वो मुंह देखने लग गया अगर तुम नाइट्रेट लेते हो तो वो देख रहा। अगर तुम एच बी आर एच सी एल एच आई लेते हो तो ये मुंह देख रहा वो निपटा रहे और अगर तुम नाइट्रेट लेते हो तो ये ये बेचारा मुंह देख रहा है ये आपस में निपट रहे फेरस अमोनियम सल्फेट और ये निपट रहे तो खेल खराब हो रहा बेटा इसको बोला है वही करेगा ना अपना अपना करो ठीक है फिर तुमने डाइल्यूट डायलूटे ले लिया चलो अभी हम बोलते हैं कि ऐसा क्या होता है कंसंट्रेटैच टू एसो फोर क्यों नहीं ले सकते ये देखते हैं मीडियम को क्वालिडी देखो ये अच्छी बात है ये अच्छी बात है कि ये प्लस छह में है इसको भी नहीं छेड़ेगा क्योंकि वो भी अपनी हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इसको भी नहीं छेड़ेगा ये तो अच्छी बात है कि नहीं छेड़ा तो तुम खुश हुए तुम खुश होगा करो कंसनट्रेट एच टू दोनों से बात नहीं कर रहा दोनों से बात नहीं कर रहा बोले तुम खुश हो गए बोले तो प्लस मिला कि खाएगा तो इसने कहा दे दे यार पोटेशियम के साथ बहुत टाइम हो गया है हटाना इसको तो क्या बनेगा एच एम एन ओ फोर बनेगा क्या बनेगा एच एम एन ओ फोर जिसको बोलते हैं पर मैग्निक एसिड क्या बोलते हैं बेटा उसको परमैग्निक एसिड तो वो क्या करता है पोटेशियम को हटा के एच प्लस चिपका लेता है अब परमैग्निक एसिड जो होता है ना पर एसिड परमैग्निक एसिड दो मोल परमैग्निक एसिड के दो मोल अब हुआ क्या सुनो तुमने कंसेंट्रेट एच टू एस ओ फोर मिलाया लेकिन तुम ये भूल गए कि सब कुछ बढ़िया कर रहा है एच प्लस दे रहा है मीडियम को एसिडिक कर दिया सब बढ़िया हो गया तुम खुश हो रहे हो लेकिन तुम भूल गए कि कंसेंट्रेट एच जो है ना उसको पानी बिल्कुल नहीं पसंद वो कहीं पे भी पानी देखता है ना सुखा देता है उसका काम ही एक है सुखा के रख दूंगा क्या बोलता है सुखा के रख दूंगा जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज फ्रक्टोज जो शुगर्स होती हैं उनके साथ जब कंसेंट अटैच टू एस ऑफोर मिला जाता है तो वो सारा एच और ओ निकाल लेता है क्योंकि पानी किससे बनता है एच और ओ से बनता है तो उन सारी स्ट्रक्चर में से एच वो बना बना के बना बना के बना बना के निकालता रहता है और उसको लास्ट में एक ब्लैक कार्बन का टार बना देता है जिसको बोलते हैं चैरिंग ऑफ क्या बोलते हैं सुगरिंग एक्शन चेयरिंग कर रही मतलब उसको सिर्फ कार्बन का ब्लैक टार आपने ये खूब सारे वीडियो देखे होंगे कि चीनी के अंदर कंसनट्रेटोफोर मिलाते हैं तो पहले वो भूरा होता है फिर वो लास्ट में एक ब्लैक टार बन जाता है वो सिर्फ कार्बन होता है प्योर कार्बन तो इसकी आदत खराब है इसकी आदत तुमको पता नहीं थी तुमने कंसेंट्रेट एच टू सो मिला है इसकी आदत है पानी निकालूंगा। कौन है कहा, है, कहा है। भी इसको दिखता है, ये सुखा देता है तो यहां पर भी इसको नजर आया क्या कह रहा हाइड्रोजन कह कह रहा रहा ऑक्सीजन कह हाँ, कह रहा आ अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मैं पानी निकाल देता हूं क्या बोलता है कि जहां पे भी मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखते हैं मैं तो सुखा देता हूँ तो इसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर दिया अगर यहां से H2O निकल जाएगा तो खुद जोड़ के देख लो मैंगनीज तो दो रहेंगे ठीक है दो हाइड्रोजन गए ऑक्सीजन जो वो आठ की जगह सात रह जाएंगे क्योंकि अरे भाई ये आगे दो लगा हुआ है ना तो इन सबको डबल डबल समझ लो, कि ये क्या हो गया एच टू एम एन टू ओ एट ऐसे समझ लो एच टू एम एन टू ओ एट ऐसे समझ लो अब एच टू निकाल दो माइनस तो लास्ट में बचेगा एम एन टू सेवन लास्ट में क्या बचेगा एम एन टू सेवन और एक होगा जोरदार धमाका टेस्ट ट्यूब में बम कह रहा क्या हुआ कह रहा कह रहा क्या फूटा फूटी अरे कैसे फूटी कह रहा किसी ने कंसंट्रेट एच टू फोर मिला दिया था मीडियम को एसिडिक करने के लिए कह रहा अच्छा तो बोले शुरू में तो बहुत बढ़िया दिख रहा है कह रहा मीडियम एसिडिक हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया और थोड़ी देर में बॉम्ब ये क्या हुआ कह रहे कि उसने बोला था ना कि मेरे को गीला पसंद नहीं है इसने गीला किया रे यहाँ पे मैं पानी निकाल के खा जाएगा एच टू एस ओ फोर ने अपना दूसरा रूप जब दिखाया तो एम एन टू ओ सेवन ऑयली ग्रीन कोवेलेंट कंपाउंड होता है बेटा ये और एक्सप्लोजिव होता है इसीलिए कंसनट्रेट एच टू एस ओ फोर भी यूज नहीं कर सकते तो सिर्फ क्या बोल सकते हैं हम डाइल्यूट एच टू एसओ फोर एच टू एसओ फोर बेचारा जाके सिर्फ एच प्लस देगा क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता ही नहीं है कंसेंट्रेट एच टू एसओ फोर जो होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है डाइल्यूट ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं रखता सर मेरी टेस्ट ट्यूब फूट गई ओ बोरोसिल की नहीं थी क्या तेरी टेस्ट ट्यूब कंपनी की कंपनी की टेस्ट ट्यूब नहीं फूटती फिर सर ये सवाल आया तो इसका आंसर एक ही है कि KMnO4 की ऑक्सेलिक एसिड सो ये सोडियम ऑक्सेलेट बोलते हैं इसको KMnO4 की सोडियम ऑक्सेलेट के साथ जो टाइट्रेशन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है और वो स्टार्टिंग में स्लो होती है और बाद में खतरनाक तरीके से होना शुरू हो जाती है तो होता क्या है कि जब मीडियम एसिडिक होता है तो MNO4, MN में आता है भाई से सीओ टू पढ़ा हुआ है ये रिएक्शन पीछे देख लेना वो ऐसे ऐसे में ऐसे में इधर है सी टू ओ फोर टू माइनस और सीओ टू ऐसे देख लेना ठीक है ऐसा है रिएक्शन में करवा रखा है तो ये रिएक्शन तो हमने कर ली लेकिन प्रॉब्लम है कि ये बाद में क्यों इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है तो कारण है कि इसके अंदर जो एम एन प्लस टू बनता है वो ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है बस इतना ही ऑटो ऑटोकेटलिस्ट का ध्यान रखना है आपको ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है बस ये सवाल और किसी तरीके से नहीं पूछा जा सकता वो इसी तरीके से पूछा जाएगा अगला है ई नोट सेल ऑफ रिएक्शन ऑफ के एन ओ फोर विद एच टू इज पॉजिटिव एवं के एन ओ फोर कैन बी यूज एज एनालिटिकल रिजेंट विद एच टू ओ हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट कह रहा, रहा है कि KMnO4 पानी को निपटा सकता है कह रहा जैसे फ्लोरीन पानी को निपटा सकता है ना बेटा HF था और फिर ऑक्सीजन रिलीज कर दी थी याद है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये काम ये काम KMnO4 भी कर सकता है कह के रहा है KMnO4 KMnO4 और पानी की रिएक्शन का E नोट सेल पॉजिटिव होता है यानी कि KMnO4 ऑक्सिडाइज कर सकता है H2O को फिर भी हम इसको पानी के साथ एनालिटिकल रिएजेंट यूज कर लेते हैं यानी कि मीडियम को एक्वस रख के फिर भी यूज कर लेते हैं तो सवाल है क्यों कैसे कैसे कर लिया आपने ये काम फिर तो रीजन है कि जब तक ये आपस में एक दूसरे को निपटाएंगे तब तक तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन काइनेटिकली वेरी स्लो है थर्मोडाइनेमिक्स ये कहती है कि यस KMnO4 एनो फोर कैन ऑक्सीडाइज वॉटर ये थर्मोडाइनेमिक्स कहती है लेकिन थर्मोडाइनमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करती कि कितने टाइम में ये ऑक्सीडाइज करेगा और हमको रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है काइनेटिकली जो काइनेटिक्स है वो ये कहती है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है आप पानी को इसके साथ यूज कर सकते हो इनके बीच में जब कुछ होने लगेगा उससे पहले तुम कुछ करके निकल जाओगे ठीक है भाई आ जाओ आगे ये ड्रंकन रिवन टेस्ट है ना जब आप लिटिल लिटिल लेकर गाड़ी चला रहे होते हैं और जब गाड़ी चला रहे होते हैं और जो पुलिस वाले अंकल आते हैं वो क्या करते हैं एक डिवाइस जो होती है उनकी जिसके अंदर फूंक मारना होता है हमको बेसिकली वो हमारे मुंह में घुसेड़ देते हैं कह रहे किले भाई फूंक मार ले रबावड़े इसमें फूक मारते के अगर तुमने लिटिल लिटिल लिया होता है तो लिटिल लिटिल के अंदर ऑब्वियस सी बात है इथाइल एल्कोहल होता है बेटा है ना थाइल एल्कोहल होता है और जो वो एपरेटस यूज करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है पोटेशियम अपना डाइक्रोमेट भरा होता है क्या होता है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट भरा होता है तो जब तुम फूक मारते हो तो तुम्हारी सांसों के साथ लिटिल लिटिल जाती है है ना तुम्हारी सांसों के साथ क्या जाता है लिटिल लिटिल जाता है जब ये लिटिल लिटिल जाएगा और उस डिवाइस में बैठा हुआ डाइक्रोमेट जो है उस डाइक्रोमेट का कलर तुमको भी पता है कि ऑरेंज होगा और जैसे ही वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाए तो समझ जाओ तुम्हारी फूक में से लिटिल लिटिल आए और जब तुम्हारी फूक में से लिटिल लिटिल आएगा तो ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा और जब वो हरा हो गया तो समझो फिर लाल हो गई हाँ समझदार हो ना क्योंकि वो एस्पिटिक एसिड में चेंज हो जाता है एल्कोहल जो है वो किस में चेंज हो जाता है बेटा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑरेंज से ग्रीन में आ जाएगा तो समझ जाओ कि तुम्हारा कटने वाला है बेटा चालान ठीक है तो इसीलिए ध्यान रखें शराब पीकर वाहन ना चलाएं एक्चुअली शराब पिए ही ना ठीक है भाई शराब ही क्यों पीनी है वाहन चलाने की बात तो दूर की बात है शराब ही नहीं पीनी अपने एक पॉइंट जो एनसीआर के अंदर दिया हुआ है मुझे लगता है कि वो जरूर पढ़ना चाहिए हमें कि जो हेलो हैलोजन होते हैं और जो ऑक्सीजन मतलब जो फ्लोरीन बेसिकली हेलोजन भी नहीं फ्लोरीन और ऑक्सीजन होते हैं वो किसी की भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करता है सामने वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर लेता है तो सामने वाला पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब है जब भी ये जुड़ते हैं तो सामने वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो किसी की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने में माहिर है अब आप बोलोगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है तो वो तो और ज्यादा आना चाहिए इस मामले में लेकिन नहीं फ्लोरीन मात खा जाता है एक जगह क्योंकि फ्लोरीन को दो बॉन्ड बनाना नहीं आता न कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स फ्लोरिन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है अब इसीलिए ऑक्सीजन उस रेस में भले ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्री पॉइंट फाइव है पॉइंट फाइव कम है फ्लोरिन से लेकिन आपसे पूछा जाए इन जनरल वापिस सुनो इन जनरल पूछा जाए तो क्या बोलोगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लोक एलिमेंट्स एग्जिस्ट विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन पहले तो इन जनरल बोल रहे हैं कि भैया फ्लोरीन ऑक्सीजन बढ़िया काम कर सकते हैं सब कह रहे बढ़िया 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 भाई बहुत बहुत कि फिर जब फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा कारगर होना चाहिए था तो रीजन है ऑक्सीजन इज एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल एंड प्रिवेंट स्टेरिक हिंड्रेंस अब सुनो एक ऑक्सीजन जुड़ के अगले पे प्लस दो चढ़ाता है वापस सुनना बेटा एक ऑक्सीजन जुड़कर सामने वाले पे प्लस दो चढ़ा सकता है जबकि वही प्लस दो चढ़ाने के लिए फ्लोरीन कितने जुड़ने पड़ेंगे दो अब आप सोचो प्लस दो चढ़ाने के लिए दो फ्लोरीन का जुड़ना है और एक ऑक्सीजन कह रहा है कि मैं तो अकेला ही प्लस दो चढ़ा दूंगा अब मान लो मुझे किसी पे प्लस सेवन चढ़ाना है तो मेरे को सात फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे क्योंकि तो वो तो एक ही एक ही एक एक प्लस वन चढ़ाता है तो प्लस मुझे सात फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे लेकिन मुझे ऑक्सीजन साथ की जरूरत थोड़ी है मैं तीन ऑक्सीजन लगा लूंगा एक फ्लोरीन लगा दूंगा हो गया मेरा काम तीन ऑक्सीजन लगा के प्लस छ बना दूंगा और एक फ्लोरीन लगा दूंगा साथ में तो साथ हो गया अब पहले वाले केस में मैंने सात सराउंडिंग एटम लिए स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया दूसरे वाले केस में मैंने तीन ऑक्सीजन लिए एक फ्लोरीन लिया सिर्फ चार एटम ऑक्सीजन तो तो क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है इसीलिए ये फ्लोरीन फ्लोरीन से भी आगे आ जाता है है को बोलता है कि तू तू रहने दे यार तू भले ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा लेकिन मेरी तरह पाई नहीं बना सकता मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता यही कारण है कि एम एन एफ फाइव एम एन सिक्स एम एन एफ सेवन एग्जिस्ट नहीं करते रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस लास्ट सिंपल फ्लोराइड ऑफ एम एन इज एम एन एफ फोर एम एन एफ टू एग्जिस्ट कर जाएगा एम एन एफ थ्री एग्जिस्ट कर जाएगा एम एन एफ फोर एग्जिस्ट कर जाएगा ये एग्जिस्ट करेगा ये एग्जिस्ट एग्जिस सिंपल हेलाइट की बात करो तो एम एन एफ फोर तक चार फ्लोरिन तक झेल लेता है ये लेकिन मैग्नीज पांच छह सात नहीं झेलेगा क्योंकि आ जा जाएगा तो इसीलिए ये क्या करता है ये ऑक्सीजन के साथ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता है ये देखो. ये ये देखो देखो वो मैं कह रहा था फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन से आ जाएगा ऑक्सीजन तीन एक फ्लोरीन कर लो तो स्टेरिक हिंडरेंस तो कम हो गया चार ही आइटम होंगे ये देखो यहां पर ये देखो यहां पर ये देखो यहां पर ये देखो यहां पर ये दो के साथ सात है तीन के साथ चार है ये चार है ऑक्सीजन जो है वो कम जुड़कर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है ये रहा वो सवाल एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल एक्सप्लेन इट्स सुपीरियोरिटी इन द कोवेलेंट ऑक्साइड एम एन टू ओ सेवन ठीक है ये हमने पढ़ ही लिया है ये सब है ना एम एन टू ओ सेवन हमने पढ़ लिया था ग्रीन ऑयली है ना ग्रीन ऑयली कोवेलेंट एक्सप्लोजिव जब कंसनट्रेट एच टू फोर मिलाया था तो ऐसा बन गया था ना ये रहा वो कंपाउंड ठीक है भाई ये सब टेट्राहाइड्रल होते हैं ऐसा लिखा हुआ है तो इतना कुछ पूछेगा नहीं ठीक है सब टेट्राहाइड्रल होते हैं ऐसा भी कुछ खास नहीं है इसमें ऐसे ही बता दिया होगा मैंने ठीक है पढ़ सकते हो ये रहा मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑक्साइड ऑक्साइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इंक्रीजेस जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अगर प्लस बढ़ेगा केटायन पे केटन पे प्लस बढ़ेगा तो बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फाइव फाइव जेड इफेक्टिव बढ़ेगा फाइव बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा पता है ना बेटा यही लिखा हुआ है जैसे-जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है आयनिक नेचर कम होता है कोवेलेंट नेचर बढ़ता है ऑक्साइड्स के अंदर डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स के अंदर आपसे पूछा जाए कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट और ये तो हम कर चुके हैं ना पीरियोडिक टेबल में तो कर ही चुके हैं ये चीज है ना और लो है। उसका कारण है ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं फजान रूल याद करो यहां पे तुम फजान रूल सोचो अपने आप समझ आ जाएगा

सर ये याद नहीं रहता अरे तो सिंपल है भाई इसकी रिएक्शन तू एसिड के साथ कराएगा है ना मान ले इसकी रिएक्शन तू एसिड के साथ कराएगा तो एसिड क्या देगा एसिड क्या देगा एसिड क्या देगा एच प्लस देगा तो ऐसे समझ कि अगर वो एच प्लस दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं ओ एच माइनस दे देगा मीडियम में ठीक है तो इसके अगर ये माइनस देगा तो इस पर प्लस आएगा तो एसिड के साथ ये प्लस बनेगा देख ये देख क्या लिखा हुआ हाँ ये देख ये रहा तो गिव्स वीओ फोर थ्री माइनस अच्छा एक चीज जो मेरे को बतानी है इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो है एनसीआरटी में ये वी ओ फोर प्लस लिखा हुआ है बेटा एन सी आर के अंदर ये वी ओ फोर प्लस लिखा हुआ है इस हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइन होती है जो कि गलत है इस ध्यान रख लेना प्रिंटिंग एरर है एनसीआर में वी ओ टू प्लस कर देना उसको उसको वी ओ टू प्लस कर देना दो जगह लिखा हुआ है एक जगह सही है ठीक है इसको वीओ टू प्लस कर देना ठीक है भाई एक बार पानी पी लेता हूं मैं नोट करो यार दस मिनट एक दस मिनट तो ज़्यादा बोल दिया दो मिनट है ना दो मिनट है गला दर्द कर रहा है इसलिए बैठा हूँ मैं तेजस शर्मा सर ये वीटू ओ फाइव की रिएक्शन याद नहीं होती याद क्या करना है मतलब थोड़ा सा मैं समझा भी रहा था मैं भूल गया वापस समझा देता हूँ दिमाग लगाओ वी टू ओ फाइव अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस से क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या देगा वो ओ एच माइनस देगा ठीक है अब वो जब ओ एच माइनस देगा तो ऐसे समझो कि मीडियम के अंदर एच प्लस देगा अगर मीडियम होगा तो ऐसे समझ लो कि सामने वाला अगर OH दे रहा है अगर यह रिएक्शन बेस के साथ करता है तो बेस तो ओ एच माइनस देगा बेस ओ एच माइनस देगा तो ऐसे समझ लो ये H देगा और अगर ये एच प्लस देगा तो एच प्लस निकलने के बाद पीछे माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा एच प्लस देने के बाद पीछे माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा तो याद रखो कि यह एम्फोटेरिक है ये क्या है बेटा एम्फोटेरिक है जब सामने बेस होता है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ऐसे दिमाग में लाओ कि एसिड कौन होते हैं जो H देते हैं और जो प्लस देते हैं वो माइनस बनते हैं तो जब सामने बेस होगा तो ये माइनस बनेगा ये देखो और जब सामने एसिड होगा तो ये बोलेगा मैं बेस हूं क्योंकि एम्फोटेरिक है ना जब सामने एसिड होगा तो ये बोलेगा मैं बेस हूं और बेस क्या होते हैं तो माइनस देते हैं ओ एच OH माइनस देते हैं अब माइनस देंगे तो खुद क्या बनेंगे प्लस बनेंगे समझ लो मतलब याद रह जाएगा इससे मेरे ख्याल से कैसे भी सोच लो कैसे सोचोगे वी टू ओ फाइव बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेगा एम्फोटेरिक वही होता है कि सामने बेस तो एसिड सामने एसिड तो कहता मैं बेस तो जब सामने एसिड आएगा तो वो बोलेगा मैं बेस बेस जो माइनस देता है ओएच OH माइनस देता है जो तो माइनस देता है वो प्लस बनता है तो फिर वीओ वी टू प्लस लिख देना वो बेस के साथ रिएक्शन हो जाएगी सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन हो जाएगी ठीक है अब खुद करके देख लेना हो जाएगा वहां जब सवाल आएगा तो समझ लेना जो मैंने तरीका बताया उससे गलत नहीं होगा ठीक है अब तो समझ आ जाएगा तेजस चलो भाई तो ये था हमारा आ, डी ब्लॉक तो अब हम एफ ब्लॉक शुरू करते हैं नई वाली पिपडी लगा के इसको सेव कर लेते हैं हम नई वाली पिपडी लगा के आ जो भाई एफ ब्लॉक शुरू करते हैं फिर सवाल करते हैं। यस। सबको पता है एक लेंथेनोइड एक एक्टिनोइड है ना लेंथेनोइड में इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फोर एफ सबशेल में भरते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फाइव एफ सब्शेल में भरते हैं जो मेजर डिफरेंस है वो पहले ही पहले ही जान लो Osionfish. ये 58 टू 71 ये 92 टू 103 इनकी एक खास बात है कि लेंथेनम इसमें ऐड किया जाता है इसमें क्या होता है बेटा लेंथेनम को ऐड किया जाता है लेंथेनम को लेंथेनम क्या होता है लेंथेनम प्लस इसमें क्या होता है लेंथेनम प्लस इसमें साथ में क्या होता है बेटा लेंथेनम साथ में ऐड किया जाता है इसमें लेंथेनम को भी ऐड किया जाता है लेंथेनम एंड कर दो इसको लेंथेनम एंड और इनको कॉमनली बोला जाता है एल एन क्या बोला जाता है इनको एल एन तो लेंथेनम प्लस ऐसे बोला जाता है का है बट इनके साथ स्टडी किया जाता है lengthenum जो है, वो डीब्लॉक का है है ना बट ये इनके साथ स्टडी किया जाता है ब्लॉक एलिमेंट है पर पढ़ा इनके साथ ही जाता है सिमिलरली यहां पर भी ऐसा है एक्टिनोइड्स प्लस एक्टिनम ठीक है ये है तो ब्लॉक का लेकिन इनके साथ ऐड किया जाएगा थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है तो तुमसे पूछा जाए कि एक्टिनोइड्स कितने होते हैं तो फोर्टीन ही होते हैं और यह भी लेंथ भी फोर्टीन ही होते हैं बस ये दो को इनके साथ पढ़ा जाता है प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है इनके साथ बाकी ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर ये सब मेरे ख्याल से पता है एटॉमिक नंबर भी आपको पता ही है ठीक है फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एफ ब्लॉक का लेंथेनोइड प्लस एक्टिनॉइड्स दोनों के लिए बात करी है हमने तो n-2 f0 टू 14 n-1 d0 या 1 ns2 जहां 0 होगा वो नॉर्मल है 0 होना नॉर्मल है 1 होते ही एक्सेप्शनल हो जाएगा एक केस होता है जिसमें 2 भी होता है जैसे पेलेडियम भी एक यूनिक केस था थोरियम भी एक अलग केस है थोरियम जो पहला 90 नंबर का है वो d2 होता है वैसे तो d2 होता ही नहीं है ये कभी पर एकमात्र एलिमेंट जिसमें d2 होता है और वो है थोरियम ठीक है वैसे तो ये होना क्या चाहिए बेटा जीरो हमेशा जीरो जीरो इज नॉर्मल वन इज एक्सेप्शनल एंड टू इज आल्सो एक्सेप्शनल बट टू केवल एक ही केस में थोरियम 90 नंबर थोरियम पहला एक्टिनोइड 90 नंबर थोरियम पहला एक्टिनोइड ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो गया ठीक है भाई आप चाहो तो ये आपके सामने ये रहा का कॉन्फ़िगरेशन ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने पीरियोडिक टेबल में सब कुछ लिखने का तरीका भी बताया था सर क्या सवाल आएगा सवाल यही आएगा कि वो डी वन वाले कौन हैं तो ये है सिनेमा गदर लुट गई सिनेमा गदर लुट गई ठीक है बेटा याद रह जाएगा फिफ्टी एट सिक्सटी फोर वन सिनेमा गदर लुट गई याद रह जाएगा इनमें डी वन होता है रहे स्टार लगे हुए तो इसके अंदर एक्सेप्शनल हो गए सिनेमा गदर गुट गई ठीक है भाई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों याद रखना गेडोलिनियम इंपॉर्टेंट है एफ ब्लॉक की size की साइज अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगी क्योंकि लगातार एफ में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हो और एफ में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो शिल्डिंग क्या होगी पुअर शिल्डिंग पुअर तो जेड इफेक्टिव ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा तो कॉन्ट्रेक्शन इन साइज विच इज नॉन एज लेंट्रेक्शन तो यानी कि यहां पर लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से लगातार साइज डिक्रीज हो रही है बस एक चीज का ध्यान रखना यूरोपियम को आगे ले आना यूरोपियम जो है वो आगे रहेगा यूरोपियम की साइज जो है वो क्या होगी बेटा आगे रहेगी यूरोपियम जो है वो अगर आप चाहो तो यूरोपियम को यहां लाकर यूरोपियम लेंथेनम से भी बड़ा हो जाएगा लेंथेनम से भी बड़ा हो जाएगा ठीक है बेटा ये पूरी साइज का ऑर्डर बन गया पर अगर एक को छोड़ दो तो बाकी सब में लगातार डिक्रीज है और उसका कारण है लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन अगर आप इनके प्लस तीन की साइज देखो तो वो ज्यादा बढ़िया चलती है क्योंकि यूरोपियम वाला एक्सेप्शन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है लगातार साइज क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है तो आपसे पूछा जाए कि इनमें डिक्रीज होने का कारण प्लस तीन में तो वो भी कारण वही है इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्लस तीन वालों में भी वैलिड है और जीरो वालों में भी वैलिड है तो एम एंड एम प्लस थ्री दोनों के अंदर साइज डिक्रीज होने का कारण बोलो क्या कारण बोलो क्या बेटा कारण बोलो साइज का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। कारण है लेंथनोइड कॉन्ट्रेक्शन भाई फिर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी लेंथेनोइड्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताए थे वो ये रहे कि पहली आयोनाइशन एनर्जी 600 और दूसरी 1200 हंड्रेड किलो जूल परमोल होती है दीज वैल्यूज आर सिमिलर टू द कैल्शियम है ना वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइशन एनर्जी फॉर लेंथेनम गैडोलिनियम एंड इज एबनॉर्मली लो कि ये सब तीसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी दे देते हैं तो बाकियों की तुलना में इनकी तीसरी आयोनाइन एनर्जी कम होती है तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी क्यों देंगे क्योंकि देखो पहला दो यहां से जाएंगे पहला दूसरा तीसरा तीसरा यहां से जाएगा तीसरा जाएगा तो इसके मन में लालच आएगा कि जल्दी जाए ना ताकि मैं इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन बन जाऊं तो जाऊन अचीव इनर्ट गैस गैसेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसीलिए ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा दो देने के बाद तीसरा तो जल्दी दे देगा क्योंकि पीछे तो इनर्ट गैस है खाली पड़ाई तो पूरा इनर्ट गैस है भरा हुआ उसी तरह से गैडोलिनियम के मन में भी कोई लालच होगा दो दे देगा और तीसरा फटाक से दे देगा कह रहा कि जल्दी ले ले हाफ फील्ड बन जाऊंगा तो इसीलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन ये भी जल्दी दे देगा हाफ फील्ड बन जाएगा फिर ल्यूटेशियम बोलेगा दो इलेक्ट्रॉन ले लो ठीक है तीसरा जल्दी ले लो क्योंकि मुझे भी फुल फील्ड बनना है तो तीनों की अपनी अपनी वजह लेकिन वजह कुछ भी हो तीनों अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी दे देते हैं कारण क्योंकि तीसरा दो निकालने के बाद इनके आग लग जाती है कि जल्दी निकाल लेना भाई नोबल गैस बनूंगा हाफ फील्ड बनूंगा फुल फील्ड बनूंगा जल्दी निकाल जल्दी हाँ फटाफट ठीक है यस, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस तीन है सब और इनके अंदर बहुत यूनिटी है ये सब प्लस तीन में आना चाहते हैं कोई कहीं पे भी हो जब लड़ाई की बात आती है तो पूरे परिवार में सब लोग बोलते हैं कि यस वी आर प्लस थ्री ऐसे बोलते हैं. तो सीरियम प्लस फोर में भी एग्जिस्ट करता है यूरोपियम और इटरबियम जो है वो प्लस दो में भी एग्जिस्ट करता है

प्लस चार में एग्जिस्ट करने का कारण है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इसके प्लस चार में कॉन्फिग्रेशन uh, में अचीव करने का कारण है एफ एफ ये देखो ये एफ सेवन होता है ये एफ जीरो हो जाएगा ये आपका एफ फोर्टीन हो जाएगा और ये आपका एफ सेवन हो जाएगा हालांकि ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसी वजह से ये इनमें एग्जिस्ट करते हैं मानता हूं आपसे पूछा जाए कि में कौन सा एलिमेंट है जो प्लस चार में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है रीजन सीरियम लिख देना बेटा अगर टर्बियम नहीं दिया हुआ है तो अगर दोनों दिए हुए तो दोनों आंसर जाएंगे ठीक है लेकिन फिर भी मैंने कहा ना संकट की घड़ी में ये तीन में ही आएंगे और जब ये दो वाले तीन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन फोड़ेंगे यानी कि खुद रिड्यूस खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे और फिर से ये भले ही अपनी अपनी वजह से स्टेबल हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में शो करते हैं ये लेकिन मैंने कहा ना जब बात आती है यूनिटी की तो सब प्लस तीन में जाना चाहते हैं सारी बातें भूल के इससे पूछा जाएगा कि एफ सेवन कह रहा क्या हुआ एफ सेवन परिवार पे बात आई है प्लस तीन में जाऊंगा कह रहा है एफ फोर्टीन कह रहा क्या हुआ एफ फोर्टीन परिवार पे बात आइए है ना जाऊंगा ये देखो अब ये एफ फोर्टीन है फिर भी जाएगा जीरो है नोबल गैस है फिर भी जाएगा हाफ फील्ड है फिर भी जाएगा जाएंगे बेटा जाएंगे ही जाएंगे तो याद रखना ये चार से तीन में जाएंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर जाएंगे हाँ तभी तो बच्चा के लिख रहा है कि सीरियम प्लस फोर से सीरियम प्लस फोर से प्लस तीन वाला पॉजिटिव क्यों होगा अरे तो मैं कह रहा हूं ना वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जाना चाहता है तभी तो ये तभी तो चार से तीन में जा रहा है तभी तो तू इसको रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी तभी तो तू इसको एजेंट बोल रहा है बेटा तभी तो इसको तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है क्योंकि भले ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये शो कर देते हैं परिवार से हटकर ये ऐसी ऐसी चीजें शो कर देते हैं लेकिन बात जब आती है तो देखा गया है कि ये भी प्लस तीन में जाने की ही टेंडेंसी रखते हैं और इसी वजह से ये दो वाले जब तीन में जाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और ये चार वाले जब जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते है। हैं वो प्रूफ है कि सीरियम प्लस फोर इज ए स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज उसकी चार से तीन में जाने की वैल्यू बहुत ज्यादा है प्लस वन पॉइंट सेवन फोर बहुत ज्यादा वैल्यू है तो जाएगा ही जाएगा तो ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है जैसे के एम के लिए हमने बात सीखी थी कि कर तो सकता है लेकिन काइनेटिकली बहुत स्लो रिएक्शन होगी इसलिए हम काम में ले लेते हैं सेम चीज वो की वो यहां यह काइनेटिकली बहुत स्लो है इसलिए हम इसको एक्वस मीडियम में इसको भी काम में ले सकते हैं अरे यहां से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है ये कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रट लो इनको

लालू जो है वो क्या है कलरलेस है मैग्नेटिक नेचर ऑल आर लगभग सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं बट लालू यहां पर भी है और लालू के साथ ये आएगा सीरियम प्लस फोर एंड वाई बी टू प्लस क्योंकि वाई बी टू प्लस क्या है एफ फोर्टीन एफ जीरो F14, F0 इन सब में एन जीरो होने की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होने की वजह से ये डाया मैग्नेटिक है तो लालू तो बेटा कलरलेस भी है और लालू डाया मैग्नेटिक भी है लेकिन डाया मैग्नेटिक में एक चीज और ऐड कर देना एंड दैट इज सीरियम एंड बेटा नहीं सीरियम प्लस फोर कलरलेस नहीं होता ट्राइवेलेंट की बात करिए अब इसको मैं कलरलेस नहीं बोल सकता हो सकता हो कि इसमें चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर हो जाए तो इसीलिए जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो दिमाग मत लगाओ मजा तभी आएगा डायल्यूट एच टू एसओ फोर एफ ई प्लस टू को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर सकता डाइल्यूट एजेंट होता ही नहीं है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंसंट्रेट एच टू एसओ फोर भी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट है ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जब कंसंट्रेट ही मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट है तो डाइल्यूट तो होता ही नहीं है डाइल्यूट कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता ठीक है चले आगे आहो आहो जी ये जो जो लिखा है वो सब सब सवाल है एक बच्चा पूछ रहा था कैसे सवाल बनते हैं तो बेटा ये नोट है मेरे ऐसे ही सवाल बनते हैं ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कुछ काम आपको भी दे रहा हूं ये लो होमवर्क कुछ तो तुम भी बढ़ सकते हो जो समझाने का बिल्कुल नहीं वो तो तुम भी कर सकते हो लेंथेनॉइड्स की कुछ रिएक्शन हैं ठीक है ऑक्सीजन के साथ करके एल एन टू ओ थ्री बना लेगा सल्फर के साथ करके एल एन टू एस थ्री बना लेगा नाइट्रोजन के साथ करके लेंथेनॉइड एल एन एन बना लेंगे कार्बाइड बना लेंगे हाइड्रो एच टू ओ के साथ हाइड्रोक्साइड बना लेंगे एच टू गैस रिलीज कर देंगे हेलोजन के साथ एल एन एक्स थ्री बना देंगे है ना एल एन एक्स थ्री बना देंगे एसिड के साथ एच गैस निकाल देंगे है? जो भी लेंथेनोइड है वो प्लस तीन में जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन एसिड का H प्लस खाएगा या पानी का भी H प्लस खा सकता है तो H2 टू गैस निकलेगा इसलिए पानी के साथ H2 टू गैस और एसिड के साथ भी H2 टू गैस निकलेगी कुछ खास है थोड़ी इसमें इस रिएक्शन में कोई चीज है तो बताओ कुछ भी नहीं है ऑक्सीजन के साथ रहे तुम बना लो ये प्लस तीन ये दो माइनस एल एन टू वो थ्री ये प्लस तीन ये दो माइनस एल एन टू एस थ्री तुम पढ़ोगे अपने तो समझ आ जाएगा ये इधर देख लो और कोई डाउट है तो।, तो ये कुछ रिएक्शंस होती हैं इंपॉर्टेंट बात एक और जो ये रही हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ आर बेसिक इन नेचर लाइक ऑक्साइडिकाइक मेटल्स एंड एल्लाइन अर्थ मेटल्स ए एम एंड एम मतलब alkali metals and alkaline earth है। ये कहा होगा एल्के मेटल्स एंड एल्लाइन अर्थ मेटल्स रीजन है मेटल है लो ई है लो ई है तो

डिक्रीज होती है और साइज डिक्रीज होने पर इन बढ़ेगी और इन अगर बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ता है बेसिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा क्या तुमको यह समझ आ गया यूज इस यूज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मिश मेटल और मिश मेटल किसका बना होता है तो मिश मेटल होता है जिसके अंदर लेंथेनोइड 95 परसेंट होते हैं पांच परसेंट आयरन होता है और प्लस कुछ ट्रेसेस सल्फर कार्बन कैल्शियम और एल्यूमिनियम के भी होते हैं ठीक है ठीके? तो अब उस लेंथेनोइड में से भी 55 परसेंट सीरियम होता है 25 परसेंट लेंथेनम होता है और लगभग 18 परसेंट एनडी होता है ठीक है तो कुल मिला के आपको यहां पर जो ऊपर लिखा हुआ है वो मैंने उसको पूरा समेट के आपके सामने रख दिया है कि ऊपर लिखी हुई कोई बात है तो वो क्या हो जाएगा ऊपर लिखी हुई बात मैंने आपको बता दी है ठीक है ठीक है क्या याद रखोगे ये हालांकि ये डिटेल इसमें नहीं है वो मैंने बताई है आपको नहीं है तो नहीं पूछेगा पर फिर भी याद रखो सीरियम 55 सबसे ज्यादा 55 याद ना रहे सीरियम सबसे ज्यादा होता है इतना तो याद रहेगा उसके बाद लेंथेनम और उसके बाद नियोडाइमियम ठीक है एनडी चलो बाकी तो तुम पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो तुम भी पढ़ोगे आ जाते हैं एक्टिनोइड्स पे एक्टिनोइड्स के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं जितना लेंथेनोइड्स को पढ़ा है उससे भी कम समय में हम एक्टिनोइड्स को पढ़ेंगे उसका कारण है एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं है ना जो कुछ हम स्टडी कर पाते हैं वो शुरुआत के ही कुछ मेंबर्स की कर पाए हैं उससे आगे के मेंबर्स की तो कोई स्टडी कर भी नहीं पाया अभी तक तो अर्लियर अर्लियर टाइप के ही पढ़ते हैं हम अर्लियर एक्टिनोइड्स मतलब आधे से लगभग है ना आधे के आसपास 95 96 तक और जो शुरुआत वाले हैं उनकी लॉन्ग हाफ लाइव्स होती हैं इसी वजह से उनकी स्टडी भी की है बाद में बहुत हाफ लाइफ बहुत कम हो जाती है किसी की एक मिनट सेकंड वेकेंड में चली जाती है ठीक है तो इसलिए ये देखो जो है वो तीन मिनट की हाफ लाइफ है अब तीन मिनट की हाफ लाइफ हाँ में आप उसकी क्या स्टडी करोगे इसलिए बाद में आने वाले एक्टिनोट्स की स्टडी इतनी ज्यादा नहीं की गई है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है ना द लेटर मेंबर्स कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटीज़ है है ना ना यही कारण है कि आप उनको बनाओगे नैनोग्राम में बनेगा क्या आप प्रॉपर्टी करोगे मिनट्स के लिए उनकी हाफ लाइफ होती है इस वजह से शुरुआत के एक्टिनोट्स के बारे में ज्यादा चर्चा की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सभी जानते हैं एक्टिनोट्स के अंदर हम सब पढ़ चुके हैं कि एक थोरियम को स्पेशली ध्यान रखें डी होता है ये सब डी होते हैं है ना और एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन का खास तौर से ध्यान रखें बाकी मैंने तरीके बता रखे हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं पीरियोडिक टेबल का आप लेक्चर देख के ये चीज कर सकते हो मैंने वहां करवाया है साइज की अगर हम बात करें तो जनरल ट्रेंड इन लेंथेनोइड इज ऑब्जर्वेबल इन एक्टीनोइड एज वेल जैसा कि लेंथेनोइड में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है इनमें भी लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है तो इनमें भी लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज क्या होती है डिक्रीज होती है रीजन बोलो क्या एक्ट्रेक्टीनोइड कॉन्ट्रेक्शन अब एक्टीनोइड कॉन्ट्रेक्शन का क्या ड्यू टू ओवरशील्डिंग ऑफ फाइव एफ इलेक्ट्रॉन यही है साइज के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है सेम चीज जैसा उसमें डिक्रीज होता है वैसा इसमें भी डिक्रीज होता है हालांकि एलिमेंट टू एलिमेंट ग्रेटर इंफ्लुएंस होता है अब ग्रेटर का मतलब क्यों यहां एलिमेंट टू एलिमेंट ग्रेटर क्यों जाता है फाइव तो एफ की शील्डिंग ज्यादा पुअर होगी क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट अगर ज्यादा जा रहा है तो फाइव एफ की शिल्डिंग तो से ज्यादा पावरफुल एक्टिनोइड पावरफुलशन होता है ये मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था अब कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा पावरफुल है ये वाला तो एलिमेंट टू एलिमेंट इफेक्ट भी ज्यादा आएगा और रिजल्ट क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड में थोड़ा ज्यादा रहेगा ही एनर्जी बहुत कम होता है और हम ये चीज आज पढ़ ही रहे हैं कि अगर एनर्जी गैप कम होगा तो यहां से, यहां से यहां से हमारे पास तीन तीन कमरे हो चुके हैं जहां से हम लोगों को बुला सकते हैं कि आ जाओ भैया एक जगह आवाज देखे तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो यहां पर हमको वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल सकती है मार्क कर दिया है बेटा जो जो चीजें मैंने लिखी हुई है वो ध्यान रखना ये एनपी और पीयू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सेवन न्यूज पेपर पुराना न्यूज पेपर पुराना जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है न्यूज पेपर पुराना सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है इनमें भी देखो वही ट्रेंड है शुरुआत में नहीं है और लास्ट में भी नहीं है ठीक है लास्ट में भी नहीं है शुरुआत और लास्ट दोनों में नहीं है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी एनपी एंड पी यू अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी होगा तो आंसर वही जाएगा ये एक्टिनोइड्स की बात हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है सिल्वरी इन अपीरियंस होता है ठीक है ये तो तुम भी कर सकते हो यार क्या ही है यस एक्टिनोइड पानी के साथ नहीं रिएक्शन करते स्टीम के साथ करते हैं सारे स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाएंगे और एच टू गैस जो है वो क्या करेंगे रिलीज करेंगे एच टू गैस जो क्या है वो रिलीज करने वाले हैं ठीक है बेटा Actinoids are highly reactive metals. Then, then, lanthanoids. The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide and hydride. I have Hydride and oxide. सही कर देना बेटा इसको हाइड्राइड प्लस ऑक्साइड होगा ठीक है ठीक है बाकी ये एक्टिनोइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते कंसनट्रेट एच एन थ्री के साथ वही पैसिवेशन दिखा देंगे कंसनट्रेट HNO3 के थ्री की तो आपको पता ही है है ना बेकार आलू फेंका करो तो पता ही आपको यही पैसिवेशन आपको पैसिवेशन का पता ही मतलब ही ही है तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी करते हैं एक्टिवेशन यस ऑफ अर्ली अर्ली एक्टिनोइड्स आर लेसर देन क्योंकि हम शुरुआत के ही पढ़ सकते हैं इसीलिए कंपेरिजन शुरू शुरू वालों का ही किया है रीजन तो है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइव एफ में इलेक्ट्रॉन्स इन फाइव एफ आर लेस फर्मली हेल्ड बाई न्यूक्लियस ना, है ना एक्टिनोइड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है में पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है कम होता है अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल लोगे जल्दी निकाल दोगे तो उनकी आयोनाइन एनर्जी कम होगी तो लेस अट्रैक्शन है ना लो आयोनाइजेशन एनर्जी बस खत्म बात आ जाओ एक्टिनइड कॉन्ट्रेक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेनाइड कॉन्ट्रेक्शन रीजन कौन बताएगा इसका मोर पोअर शिंग ऑफ फाइव एफ एज कंपेयर टू फोर एफ इलेक्ट्रॉन जितनी पोअर शेल्डिंग उतना पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन ठीक है भाई तो ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एनसीआरटी का सवाल है रीजन है मोर पुअर सिग्मा ऑफ 5f एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स 5f का शील्डिंग तो और पुअर होगी ना बेटा यस 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 बहुत बढ़िया आ जाओ जो नया लाइक नहीं किया लाइक करो कुछ एप्लीकेशंस हैं सब कुछ पढ़ चुके हैं ठीक है सब कुछ पढ़ चुके हैं है। दो चार चीजें आप देख लेना बेटा जो अपना यूके कॉपर होता है ये कॉइंस होते हैं कॉपर कोटेड स्टील के स्टील के ही होते हैं बट कॉपर का कोटिंग होता है ऊपर सिल्वर यूके के कॉइन्स जो होते हैं वो सी यू और एन आई के अलोए होते हैं ये मैं बता चुका हूँ वी टू ओ फाइव बता चुका हूँ नाटा बता चुका हूँ है ना ये सारी चीजें बाकी तो मैंने कर दी हैं आप जाके देख सकते हो ठीक है होमवर्क लिखा हुआ है मेन बैच में भी मैंने होमवर्क ही दिया था यहाँ पर भी होमवर्क ही दूंगा और भी यूजेस हैं क्या है वही हाइड्रोजिनेशन वाला हैबर्स प्रोसेस वाला सब मैंने ऐड कर लिए है वहां पर जाके नोट्स में देख लेना वाकर प्रोसेस पी टू हम ऐड कर चुके हैं फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में ए ये हम कॉर्डिनेशन में कर चुके हैं है ना ए अनडिकम्पोज ए जी बी आर को आ, हाइपो के जरिए गोला जाता है कॉम्प्लेक्स बना के तो लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है ए जी बी आर की ये हम उसमें कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन में तो आप खुद पढ़ सकते हो नहीं समझ आए ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा ठीक है चलें आगे सवाल शुरू करें हो गया बस सवाल करते हैं आ जाओ फिर पहला सवाल

6D, और यहाँ 7S भी होता तो चलता लेकिन इन्होंने जिस तरह से ऑप्शन बनाया है सबको पता चल रहा है कि यही होने वाला है ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव यस

चले आगे आगे चले क्या? सवाल तो समझ आ गया चलो अगला सवाल लल्लू सवाल मोस्ट कॉमन लेंथेनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट सावन की गटा प्लस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नॉट ट्रू विच ऑफ कौन सा नहीं है इन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज बिल्कुल सही बात है मीडियम जब तक एसिडिक होगा वो डाइक्रोमेट रहेगा ऑरेंज ही रहेगा के टू सी आर टू ओ सेवन सोल्यूशन बिकम येलो ऑन इनक्रीजिंग दी एच बी ऑन सेवन ये भी सही है कि जब पीएच बढ़ाओगे तो वो क्रोमेट में जाएगा येलो हो जाएगा ऑन पासिंग एच टू एस टू एसिडिफाइड के2क्र2ओ7 सॉल्यूशन में मिल्की कलर इज ऑब्जर्वड हाँ यस मिल्की कलर का मतलब है वो सल्फर में बदल जाएगा बेटा मिल्की कलर का मतलब क्या है ये सल्फर दो माइनस से सल्फर में आ जाएगा जीरो में ये मिल्की कलर होता है सल्फर की अपीयरेंस मिल्की होती है Na2Cr2O7 इज प्रेफर ए तो पहले ही दिखा देते भाई इतना सस्ता है आ जाओ फिर आंसर लेओ Which of the following statement is related to lanthanones is incorrect? Lanthanones is incorrect. बताओ जल्दी All the length पहले एक काम करते सीरियम प्लस फोर सोल्यूशन आपको पहला स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है एनसीआर में है भी नहीं कोई बात नहीं देख लेते हैं सीरियम प्लस फोर सोल्यूशन आर वाइडली यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल्यूमेट्रिक एनालिसिस सही है यूरोपियम प्लस दो शो करता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है सही है बेसिसिटी ऑफ बेसिसिटी डिक्रीजेस एज द आइनिक रेडियस फ्रॉम पी आर टू लुटेशियम ठीक है हमने शुरू से पढ़ लिया था ल्यूटेशम तक लगातार साइज डिक्रीज होती है एसिडिक नेचर बढ़ता है बेसिक नेचर घटता है तो ये भी सही है तो बच्चा ही एक जो कि गलत होगा फिर और ये रहा वो ऑल द लेंथेनॉन्स आर मच मोर रिएन एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी एस ब्लॉक के बाद आती है अगर आप बात करोगे केमिकल जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम कलर्ड सॉल्ट ठीक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विच ऑफ विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट लगाओ भाई कलर्ड सॉलिड स्टेट में कलर्ड कौन सा होगा कॉपर यहाँ पे प्लस दो हैं डी नाइन जिंक यहाँ पर प्लस दो है डी टेन कॉपर यहाँ पे प्लस वन है डी टेन सिल्वर यहाँ पे प्लस वन है डी टेन बात समझ आ गई राजा आंसर लगा दे और आगे आ जा चल नेक्स्ट ये तो पहले से ही आंसर टिक है लो हाँ तो आंसर टिक है तो देख लो फिर एम एन टू ओ सेवन एक्सप्लोजिव कंपाउंड बन जाता है जब कंसेंट्रेट एच टू एस मिलाते हैं तो मज्जाक का सवाल है मज्जाक का आगे आ जा रहे अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम फोटेरिक ऑक्साइड टी आर टू ओ थ्री एम फोटेरिक होता है कि हाँ ठीक है ये नहीं होता इसको मानना पड़ेगा ओके okay, ओके okay. hmm. अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वी टू ओ फाइव वी टू ओ फाइव सी आर टू ओ थ्री वी टू ओ फाइव है यही हो गया फिर तो सी आर टू ओ थ्री वी टू ओ फाइव चलो एम फोटेरिक हो गया क्या वी टू ओ फोर होता है वी टू ओ फोर वो भी ही होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है बी टू ओ फोर भी एम्फोटरी होता है बट ऑप्शन में नहीं है ध्यान रख लेना है ना कंफ्यूज मत होना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टीनोट शो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू सेवन न्यूज पेपर पुराना न्यूज पेपर पुराना बी डी पीओ बी डी का बी डी ये लो पीओ बी डी पीओ न्यूज पेपर पुराना एनसीईआरटी एग्जांपलर के सवाल है मैंने नहीं बनाया है ना ये देखो वही सवाल जिसकी मैं कह रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये प्लस छः वाला कर जाएगा ये कर जाएगा ये दोनों नहीं कर सकते ये सीबी हाँ ये नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेबल होते हैं हो रहा है ना सवाल तो हैं

ये इसको लपक के Cl2 टू बना देगा तो याद करो ऐसा कुछ बताया था कि ना एच सी एल यूज कर सकते हो ना एच बी आर यूज कर सकते हो ना एच आई यूज कर सकते हो ठीक है तो टू बना देगा अब Cl2 टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो फिर आयरन को छेड़ेगा रिएक्शन को खराब करेगा ठीक है बेटा आहो आगे विच पेयर्स ऑफ आयन इज कलरलेस कलरलेस पूछ रहा भैया कलरलेस 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 ये रहा डी टेन और ये रहा डी जीरो कलरलेस चलो फिर चले आगे क्या माहौल डाइक्रोमेट क्रोमेट डाइक्रोमेट क्रोमेट डाइक्रोमेट से क्रोमेट में आना है तो एक्स होना चाहिए बेसिक और क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाना है तो वाई होना चाहिए एसिडिक एक पहला ही आंसर हो गया हो चलते रहो अगला सवाल सेलेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम ईयू वाई बी रिड्यूसिंग एजेंट इसको तो काट दो इसको काट दो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था याद करो ये स्टेबल होता है काट दो ये होता है ये होता है ये, होता है। ये 2023 का सवाल है और क्रोमियम के लिए भी हमने पढ़ा था कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो आंसर हो गया ईयू वाई बी और क्रोमियम प्लस टू ये आंसर हो जाएगा आपका इन दोनों के लिए तो हमने पढ़ा ही है क्रोमियम के लिए हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि क्रोमियम प्लस टू से प्लस तीन में जाना आता है टी टू जी हाफ फील्ड स्टेबल होने के लिए है ना तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये लो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एम एन ओ फोर माइनस टू इज स्टेबल सही है हैं, तो उधर स्ट्रॉन्ग होगा डी ब्लॉक है, ये, भी सही है. ये, माफ करना, ये पुराना सवाल है तो मेटल अर्जी थोड़ा सा इसमें आ चुका है बट ये सही है ये गलत है, है, ना? KMNO4, कह रहा है कि कैम एन ओ फोर बेसिक मीडियम में

ए और सी सही है और क्या है करेक्ट ही जाएगा क्या ए और सी ऐसी चलाओ गर्मी बहुत एम एन टू ओ सेवन की स्ट्रक्चर अगर याद है तो बात खत्म हो गई है बस चलो अगीला सवाल अगीला सवाल कही रहा है विच वन अमंग्स द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये तो कहां से ही होंगे क्योंकि ये सब तो तीन में जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं हो सकते तो दो वाले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकते ना सी लगाओ पिक्चर देखो चलो हाँ भाई चले आगे ये सब जयंस दो हजार के ही क्वेश्चन है ठीक है इसमें मैंने कुछ भी कुछ नहीं किया है ये आप करोगे खुद सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कुछ नहीं करना है कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है जिन जिन का बराबर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उन उनकी बराबर मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सोल्यूशन है ना ये देखो हमारा सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस छ से यहां पे क्रोमियम कहाँ जाएगा बेटा प्लस तीन में आ जाएगा तो छ से तीन में ही तो आया रे छ से तीन में ही तो आया रे मजा आ रहा है सवाल करने में चलो अगला सवाल ये रहा वो सवाल जो पूछ सकता है कैमेन ओ फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजेस आई माइनस इन एसिडिक देखो एसिडिक में तो क्या करेगा आई टू में पहुंचाएगा और न्यूट्रल और फ्रेंडली में आई ओ थ्री माइनस में पहुंचाएगा तो रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है तो आई टू आई टू आई टू आई टू आई टू आई टू आई टू, आई टू ये काट दो ये काट दो ये काट दो रेस्पेक्टिवली पूछा है इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं है आई टू और आई वन वाह तगड़ा सवाल तगड़ा ऑप्शन देखो नशे करके बना रहे चलो आगे आहो जी बताओ विच ऑफ एलिमेंट है हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट हाफ फिल्ड इन देयर ग्राउंड स्टेट एक तो गेडोलिनियम होता है एफ सेवन एक यूरोपियम होता है एफ सेवन और तो कुछ नहीं होता है तो बी डी हो गया बी डी दोनों हो गए एफ सेवन क्या चलो भाई पी बीडीपी कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स वैल्यू ऑफ ए नॉट सेल कॉपर प्लस टू प्लस टू इज पॉजिटिव यही तो कारण है सही है क्योंकि इधर से इधर जाना चाहता है ये इधर से इधर नहीं जाना चाहता अगर कॉपर से कॉपर प्लस टू में जाता तो इलेक्ट्रॉन देता और इलेक्ट्रॉन देता तो हाइड्रोजन रिलीज करता तो सही है आंसर पहला ही होगा एकदम करेक्ट दोनों ठीक है और बिल्कुल दोनों ठीक है सर जी सर कॉपर आयोडाइड इज़ नॉट सी बात है जब ये तो मैंने पी ब्लॉक में ही बता दिया था पी ब्लॉक में ही बता दिया था कि I, क्या हो गया मेरे भाई कि आई माइनस के साथ आई माइनस जो है वो किसी के भी साथ मैंने बताया था ना आई माइनस कॉपर टू प्लस हो आयरन प्लस तीन हो है ना बी आई प्लस फाइव हो हेलियम प्लस तीन हो अगर आप इनके साथ आई माइनस लेके आते हो तो ये सब सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे ये देखो ये कोपर प्लस वन में आ जाएगा आयरन प्लस टू में आ जाएगा बी आई प्लस तीन में आ जाएगा ठीक है थैलीम प्लस वन में आ जाएगा ऐसा बताया हुआ है तो आई माइनस तो काम खराब ही करता है कॉपर प्लस टू ऑक्सीज आई माइनस टू आयोडीन कॉपर प्लस टू आयोडाइड इज नॉट नॉन आई माइनस को आयोडीन में कर लेगा तो सही बात है बिल्कुल सही है बहुत एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एकदम सही है है ना जनता क्या लिख रही है सवाल दो लिख रही है जनता क्यों लिख रहा है प्लस दो इसको आई माइनस को आयोडीन में ऑक्सीडाइज ही तो करेगा तो क्यों लिख रहे हो भाई पलट 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 जनता पलट आ जाओ अगला सवाल अगलो सवाल का कह रहा हो अगलो सवाल कह रहे हो कि सेपरेशन ऑफ ज़िरकोनियम एंड एंडियम इज डिफिकल्ट ओ माय गॉड ऐसा सवाल बिकॉजियम एंडियम लाई इन द सेम ग्रुप ऑफ दीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असरसन करना मानता हूं थोड़ा मुश्किल है लेकिन रीजन उसका लेंथ है नॉइट कॉन्ट्रेक्शन है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है तो आंसर दूसरा होगा ग्रुप तो सेम है हमको भी पता है दोनों सही है बट ग्रुप सेम होने का कोई रीजन थोड़ी है रीजन क्या है बोलो रीजन क्या है बोलो रीजन क्या है बोलो रीजन क्या बोलो रीजन क्या है बोलो अरे बोलो रीजन बोलो लेंथ है नोट कंडक्शन करेक्ट आहु व्हेन MnO2 इज हीटेड विथ फ्यूज्ड KOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर देन द प्रोडक्ट ये उसकी प्रिपरेशन है के फोर की प्रिपरेशन है कि पहले एम एन ओ टू को जब अपन के ओ एच के साथ गर्म करते हैं दो तो तरीके थे या तो के एन ओ थ्री ले लो या के ओ एच प्लस एयर ले लो तो पहले बनता है मैग्नेट और मैग्नेट होता है के टू एम एन ओ फोर ये एन छोटा कर देना बेटा और ग्रीन कलर का आंसर हो जाएगा थर्ड पहले के टू एम एन ओ फोर बनता है फिर उसके तीन तरीके थे एच प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑज़ोन याद आ रहा है तो पहले तो के बनेगा पोटेशियम मैंगनेट और उसका कलर ग्रीन होता है डार्क ग्रीन कलर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय मजे ले रहा कैल्शियम लिख के सोच तो रहा कैडमियम समझ के लोग देखेंगे ही नहीं चुपके से बच जाऊंगा अल्लाह हमऊ को पागल बना रहा हूं। reaction, no हो इन विच रिएक्शन नो कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व टी आर फोर है एसिडिक करोगे डाइक्रोमेट हो जाएगा टी आर टू ओ सेवन है ठीक है ये तो रिड्यूस ही कर देगा इसको तो ये बदल जाएगा ये कुछ नहीं कर सकता ये सल्फाइड है ये हमारा ब्राउन कलर होता है है ना और ये पर्पल में चेंज हो जाएगा तो पर्पल जब एन ये हम पढ़ेंगे सोल्ट एनालिसिस में आ जाएगी ये बात अभी के लिए माफ करो पहला आंसर लगाओ आगे बढ़ो Which of the following property first increase then decrease on moving from the scandium to zinc? Ah, unpaired electron पहले increase होते हैं फिर decrease होते हैं Heat of atomization, वही atomization enthalpy, वो भी ऐसा graph चलता है फिर ऐसा चलता है Maximum oxidation state भी हमने वो वाला graph पढ़ा था All of these, ये सारी middle of a series तक increase होती है और फिर decrease हो जाती है ये सारी property. है है ना एक दो तीन चार पांच फिर होना करेगी, तो जाएंगे। हमने भी इस तरह से देखा था बीच तक बढ़ती है फिर कम हो जाती है एटोमाइजेशन एनथेलपी भी क्या होता है डिपेंड करती है इंटर एटोमिक इंटरेक्शन पे और इंटर एटोमिक इंटरक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था पर डी ऑर्बिटल बाइटल अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल और पर डी और पाइड अनपेड इलेक्ट्रॉन डी फाइव तक बढ़ेगा डी वन से डी फाइव तक याद आ रहा है बढ़िया सवाल है ये अच्छो सवाल है दो चार चीजों को मिला के बनाया हुआ सवाल है कलर्ड एंड पैरा मैग्नेटिक ऑक्सो एनायस कलर्ड एंड पैरा मैग्नेटिक पूछ रहा है बेटा कलर्ड तो सारे ही है लेकिन पैरा मैग्नेटिक कौन सा होगा प्लस छ गया प्लस सात गया गया एगा ये ये कलर्ड भी है और पैरा मैग्नेटिक भी है अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें एक है ये पैरा है और ग्रीन है कलर्ड तो सारे हैं लेकिन सारे के सारे डाया है इसलिए आंसर हो जाएगा तीन आंसर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा तब तक चलेगा क्लास बस दस मिनट और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बेटा आपको इतने सवाल है मैं ही देख लेता हूँ एक दो तीन चार पांच छो दस बारह तेरे।, तेरे सवाल है तेरे सवाल को तेरे सामने तेरे मिनट भी नहीं लगाऊंगा आज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ल्यूटेशियम थ्री प्लस हैज द टेंडेंसी टुवर्ड्स फॉर्मेशन

तो डी ब्लॉक का है छुपा दिया इन्होंने इनको लगा कि इना मीना डी का कर देते हैं पता ही नहीं लगेगा चुपके से हैं कह रहे एन पी एन डी एन डी ए एं, नायो बी एम है डी ब्लॉक को तो देख रहे हो खेल गया वो तो आंसर हो गया चार बाकी सब हो गए सही है ना ये सबसे छोटा हो गया ना स्मॉल साइज सबसे तो फाइ ज्यादा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है होगी वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि तो सबसे छोटा वही है लास्ट वाला है आहो जी आहो जी अगलो सवाल का कह रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम सीरियम टू टूशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज नहीं होती पैरा मैग्नेटिज्म ऑफ ट्राइवेलेंट आयंस यस डिक्रीज होता है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक नेचर डिक्रीज होता है भैया पैरा मैग्नेटिज्म ऑफ ट्राइवेलेंट आयंस भी डिक्रीज होता है क्या इसके आंसर दो होंगे बेटा इसका आंसर दो होएगा क्या लुक जाओ सोचने दो तुम लगाओ दिमाग क्या आंसर करते हो देखे मेरे को सोचने दो अच्छा मैं ही गलत सोच रहा हूं ना पैरा मैग्नेटिज्म सीरियम से ल्यूटेशियम तक डिक्रीज थोड़ी होगा पैरा मैग्नेटिज्म ल्यू से गेडोलिनियम तक तो इंक्रीज होगा ना ये तो शुरू से लेके लास्ट तक डिक्रीज बोल रहा है कंफ्यूज ये, ये हो, हो रहा था कि घटता तो वो भी है लेकिन बेटा वो तो पहले बढ़ता है ना पहले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे फिर पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी हाँ ठीक है क्लास जल्दी खत्म कीजिए कर तो रहा हूं बेटा सारी चीजें पढ़ा दी अब ऐसे क्यों कर रहे हो ऐसे मत करो यार के टू एम एन ओ फोर इनकरेक्ट पूछ रहा है टू तो पी पाई थ्री पी पाई।, पी पाई पी पाई थोड़ी होती है मेटल है डी पाई पी पाई होता है क्या चाहिए इसको यार तो सरे आमी गलत लिख रहा है तो बाकी सब सही है देख लेना सब पढ़ाया हुआ है एसिडिफाइड के टू आर टू ओ सेवन कैन नॉट ऑक्सीडाइज ट्रीन विट्रियोल मोहर सॉल्ट फेरिक फेरिक बोल दिया ना लेकिन ऑक्जेलेट को तो कर सकता है फेरिक सल्फेट ऑक्ट को कर सकता है ना ये फेरिक का मतलब तो थ्री प्लस है ऑक्जेलेट का मतलब सी टू ओ फोर टू माइनस है तो इसको तो कर ही सकता है ना तो इसीलिए इधर नहीं कर पाएगा ना इसको छेड़ पाएगा ना सल्फेट को छेड़ पाएगा क्योंकि वो प्लस छह में बैठा है तो इसको और इसको नहीं कर सकता आंसर चार हो जाएगा सिर्फ फेरिक देख के आंसर टिक मत कर देना वहां ऑक्जेलेट है वो खा जाएगा उसको वहां ऑक्जेलेट भी है बेटा फेरिक देख के मत आंसर टेक कर देना मैं करने वाला था गलती तुम मत कर देना ऑक्जेलेट को तो निपटा ही सकता है वो हाँ यहाँ पर ना तो फेरिक से बात करता है ये ना ही यहाँ पर ये सल्फेट से बात करेगा इसलिए आंसर चार हो जाएगा ठीक है बाकी ग्रीन विट्रीओल जो है और जो मोहर सोल्ट है वो तो हो ही जाएंगे आपके ठीक है बेटा ग्रीन विट्रियोल में वही मोहर सोल्ट में फिर से आयरन प्लस दो में ही है ग्रीन विट्रियोल में भी आयरन फिर से प्लस दो में ही है तो ठीक है है ना हरा ग्रीनरेटिव मतलब FeSO4.7H2O FeSO4 फेरस सल्फेट होता है वो और ये फेरिक सल्फेट है दोनों में फर्क है आओ आओ सही है किसमें Mo बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल किसमें नहीं होती अरे इसमें नहीं होती बाकी सब में बराबर ही होती उसमें दो तरह की होती है। काइक्रोमेट आ जाओ

स्टार्टिंग में यहां तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है फिर डिक्रीज हो जाती है कारण वहां पर थ्री डी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है क्यों क्योंकि पेयरिंग होना शुरू हो जाती है जीरो ऑक्सीडेशन स्टल्सो शोन बाय एलिमेंट्स इन इन द कॉम्प्लेक्सेस सही है इन द हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल्स शो बेसिक कैरेक्टर ये तो, तो गलत ही हो गया हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक कैरेक्टर कैसे हो सकता है हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होगा बेटा क्टर होगा ना हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक कैरेक्टर मैच ही नहीं कर रहा सवाल समझ आ गई मेरा होमवर्क दे दो रुक जा रहे तीन चार ही तो सवाल है फोर के बारे में इनकरेक्ट कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम एम मेटल टू लिगेंड गलत एम एल सी टी नहीं होता बेटा एल एम सी टी होता है यानी कि अगर ये ओ टू से एम एन प्लस सेवन बोलता तो मैं इसको सही मानता ये लो ये गलत हो गया बाकी तो सब सही है बाकी सब तो सही है बाकी सब सही है तो तुम अपने हिसाब से देख लेना क्या क्या सही है क्या क्या गलत है मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रिक्वेंट इन फोर डी और फाइव डी सीरीज अच्छा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा कि टॉप टू बॉटम इन बी ब्लॉक जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है इस वजह से मेटल मेटल बॉन्ड होता है और अटोमाइजेशन एंथेल्पी इंक्रीज होती है तो ग्रेटर एंथेल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन द लार्ज साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ठीक है आंसर ये एक पहला ही हो गया ऑटोमाइजेशन एंथेल्पी से रिलेटेड है इन्होंने उल्टा पूछ लिया

सारे कलरलेस बोल दिए गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सी के एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स जब हम उसको फाइनली डिवाइड करते हैं तो वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं चार सवाल आखिरी यस नेचर ऑफ ऑक्साइड वी टू ओ थ्री एंड सी आर ओ इज इंडेक्सड एज एक्स एंड वाई ये आपका प्लस तीन हो गया और ये आपका प्लस दो हो गया ये भी बेसिक है ये भी बेसिक है दोनों ही बेसिक बेसिक है मैं बता देता हूं प्लस वन प्लस टू और प्लस तीन बेसिक होता है प्लस फोर एम फो प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट ब्लॉक के अंदर ठीक है बेटा हिमांशु शर्मा बस कर अब सर एक वीडियो बनाओ जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हो वीडियो ही बनाते रहेंगे क्या हाँ ये बनाओ वीडियो बनाओ और ये बनाओ तुम्हारा दिमाग तो हो चुका है एकदम सुट है तुम्हें पता भी है ज्यादा सुविधाओं के चलते तुम्हारा दिमाग खत्म हो चुका है वीडियो सॉल्यूशन चाहिए पीपीपी -पी -पी का भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए उसका भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए भाई अपना दिमाग कब लगाओगे यार ये सब तब यूज करो जब जरूरत पड़े अपना दिमाग दौड़ाओ ना इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाई आयन ये होता है सी आर सी आर ये लोन पेर ये लोन पेर क्या ये लीनियर है सी आर ओ सी आर ओ ये लीनियर नहीं है लीनियर नहीं है क्या ये सिमेट्रिकल है नहीं है सिमेट्रिकल भी नहीं है नॉन लीनियर एंड सिमेट्रिकल नहीं नॉन लीनियर एंड सिमेट्रिकल लीनियर तो नहीं है खैर ये तो छोड़ो लीनियर नहीं है लीनियर नहीं है अब आती है नॉन लीनियर नॉन लीनियर और अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोला हुआ है ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे तो सिमेट्रिकल, यस सिमेट्रिकल है दोनों तरफ बराबर है ना इधर और इधर के बॉन्ड बराबर है ये सिमेट्रिकल है ये दोनों लेंथ बराबर है इसलिए सिमेट्रिकल बोला इसको तो नॉन लीनियर तो है लेकिन सिमेट्रिकल है साथ में अनसिमेट्रिकल तो नहीं होगा ये क्योंकि दोनों तरफ बराबर है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एन ऑट एक्सिबिट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट विद डाय मैग्नेटिक नेचर ये तुम करोगे पोटेशियम पर मैगनेट ऑन हीटिंग एम एन ओ फोर हीट करो के टू एम एन ओ फोर क्या बनेगा साथ में एम एन ओ टू प्लस ओ टू यही बनेगा तो ये बात कर रहा है के टू एम एन ओ फोर की और के टू एम एन ओ फोर कलरलेस तो नहीं होता तो ये हो गया डाया मैग्नेटिक एंड ग्रीन भी नहीं होता डाया मैग्नेटिक नहीं होता पैरा मैग्नेटिक होता है और ग्रीन होता है ये बात कर रहा है इसकी तो ये है एम एन प्लस सिक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है पैरा है और ग्रीन है बेटा ये हो गया सवाल ये लो देख लो भैया नहीं है है ना चलो थैंक यू भी नहीं मेरे बात तो लगाने के लिए थैंक यू कहां से लगाऊं चलो ऐसे ही मान लो थैंक यू यार ऐसे ही मान लो ज्यादा बड़ा हो गया ठीक है भाई तो ये डी एंड एफ बॉग हमने कर लिया है परसों हम मिल रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस के लिए हमारा आखिरी चैप्टर होगा आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा मैंने पूरी कोशिश करी है इसको एक एक चीज समझने की फिर भी मैं यही बोलूंगा एनसीआरटी की रीडिंग लगाना क्योंकि मैंने आपकी एनसीआरटी नाइन्टी परसेंट कवर कर ली है ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स और स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइट को लेकर कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं बताए हैं वो आपको एनसीआरटी से रीड करना है मैं क्लियरली बोल रहा हूँ वो मैंने नहीं बताया है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू सो मच गुड नाइट और लाइक like करके जाना